independently go for understanding the society, because there are different aspects in the polity as well as in the administration, economy as well as in culture, which is impacting the society and evolution of the society. तो हमें उसके बारे में पढ़ना है कि अलग अलग फैक्टर्स का इम्पैक्ट क्या रहा है. तो हमें मेडाइवल टाइम्स के ऊपर सबसे बड़ा इम्पैक्ट देखने के लिए सबसे पहले देखनी होगी मेडाइवल टाइम्स की जो हिस्टोरियोग्राफी है उसके बारे में हम लोग सबसे पहले देखेंगे. तो मेडाइवल टाइम्स में आपको जो फोकस दिखता है हिस्टोरियोग्राफी के ऊपर, ठीक है, वो आपको दिखेगा रूरल इंडिया के ऊपर काफी ज्यादा किया गया, ठीक है. तो मोस्ट ऑफ द इंडिया कैन बी सीन एम्बेडेड इन द विलेज, है ना. हम आज भी एक ग्रामीण इकोनॉमी या एक ग्रामीण देश कहलाते हैं, है ना. हम आज भी एक अर्बन देश नहीं कहलाते. इसका मतलब ये है कि हमारी ज्यादातर पॉपुलेशन आज भी विलेजेस में रहती है, रूरल एरिया में रहती है. इसलिए हिस्टोरियोग्राफी का कंटेंट भी हम लोग देखेंगे कि रूरल इंडिया में किस तरीके का था. तो अपनी आइडिया क्लियर रखिए कि हम लोग हिस्टोरियोग्राफी ऑफ रूरल इंडिया क्यों देखने की कोशिश कर रहे हैं, बिकॉज वी आर गोइंग टू स्टडी द सोसाइटी इन मेडाइवल टाइम्स, एंड टू अंडरस्टैंड द सोसाइटी वी नीड टू विजिट द रूरल लाइफ इन इंडिया. सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू टेक यू टू द ब्रिटिश अप्रोच. भारत में मेडाइवल टाइम्स की पढ़ाई या रिसर्च शुरू करी गई ब्रिटिशर्स द्वारा. ब्रिटिशर्स रिकंस्ट्रक्टेड द होल हिस्ट्री ऑफ इंडिया, नॉट द ओनली हिस्ट्री ऑफ इंडिया, द इंडीड रिकंस्ट्रक्टेड द हिस्ट्री ऑफ द होल कॉमनवेल्थ. सो वी नीड टू अंडरस्टैंड द ब्रिटिश अप्रोच टुवर्ड्स द रूरल इंडिया और द सोसाइटी ऑफ मेडाइवल टाइम्स, ठीक है. ब्रिटिश हमेशा ये सोचते थे कि भारत के अंदर जो विलेजेस हैं वो लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए काफी फेवरेबल है ना. इट इज वेरी वेरी फेवरेबल एंड वेरी वेरी इजी टू मेंटेन द लॉ एंड ऑर्डर इन द विलेजेस, ठीक है. इसके अलावा विलेजेस के अंदर रेवेन्यू असेसमेंट, मतलब किसको कितना रेवेन्यू देना है, और उसके बाद जो लैंड सेटलमेंट सिस्टम है, जैसे हम लोग देख सकते हैं वी आर हैविंग परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम्स एंड टेम्पररी सेटलमेंट सिस्टम्स. परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम्स लाइक जमींदारी सेटलमेंट सिस्टम्स, है ना, रैयतवारी सेटलमेंट सिस्टम और महलवारी सेटलमेंट सिस्टम. ये सभी सेटलमेंट सिस्टम इंट्रोड्यूस करने में और फाइनलाइज करने के लिए रूरल इंडिया काफी अच्छा माना गया था, ठीक है. अब हमें कारण देखने हैं कि वो ऐसा क्यों मानते थे, है ना. ये हम लोग आगे एक्सप्लेन करेंगे कि ब्रिटिशर्स के लिए इंडियन विलेजेस एक आइडल सिचुएशन या आइडल फेवरेबल एनवायरनमेंट प्रोवाइड करते हैं जहां पे लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन किया जाए, जहां पे रेवेन्यू सेटलमेंट सिस्टम्स को आराम से इंप्लीमेंट किया जाए. ऐसा उन्हें क्यों लगता है उसके बारे में हमें आगे जाकर देखना होगा. सबसे पहले देखते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन क्या है. इवन बिफोर द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ ब्रिटिश रूल इन इंडिया, विलेजेस इन इंडिया एस्टैब्लिश्ड इटसेल्फ एज अ यूनिट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन. भारत में ब्रिटिश का गवर्नमेंट आने से पहले ही भारत के विलेजेस एक बेसिक एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट बन चुका था. सबसे छोटा एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट भारत का विलेज बन चुका था, ठीक है. विलेजेस हैड द प्रेजेंस ऑफ डिफरेंट विलेज लेवल ऑफिशियल्स, वेरीफाइड एंड डिफरेंट टाइप ऑफ जमींदार्स एज वेल एज डिफरेंट टाइप ऑफ प्रिंसेस. व्हेन ब्रिटिशर्स स्टार्टेड देयर एडमिनिस्ट्रेशन द होल एडमिनिस्ट्रेशन वॉज सपोर्टेड बाई दीज पीपल. विलेज में जो ऑलरेडी एस्टेब्लिश जमींदार थे, वहां के जो दूसरे फ्यूडल लॉर्ड्स थे, वहां के जो राजकुमार थे या वहां के जो ऑफिशियल्स थे, ये ऑलरेडी एक एस्टेब्लिश सिस्टम था, ठीक है. हमेशा याद रखें भारत के विलेजेस में ऑलरेडी एक एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप बना हुआ. केंद्र की सरकार चाहे जितनी बार बदले, विलेज का यूनिट इंडिपेंडेंट होता था. विलेज के पास अपना खुद का एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर था, ठीक है. व्हेन ब्रिटिशर्स इंट्रोड्यूस देयर एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया दे यूटिलाइज्ड द ऑलरेडी एग्जिस्टिंग मशीनरी और द एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी इन द विलेजेस. उन्होंने विलेजेस में बनी हुई एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया. अब उन्होंने ऐसा क्यों किया, ठीक है. इसके दो कारण है. पहला कारण,
they did not want to introduce their systems, because according to them their systems were quite expensive, है ना. अगर वो भारत में रूरल इंडिया को लेकर अर्बन इंडिया तक अपनी ब्रिटिश प्रशासन प्रणाली को भारत में लाते तो उसके लिए उन्हें काफी पैसा खर्चा करना पड़ सकता था, ठीक है. दूसरी तरफ दूसरा कारण ये भी है, एक नए सिस्टम का निर्माण करने में काफी ज्यादा समय लग जाता. सो दे अवॉइडेड बोथ, दे बाईपास्ड बोथ एंड दे इंट्रोड्यूस्ड देयर रूल एंड देयर एडमिनिस्ट्रेटिव पेनिट्रेशन विद द हेल्प ऑफ ऑलरेडी एग्जिस्टिंग मशीनरी ऑफ द रूरल इंडिया, ठीक है. तो भारत में जो पुराना मशीनरी था एडमिनिस्ट्रेशन चलाने का, उसी का इस्तेमाल उन्होंने कंटिन्यू किया, ठीक है. तो वो आधार मानते हैं इस तरीके के इंट्रोडक्शन को कि भारत में ऑलरेडी ऐसे सिस्टम्स बने हुए थे, ठीक है. इसके लिए हम एक स्ट्रॉन्ग रेफरेंस देखेंगे, एक स्ट्रॉन्ग हिस्टोरिकल रेफरेंस हमें मिलता है फ्रॉम द ईयर 1782 अप टू द ईयर 1801. वन कंपनी सर्वेंट इन द मद्रास वॉज अपॉइंटेड नेम्ड कर्नल मार्क विल्किंस, ठीक है. तो इनके अनुसार इन्होंने साउथ इंडिया के बारे में रेफरेंस दिया है. ही इज स्पेसिफिकली टॉकिंग अबाउट द साउथ इंडिया एंड ही सेड इंडियन विलेजेस आर द लिटिल रिपब्लिक्स, ठीक है. उन्होंने कहा है कि जो गांव होते हैं वो छोटे छोटे रिपब्लिक्स की तरह काम करते हैं. अब रिपब्लिक का मतलब क्या है? इलेक्टेड हेड, है ना. रिपब्लिक कंट्री अगर हम कहें, एनी कंट्री इज कंसिडर्ड एज रिपब्लिक व्हेन दे आर हैविंग एन इलेक्टेड हेड. सेकंड पॉइंट, व्हेन दे आर हैविंग नो प्रिविलेज क्लास, वहां पे किसी भी प्रिविलेज क्लास का प्रेजेंस अगर नहीं है तो हम कहते हैं कि वो रिपब्लिक कंट्री है ना. जैसे फॉर एग्जाम्पल हम लोग ब्रिटेन को रिपब्लिक नहीं कहते, रिपब्लिक ऑफ ब्रिटेन ऐसा नहीं कहते, हालांकि ब्रिटेन डेमोक्रेटिक है. चाइना डेमोक्रेटिक नहीं है, लेकिन हम चाइना को रिपब्लिक ऑफ चाइना कहते. इसका मतलब ये तो आपको क्लियरली समझ में आया होगा, रिपब्लिकन डजंट मीन डेमोक्रेसी, ठीक है. रिपब्लिकन का मतलब डेमोक्रेसी नहीं होता, रिपब्लिकन का मतलब सिर्फ ये होता है कि वहां पे कोई प्रिविलेज क्लास नहीं है. मतलब जैसे ब्रिटेन में रॉयल फैमिली है, रॉयल क्लास इज अ हाईली प्रिविलेज क्लास इन ब्रिटेन. इवन नाउ, इवन इन टूडेज मॉडर्न डेमोक्रेटिक वर्ल्ड दे आर हैविंग हाईली प्रिविलेज क्लास ऑफ रॉयल्स. पूरे यूरोप में जहां कहीं आप जाएंगे, देर आर मेनी कंट्रीज, स्पेसिफिकली द वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज, दे आर स्टिल हैविंग द स्ट्रॉन्ग एंड वेरी स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस ऑफ द रूलिंग क्लास, ठीक है. तो इसलिए हम ब्रिटेन को रिपब्लिक नहीं बोलते, क्योंकि ब्रिटेन का जो हेड ऑफ द स्टेट है वो किंग है, मोनार्क है, और वो हेरिडिटरी है, वो किसी ने इलेक्ट किया हुआ नहीं है. दूसरी तरफ चाइना जो डेमोक्रेटिक नहीं है, वहां का प्रेसिडेंट इलेक्टेड है, इसलिए वो रिपब्लिक ऑफ चाइना वर्ड इस्तेमाल कर सकते, ठीक है. तो यहां पे जो लिटिल रिपब्लिक का मतलब है वो ये है, यहां पे एक इंडिपेंडेंट और एक ऑटोनॉमस सिस्टम बना हुआ है जो विलेज मुकादम के अंडर में काम करता है, मतलब विलेज हेडमन, ठीक है. अब ये विलेज हेडमन इलेक्टेड है, हालांकि एडल्ट फ्रेंचाइजी के बेसिस पे इलेक्टेड नहीं है, ओलिगार्चिक लेवल पे इलेक्टेड है. इसलिए हम कहेंगे कि इंडियन विलेजेस को उस समय कर्नल मार्क विल्किंस द्वारा माना गया कि ये लिटिल रिपब्लिक्स. जैसे मैंने कहा, द विलेजेस इन इंडिया आर कंसिडर्ड एज ऑटोनॉमस एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स बाय ब्रिटिशर्स. नाउ व्हेन वी से इट इज ऑटोनॉमस यूनिट, इट मींस दैट दे विल ऑलवेज रिमेन अनअफेक्टेड इवन इफ देयर इज द ब्रेकिंग डाउन ऑफ द एम्पायर और किंगडम और ट्रांसफर ऑफ पावर फ्रॉम वन किंग टू अनदर. द विलेज एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप विल ऑलवेज रिमेन अनअफेक्टेड, ठीक है. आपको ये दो बातें बहुत इंपॉर्टेंट है याद रखनी होगी, ठीक है. अब काफी कोरिलेवेंट चीजें हम लोग देख रहे हैं, है ना. ये जो रिलेवेंस है, ये जो रिलेशनशिप है, वो आपको याद रखनी है ना. लिटिल रिपब्लिक कहा गया क्यों? क्योंकि वहां पे ऑलरेडी एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप और सिस्टम बना हुआ है. दे आर ऑलरेडी हैविंग एन एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी, है ना. दैट्स व्हाई दे डिड नॉट यूज देयर ओन मशीनरी और दे डिड नॉट इंट्रोड्यूस देयर इंडिपेंडेंट मशीनरी. अब यहां पे सिस्टम कैसा है? एज दे आर हैविंग इंडिपेंडेंट मशीनरी, दे आर नॉट एट ऑल डिपेंडेंट ऑन द सेंट्रल पावर, सो दे विल ऑलवेज रिमेन अनअफेक्टेड. उसका जो इंटरनल मैनेजमेंट है,
वो हमेशा अनअफेक्टेड रहा, ये कर्नल मार्क विल्स का कहना है। ये बहुत ही जरूरी चीज है याद रखना, ठीक है। तो पूरे ब्रिटिश अप्रोच में आपको यही बात देखने को मिलती है। आगे जाकर हमें मार्क्सियन अप्रोच देखना है, व्हाट वाज द अप्रोच ऑफ कार्ल मार्क्स टुवर्ड्स इंडियन विलेजेस और टुवर्ड्स इंडियन रूरल लाइफ। सो अकॉर्डिंग टू हिम ही फॉलोड द ऑर्डर एंड अप्रोच रिटन बाय द ब्रिटिशर्स। जो बात ब्रिटिशर्स ने लिखी उसी को कार्ल मार्क्स ने आगे जाकर दोहराया। बस कार्ल मार्क्स एक दो मुद्दों को, एक्स्ट्रा मुद्दों को हमारे सामने रखेंगे जो ऑलरेडी हम लोगों ने काफी बार डिस्कस किए हैं, तो आपको उसमें कुछ नया नहीं लगेगा। ठीक है, यहां तक समझ में आया? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, इसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट रेफरेंस है, रेफरेंस फ्रॉम द ईयर 1810, मिस्टर चार्ल्स मेटकैफे। अकॉर्डिंग टू हिम रियल इंडिया वॉज इन द विलेजेस। रियल इंडिया जो है वो आपको विलेजेस में देखने को मिलता है। इवन टूडेज टाइम्स मेनी सोशियोलॉजिस्ट आर कोटिंग द सेम थिंग, है ना। मेनी टाउन प्लानर्स, मेनी एडमिनिस्ट्रेटर्स, मेनी एनालिस्ट आर ऑल्सो सेइंग द सेम थिंग। ठीक है, अब उस समय विलेजेस को डेमोक्रेटिक कहा गया चार्ल्स मेटकैफ के द्वारा। विलेजेस आर डेमोक्रेटिक विथ हेडमैन एंड हिज ऑफिसर्स। ये एक कदम आगे गया, इसने रिपब्लिक्स नहीं कहा, इसने डायरेक्टली डेमोक्रेटिक कहा। अब यहां पे डेमोक्रेटिक कहने का मतलब क्या हो सकता है? मे बी ही इज कॉलिंग इट डेमोक्रेटिक बिकॉज द विलेज हेडमैन वॉज इलेक्टेड। ठीक है, इस कारण शायद ऐसा बोला गया होगा। तो याद रखिए, चार्ल्स मेटकैफे कहते हैं 1810 में रियल इंडिया वॉज इन द विलेजेस एंड विलेजेस आर डेमोक्रेटिक विद हेडमैन। ठीक है, विलेज के बारे में एक और इंपॉर्टेंट बात हमें यहां पर पता चलती है ब्रिटिश अप्रोच से, विलेजेस आर आइसोलेटेड यूनिट्स। ठीक है, आप लोगों ने आज भी देखा हो, इवन वेन यू आर विजिटिंग एनी विलेज लोकेटेड एट द विसिनिटी और अ वेरी क्लोज विसिनिटी ऑफ द सिटी, इट इज हैविंग इट्स ओन इंडिपेंडेंट सिस्टम, इट इज हैविंग इट्स ओन इंडिपेंडेंट कल्चर, दे आर फॉलोइंग देयर मेथड्स ऑफ प्राइमरी इकोनॉमी, है ना। अपना जो सब्सिस्टेंस का मेथड है, उनका पालन पोषण करने का जो मेथड है, वो उनका अपने तरीके का होता है। इवन दो इन मेनी विलेजेस नियर बाय और इन द क्लोज विसिनिटी ऑफ द सिटी they are highly dependent on the urban area, but still they are having their own independent system. Agar hum do villages ki comparison kare, even located at the close vicinity of the urban area, their systems are totally independent of each other, they are not at all interdependent on each other. ye hame dikhai deta hai. to do villages agar aap compare karenge to aapko feel hoga they are actually the isolated units. theek hai, then according to britishers they are self-sufficient. As we are saying, they are isolated means they are independent, means they are not dependent on each other, means they are self-sufficient. ठीक है, तो हम in other words इस तरीके से अगर explain करते जाएंगे तो हम आखिरकार इस नतीजे पे पहुंचते कि villages were and are self-sufficient. Then important thing is that they are unchanging. The whole Indian society, being the rural society, has been alleged to be highly insular. भारत का जो जनजीवन है विदेशी विजिटर्स द्वारा या ट्रेवलर्स द्वारा, अपने ट्रेवलॉग्स में वो भारत के बारे में क्या एक्सप्लेन करते हैं, जैसे मैं बार बार एक रेफरेंस देता हूं मिस्टर एल बेरूनी का, है ना, जो 11th सेंचुरी में भारत में आए, यहां रहे और उन्होंने लिखा इंडियंस आर पजेसिंग हाईली इंसुलर माइंडसेट। अब इंसुलर माइंडसेट का मतलब क्या है? Whoever comes from outside, whatever he tries to teach you, whatever he may bring with himself or herself, Indians will remain unaffected. They won't get influence. They won't try to follow it. They won't try to adopt it. They will continue with their own beliefs. They will continue to live with their own prejudices. है ना, हमारा जो पूर्वग्रह दिशित होता है, जो हम लोग मान के चलते हैं कि भाई हम ही सबसे अच्छे हैं, हम ही सबसे प्रगत हैं, हमारा ही देश विशाल और बड़ा ग्रेट है, ऐसा मानकर चलना लगातार और दूसरे किसी भी देश की अचीवमेंट को अचीवमेंट ना मानना, बाहर से आए हुए स्कॉलर की स्कॉलरली चीजों को एक्सेप्ट ना करना, है ना, इस तरीके के बिहेवियर को माना गया था इंसुलैरिटी, है ना।
we can consider it any kind of insularity, psychological insularity, mental insularity, socio-religious insularity, which is full of prejudices. इस तरीके के allegations हमारे ऊपर किए गए थे, है ना, medieval times. अब medieval times के travelogue में सबसे पहले, सबसे बड़े travelogue में ही ये बात बोल दी गई कि यहाँ की जो जनता है या जनजीवन है काफी insular. बाहर की चीजों से इन्फ्लुएंस नहीं होना चाहता, अपने आप को प्रोटेक्ट करके रखता है, है ना. हम आज भी देखते हैं इंडिया में देयर आर सम कंजर्वेटिव एलिमेंट्स इन द सोसाइटी हु डू नॉट वांट टू फॉलो द वेस्टर्न ऑर्डर्स, दे इवन डोंट वांट टू फॉलो द अदर ईस्टर्न ऑर्डर, है ना. पश्चिमी सभ्यताओं से आई हुई चीजों को फॉलो नहीं करना चाहते, किसी भी नई चीज को, किसी भी नई बात को पश्चिमी होने के कारण विरोध करते हैं, है ना. ऐसा नहीं कि पश्चिमी को विरोध किया जाता है, उत्तरार्ध से आई हुई कोई चीज या पूर्वीय देशों से आई हुई चीजों को, कल्चर को या नई संकल्पनाओं को भी विरोध किया जाए. आप सोचो इस पीरियड में ऐसा है तो इसके पुराने पीरियड में कैसा रहा हो. कंजर्वेटिव एलिमेंट्स वेर ऑलवेज देयर इन द सोसाइटी वेदर दे वेर बिलोंगिंग टू एनी रिलीजियन दे आर कंजर्वेटिव एट ऑल. दैट्स व्हाई वी कैन से दैट इट इज अनचेंजिंग. अनचेंजिंग क्यों है, क्योंकि इंसुलर है ना. उसका उदाहरण, और एक उदाहरण आपको दूंगा मैं, जाति व्यवस्था. The caste hierarchy itself is a highly insular system because you can change the religion but you cannot change your caste. Even your educational achievement, your achievement in terms of economy, your achievement in terms of your career cannot change your social status in India. है ना, आखिर में बोला जाता है ना, आपको है तो वही, कुछ भी कर ले. ये एक prejudice है भारत के अंदर, जहां हम लोग क्लियरली देख सकते हैं द सिस्टम इज हाईली इंसुलर, है ना. यू कैन चेंज योर इकोनॉमिक स्टेटस, योर एजुकेशनल स्टेटस, बट यू कैन हार्डली चेंज योर सोशल स्टेटस. आप अपना सामाजिक दर्जा बदल नहीं सकते. इसका मतलब यू कैन नॉट क्रॉस योर लिमिट्स ऑफ द कास्ट, है ना. उदाहरण के तौर पर बहुत सारी घटनाएं भारत में होती है, जैसे मध्य प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में, बिहार में, ये घटनाएं आमतौर पर देखी गई. कोई निचले वर्ग का, निचली जाति का व्यक्ति मूछ बढ़ा ले तो उसे मारा जाता है. कोई निचली जाति का व्यक्ति शादी में घोड़े पे चढ़ता है, घोड़ी पे बैठता है, उसको भी मारा पीटा जाता है. पानी को छूता है तो मारा पीटा जाता है, है ना. आज के जमाने में इतनी इंसुलैरिटी, इतनी इमोबिलिटी, ये बताता है कि ये सिस्टम कितना इंसुलर है. शायद इसीलिए ये भी कहा गया है इट इज इंडिफरेंट टू द चेंजेस इन द आउटसाइड वर्ल्ड. आप इतनी इंसुलैरिटी मेंटेन करके रखे हो, इसके कारण आप बाहर जाने पर, नई चीजें देखने पर भी आप इन्फ्लुएंस नहीं होते. आपको लगता है नहीं, वही सिस्टम ठीक. वहां से कोई बाहर से आता है, हमें बताता है कि दिस थिंग्स आर नॉट गुड, यू शुड नॉट बिहेव लाइक दिस, हमें फिर भी लगता है नहीं, हमारा इस सिस्टम से. इसका मुख्य कारण वो बताया जाता है कि वी आर हैविंग हाईली इंसुलर सिस्टम्स इन अवर विलेजेस. ठीक है, तो मैंने यहाँ पे इंसुलैरिटी को मेंटेन कर बताने के लिए या उसके रेफरेंस के लिए दो बड़े एग्जांपल्स दिए. ब्रिटिश अप्रोच तो है ही, क्योंकि और इसके पहले 11th सेंचुरी में एल बेरूनी नाम के अरब ट्रेवलर या सेंट्रल एशियन स्कॉलर द्वारा इस तरीके का एलिगेशन उनके ट्रेवलॉग में बार बार लगाया गया. ठीक है, इसके बाद एक और बात कही गई है, विलेजेस वेयर अ ट्रेडिशनल ऑर्गेनिक एंड अ स्टेबल कम्युनिटी ऑफ सब्सिस्टिंग पीजेंट्स. विलेजेस को पीजेंट कम्युनिटी बताया गया, ठीक है, मतलब फार्मर कम्युनिटी बताया गया है और उसे एक ट्रेडिशनल ऑर्गेनिक और स्टेबल कम्युनिटी बताया गया है. ऑर्गेनिक इसलिए बताया गया है बिकॉज दे आर कंसिडर्ड एज पजेसिंग देयर ओन बिलीफ्स व्हिच आर कंसिडर्ड एज वेरी डिफरेंट दैन दैट ऑफ अदर्स बिलीफ. भारत में जो बाहर से आने वाले लोग हैं, ट्रेवलर्स हो, ट्रेडर्स हो या रूलर्स हो, उनकी आइडियोलॉजी अलग होगी. अगर हम उनके सामने कंपेयर करें तो हमारे रूरल एरिया में रहने वाली सोसाइटी की बिलीफ्स काफी अलग है, विच मे नॉट बी एक्सेप्टेबल फॉर द पीपल कमिंग फ्रॉम आउटसाइड. पीपल बिलोंगिंग टू द कॉस्मोपॉलिटन जोन मे नॉट रिकॉग्नाइज सच टाइप ऑफ बिलीफ्स. इसीलिए इंडियन सोसाइटी जो विलेज में रहती है उनको ट्रेडिशनल ऑर्गेनिक कम्युनिटी बताया गया और इसके बाद स्टेबल कम्युनिटी बताया गया. स्टेबल कम्युनिटी बताने के कारण क्या रहे होंगे, आप लोगों को क्या लगता है? ब्रिटिशर्स आर कंसिडरिंग इंडियन रूरल लाइफ टू बी हाईली स्टेबल.
As I said, they are following a highly insular socio-economic order. They are having highly insular religious beliefs. They won't think about doing something new. They won't believe in adopting something new, either cultural, scientific, religious, or philosophical. They won't consider any new thing to allow into their lives. That's why they are considered as insular, and that's why there won't be any change, and that's why they will always remain unaffected. That's why even if any ruler comes from outside and starts to rule at center, it won't, the rural community in India will always be stay unaffected. That's why it will be considered as stable. Then I am having another reason for that. We are having a highly insular caste system in India, which is also having the basis of different occupations. है ना? जो caste है, वो अलग-अलग occupation में divide की गई। एक caste जब sub caste में divide की गई है, occupation का further division देखने को मिलता। Occupational division, which also becomes insular because of the caste-based division, which itself is highly insular. है ना? जैसे वर्ण व्यवस्था में बताया गया, शिक्षा का अधिकार अगले दो वर्णों को, ब्राह्मण और क्षत्रिय, बाकी वर्णों को अधिकार नहीं। ठीक है, जाति व्यवस्था में जो काम जिस जाति को दिया है वो उसी जाति का काम करे, इस तरीके का एक इंसुलैरिटी मेंटेन किया गया, जिसके कारण एक प्रोफेशन में रहने वाला व्यक्ति वही प्रोफेशन प्रैक्टिस करेगा। है ना? इमेजिन इफ देयर आर rulers or feudals in a single village or a group of village, and imagine if more population belongs to the Shudra community, it means there will be very few challenges to that feudal lord. है ना? उसके सामने कोई challenge होगा ही नहीं, क्योंकि शूद्रों को बताया गया है कि आप ब्राह्मण और क्षत्रिय इन दोनों वर्णों की सेवा करें, तो आप पॉलिटिकल पावर अपने हाथ में लेने की कोशिश करेंगे ही नहीं। इसका मतलब आप जो क्षत्रिय है, फ्यूडल है, उनके लिए कोई भी चैलेंज पोज नहीं करते। ये उसका खास मतलब। दैट्स व्हाई इट विल ऑलवेज रिमेन अ हाईली स्टेबल कम्युनिटी। ठीक है, इसीलिए गांधी जी भी मानते थे द कास्ट सिस्टम इटसेल्फ इज एसेंशियल टू मेंटेन द ऑर्डर ऑफ द सोसाइटी। I don't know what kind of order he was talking about. है ना? लेकिन हमारा सोचने का आधार यही है that maximum population of India belongs to the Shudra community. And we cannot keep the lives of majority population in India at stake to continue this bloody order. है ना? तो इस तरीके से इसे stable community कहा गया है। ये आपको पता होना चाहिए। Subsisting peasants कहा गया है, they are not at all producing surplus, है ना? वो अपने उदर निर्वाह के लिए खेती करते हैं, अपने ब्रेड एंड बटर के लिए खेती करते हैं, उससे बड़ा सोर्स उनके लिए कुछ नहीं है। ठीक है, उनका मोटिव भी इस एग्रीकल्चर के पीछे या अपने प्रोफेशन को प्रैक्टिस करने के लिए कोई बड़ा मोटिव नहीं है। ठीक है, तो इस तरीके से चार्ल्स मेटकैफे और ब्रिटिशर्स द्वारा इंडियन रूरल लाइफ को या इंडियन सोसाइटी को एक्सप्लेन किया गया। आगे बढ़ते हैं, मार्क्सियन थॉट्स ऑन इंडियन रूरल सोसाइटी, मार्क्स द्वारा इसे कैसे इंटरप्रेट किया गया है, अब वो देखते हैं। ओपिनियन ऑफ कार्ल मार्क्स अबाउट इंडियन सोसाइटी इज शेप्ड बाय द ट्रैवलॉग्स एंड मेमोयर्स रिटन बाय द ब्रिटिश ऑफिशियल्स। भारत में इतने सारे ब्रिटिश ऑफिशियल थे, दे वेयर अकॉम्पनीड बाय मेनी ट्रैवलर्स, मेनी ट्रेडर्स, मेनी एनालिस्ट, मेनी एक्सपर्ट्स who were highly educated people. Also, they were residing in the zone where democracy at the political as well as socio-economic level cultivating. वो stage में थी, उस देश से वो आ रहे थे, उनका देखने का perception काफी अलग था, वो एक urban economy थी, एक industrial economy थी, और जब वो भारत में आए तो भारत में उन्होंने देखा एक rural और agrarian economy, और उसी तरीकों को और इस इकोनॉमी को सपोर्ट करने वाला एक कल्चर। तो उन्होंने बहुत सारे मेमोयर्स लिखे, बहुत सारे ट्रेवलॉग लिखे। सो द ट्रेवलॉग्स रिटन बाय द ब्रिटिशर्स बिकेम द फर्स्ट मॉडर्न डॉक्यूमेंट फॉर द मॉडर्न हिस्ट्री
and that gave direction to the Marx to talk about Indian rural life. उन्होंने ब्रिटिशर्स द्वारा लिखे गए ट्रैवलॉग पढ़े और उन्होंने अपना जजमेंटल ओपिनियन सुनाना शुरू कर दिया. तो उन दिनों में जेम्स मिल 1848 में भारत में आए, उन्होंने काफी सारे मेमोयर्स लिखे. सर जॉन कैम्बेल, उन्होंने भी अपने मेमोयर्स भारत के बारे में लिखे. और इन दो बड़े मेमोयर्स को या दो ऑथर्स को पढ़ा था कार्ल मार्क्स द्वारा. कार्ल मार्क्स द्वारा एक किताब लिखी गई थी डज कैपिटल, इसके वॉल्यूम 1 में चैप्टर 14 के सेक्शन 4 में उन्होंने बताया इंडिया के बारे में. दैट ही रिसेंबल्ड दोज ऑफ द ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेटर ऑन द सेल्फ सफिशियंट एंड अनचेंजिंग कैरेक्टर ऑफ द रूरल सोसाइटी. उन्होंने भी यही कहा कि इंडियन रूरल लाइफ सेल्फ सफिशियंट है, अनचेंजिंग है ना, बदलेगा नहीं क्योंकि हाईली इंसुलर है. इससे सेल्फ सफिशियंट कहा, ठीक है. अब सेल्फ सफिशियंट क्यों कहा गया, इसके बारे में आगे बहुत सारे इतिहासकारों की ओपिनियन हमें देखने हैं. वो भारतीय इतिहासकार भी है, वेस्टर्न इतिहासकार भी, उन सबके रेफरेंस हम, ईस्टर्न इतिहासकार भी है, कुछ जापानीज इतिहासकार, एक चाइनीज इतिहासकार है, जिनके ओपिनियंस हम लोग यहां पे देखने वाले हैं, ठीक है. मार्क्स और मार्क्स के फॉलोअर मिस्टर एंजल्स, इन दोनों ने इसी तरीके के एनालिसिस को फ्रेम किया और ये एनालिसिस था एक खास कंसेप्ट के ऊपर बेस्ड, और वो कंसेप्ट था एशियाटिक मोड ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है. एशियाटिक मोड ऑफ प्रोडक्शन का मतलब इन ब्रिटेन देयर वाज इंडस्ट्रियल मोड ऑफ प्रोडक्शन, है ना. यूरोप इंडस्ट्रियलाइज्ड था, यूएसए इंडस्ट्रियलाइज्ड, लेकिन इंडिया एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व था, एक एग्रेरियन मोड ऑफ प्रोडक्शन था. एशिया लगभग पूरा का पूरा कोलोनाइजेशन के अंडर आ चुका था और कोलोनाइज्ड ऑथर्स द्वारा लिखा गया ज्यादातर मटेरियल इंडिया के और इंडियन सबकॉन्टिनेंट के इंडिया सबकॉन्टिनेंट रीजन के मोड ऑफ प्रोडक्शन के बारे में लिखता था और वो बेस था एग्रीकल्चर के ऊपर, ठीक है. दैट्स व्हाई मोस्ट ऑफ द आइडियाज ऑफ मार्क्स एज वेल एज एंजल्स रिलाइंग अपॉन द आइडियाज ऑफ एशियाटिक मोड ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है. तो आपको याद रखना, एशियाटिक मोड ऑफ प्रोडक्शन मतलब एग्रीकल्चर, वेस्टर्न मोड ऑफ प्रोडक्शन का मतलब है इंडस्ट्रीज, ठीक है. अकॉर्डिंग टू मार्क्स देयर वाज एन अनअल्टरेबल डिवीजन ऑफ लेबर बेस्ड ऑन कास्ट. मार्क्स ने कास्ट के बारे में बताया, उन्होंने बताया कि एक ऐसा डिवीजन है जिससे अल्टर नहीं किया जा सकता. कास्ट डिवीजन इज अनअल्टरेबल, मींस ही इज आल्सो टॉकिंग अबाउट द इंसुलैरिटी ऑफ द कास्ट. ही आल्सो टॉक्ड अबाउट द डिवीजन बेस्ड ऑन द ऑक्यूपेशन which was fixed and the whole unit of the caste was endogamous. ठीक है, इसका मतलब endogamous का मतलब क्या है, जो व्यवहार किए जाएंगे लोगों के बीच में वो जाति के आधार पर, चाहे वो रोटी व्यवहार हो मतलब इकोनॉमिक व्यवहार हो या फिर बेटी व्यवहार हो मतलब शादी हो जैसी चीजें. There won't be any relationship out of the caste. There won't be any economic interaction out of the caste. ये बहुत बड़ी, बहुत बड़ा एंडोगैमस और फिक्स सिस्टम कार्ल मार्क्स ने हमारे सामने रखा. ऑब्वियसली हियर आल्सो कार्ल मार्क्स वाज फॉलोइंग द ओपिनियन ऑफ अदर ब्रिटिश ऑथर्स, ठीक है. कार्ल मार्क्स ने भारत में आकर भारत की पढ़ाई नहीं की, भारत के बारे में जो ऑथर्स ने लिखा था उन्हीं बातों के ऊपर कार्ल मार्क्स अपनी आइडियाज को सामने रखते हैं, ठीक है. सो अकॉर्डिंग टू मार्क्स, अब मार्क्स ने अपना ओपिनियन सामने रखा क्योंकि मार्क्स के पास यही आधार था, इस आधार पे मार्क्स अपना आइडिया रखते हैं. अकॉर्डिंग टू हिम द कास्ट रिप्रेजेंटिंग द फोर्सेस एंड रिलेशंस ऑफ द प्रोडक्शन. कास्ट जो है वो मोड ऑफ प्रोडक्शन को रिप्रेजेंट करती है. मोड ऑफ प्रोडक्शन इन अदर सेंस द कास्ट में बी रिप्रेजेंटिंग एन ऑक्यूपेशन. जाति या जो है या जाति व्यवस्था जो है वो किसी ऑक्यूपेशन को रिप्रेजेंट कर रही थी, जैसे फार्मर है ना, गोल्ड स्मिथ है, आयरन स्मिथ, ऐसे किसी ना किसी ऑक्यूपेशन को जाति या रिप्रेजेंट कर रही, ठीक है. सो बेसिकली द कास्ट सिस्टम इज बेस्ड ऑन द एशियाटिक मोड ऑफ प्रोडक्शन अकॉर्डिंग टू मार्क्स, ठीक है. यही मत है मार्क्स का, ठीक है. दूसरी तरफ कास्ट की इंसुलैरिटी के बारे में उन्होंने बात की. कास्ट की इंसुलैरिटी के बारे में बात करने के बाद वो इस बॉन्डेज सिस्टम के बारे में भी बात करते, ठीक है. विलेज सोसाइटी के अंदर ऑक्यूपेशनल बॉन्डेज दिखाई देता है,
which is also the part of caste-based insularity. है ना, मैंने अभी आपको बताया दो तरीके के व्यवहार, जाति के बाहर ना करना, इसे हम एंडोगैमी कहते हैं, है ना, रोटी और बेटी व्यवहार, मतलब इकोनॉमिक और ह्यूमन रिलेशंस हम जाति के बाहर नहीं करते, इसे हम एक एंडोगैमस सिस्टम कहते हैं. एंडोगैमी इज अ फॉर्म ऑफ इंसुलैरिटी. ठीक है, ऑक्यूपेशनल बॉन्डेज, यू कैन नॉट फॉलो इफ यू आर बिलोंगिंग टू अ स्पेसिफिक प्रोफेशन और अ कास्ट, यू कैन नॉट इमिटेट और रिजेंबल विद द अदर एनी अदर ऑक्यूपेशन बिलोंगिंग टू अदर कास्ट. है ना, कोई आयरन स्मिथ है वो गोल्ड स्मिथ का काम नहीं कर पाएगा. इस तरीके का एक स्ट्रॉन्ग नियम उस समय बना हुआ दिखता है. इसीलिए मार्क्स इसे एक ऐसा सिस्टम कहते हैं जो मोड ऑफ प्रोडक्शन पे बेस्ड. ठीक है, इन्हें इन्होंने बर्थ बेस्ड एसोसिएशन के बारे में बात नहीं, इन्होंने मोड ऑफ प्रोडक्शन के बारे में बात. ठीक है, मोड ऑफ प्रोडक्शन का मतलब इकोनॉमी में जो प्रोडक्शन हम लोग करते हैं, यहां पे एग्रेरियन बेस्ड है, अलग अलग ऑक्यूपेशन पे बेस्ड है और जातियां ऑक्यूपेशन के साथ एसोसिएट की गई. ब्रिटेन में ऐसा कुछ नहीं, इट इज इंडस्ट्रियल मोड ऑफ प्रोडक्शन. ठीक है, तो वो फर्क यहां पे उन्होंने साफ तरीके से लिखा है. एक और इंपॉर्टेंट बात की तरफ हम लोग जा रहे हैं, वेयर ही डीरेकग्नाइजेस टू हैव एनी काइंड ऑफ क्लास स्ट्रगल इन कंट्री लाइक इंडिया. है ना, इसके दो रेफरेंसेस मैं दूंगा, एक रेफरेंस यहां नहीं दिया लेकिन मैंने एक दूसरे चैप्टर में आपके सामने रखना है. ठीक है, तो पहला है, अकॉर्डिंग टू हिम देयर इज एब्सेंस ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी, हेंस देयर कुड नेवर बी एनी क्लास स्ट्रगल. वहां पे प्राइवेट प्रॉपर्टी की संकल्पना है ही नहीं, है ना, एवरीथिंग बिलोंग्स टू द स्टेट एंड कलेक्टिवली टू द होल सोसाइटी अकॉर्डिंग टू द मार्क्स. यहां पे जो कुछ भी है वो या तो सरकारी है या फिर कलेक्टिवली जनता का है, किसी एक व्यक्ति को प्रॉपर्टी राइट इंडिविजुअली दिया हुआ नहीं है, इसलिए यहां पे किसी तरीके का क्लास स्ट्रगल नहीं होगा. नाउ व्हाट डज इट मीन टू हैव अ क्लास स्ट्रगल, क्लास स्ट्रगल का मतलब क्या होता है इन द वर्ड्स ऑफ मार्क्स? और कुछ बेसिकली क्लास इज एन इकोनॉमिक कंसेप्ट. व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द क्लास, वी आर कंसिडरिंग द डिविजन ऑफ द सोसाइटी ऑन द बेसिस ऑफ मोड ऑफ प्रोडक्शन इटसेल्फ. ठीक है, जो मोड ऑफ प्रोडक्शन है उसी के बेसिस पे यहां पे डिविजन क्रिएट होता है. सो वन क्लास विल बी द कैपिटलिस्ट क्लास, अनदर विल बी द लेबरर, दैट इज प्रोलिटेरियट्स. जब लेबर संगठित हो जाते हैं तो उन्हें मार्क्स द्वारा प्रोलिटेरियट कहा गया, संगठित लेबर्स को ही प्रोलिटेरियट कहा. ठीक है, अदरवाइज लेबर ही कहा है. जब तक लेबर असंगठित है तब तक उन्हें लेबर ही कहा है, उन्हें प्रोलिटेरियट्स नहीं कहा. ठीक है, अब ये दो वर्ग एक दूसरे के साथ संघर्ष करेंगे, है ना, इसे कहा गया है क्लास स्ट्रगल. बट इन इंडिया there is no industrialization, there are no property rights, that's why there is no possibility to have any kind of class struggle. ठीक है, ये बिलीफ थी. ठीक है, दूसरी तरफ उनकी सोच क्या है, if there is no concept of private property then what kind of property rights are there, it is a community property right or a communal property right. है ना, एक समाज है गांव में रहने वाला, वहां की सभी properties, सभी resources वहां के जनजीवन के कंट्रोल में दिए गए हैं, है ना, जिसे हम सार्वजनिक कहते हैं या पब्लिक कहते हैं, है ना. तो उस तरीके का कंसेप्ट यहां पे मार्क्स ने हमारे सामने रखा है. तो समझ में आया, परसेप्शन ऑफ कास्ट इन द व्यू ऑफ कार्ल मार्क्स, वो हमने समझने की कोशिश की. ठीक है, कार्ल मार्क्स के अनुसार जो एशियाटिक मोड ऑफ प्रोडक्शन है वो कंप्लीटली एक डेस्पोटिक स्टेट के कंट्रोल में रखा गया है. द होल मोड ऑफ प्रोडक्शन इज अंडर द कंट्रोल ऑफ द डेस्पोटिक रूलर. यहां का राजा जो होता है वो शोषक होता है, वो पूरे मोड ऑफ प्रोडक्शन का कंट्रोल करता है और उसके अंदर जो भी लोग इन्वॉल्व हैं उनका एक्सप्लॉयटेशन करता है. ठीक है, उसका ज्यादातर कंसर्न क्या होता है, नॉट द वेलफेयर ऑफ द पीपल बट एक्सट्रैक्शन ऑफ मोर एंड मोर रेवेन्यू सर्कल्स. जितना ज्यादा टैक्सेशन वो लगा सके उतना ज्यादा टैक्सेशन वो इंपोज करता है. ठीक है, इट मींस हियर आल्सो द
देयर इज अ कंसिडरेशन ऑफ अ स्टेट अपैरेटस विच इज हाईली एक्सप्लॉइटेटिव, है ना। यहां पे कार्ल मार्क्स एक स्टेट अपैरेटस की बात कर रहे हैं। स्टेट अपैरेटस मतलब सरकार का ढांचा, ये ऐसा ढांचा है जो शोषक है, ठीक है। तो पूरा का पूरा एशियाटिक मोड ऑफ प्रोडक्शन एक डेस्पोटिक स्टेट के कंट्रोल में बताया गया है, ठीक है। यहां पे यह भी बताया गया है कि व्हेन अ स्टेट इज प्रोवाइडिंग सम फैसिलिटीज, दोस फैसिलिटीज आर मीन टू प्रोवाइडेड ओनली टू एक्सप्लॉइट मोर एंड मोर रेवेन्यू फ्रॉम द पीपल ऑफ इंडिया, है ना। जैसे इरिगेशन फैसिलिटी अगर प्रोवाइड की जाएगी तो किस लिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा रेवेन्यू जनरेट किया जाए। इट इज नॉट मीन टू प्रोवाइड एनी डायरेक्ट फैसिलिटेशन और फॉर द वेलफेयर ऑफ द पीपल। इसका पर्पज अल्टीमेटली क्या होता है, ज्यादा से ज्यादा रेवेन्यू एक्सट्रैक्ट करना, ठीक है। जब इरिगेशन फेल हो जाएगा तो एग्रीकल्चर पूरी तरीके से कोलैप्स हो जाएगा, उसके बाद जनता लाइफ विल बी लेफ्ट इन द ऑब्लिवियन इन द स्टेट, है ना। उसके बाद कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेट की नहीं मानी जाएगी। लगभग हमने ऐसे ढांचे बहुत बार देखे, ठीक है। इसके बाद हमें हेनरी मेन का ओपिनियन देखना है। हेनरी मेन ने एक बहुत इंपॉर्टेंट किताब लिखी थी, विलेज कम्युनिटीज इन ईस्ट एंड द वेस्ट, ये लंदन में पब्लिश करी गई थी 1881 में। 1881 की किताब है, देखो 1881 में उन्होंने रिसर्च किया किस बात पे, विलेज कम्युनिटीज इन द ईस्ट एंड द वेस्ट, कंपैरिजन किया रूरल लाइफ का ईस्ट और वेस्ट। इतना रिसर्च उस समय उन दिनों चल रहा था, ठीक है। अब इन्होंने नॉर्थ इंडियन विलेजेस के बारे में लिखा है, नॉर्थ इंडियन विलेजेस वेर एस्टैब्लिश्ड बाय द आर्यन पीपल, ठीक है। हु वेर द आर्यंस अकॉर्डिंग टू डिफरेंट एनालिस्ट, सबसे पहले बताइए आर्यंस वेर अ लिंग्विस्टिक ग्रुप, इट वॉज अ ग्रुप ऑफ पीपल फॉलोइंग स्पेसिफिक पार्लेंस ऑफ लैंग्वेज, ठीक है। कौन सी लैंग्वेजेस, इंडो यूरोपियन लैंग्वेजेस को फॉलो करने वाले, है ना, रिजेम्बलिंग टू संस्कृत एंड सम यूरोपियन लैंग्वेजेस, यूरोपियन टाइप ऑफ लैंग्वेज उनको फॉलो करने वाले लोगों को आर्यंस बोला गया था। दैट्स व्हाई व्हेन वी आर कंसीडरिंग द्रविडियंस दे आर आल्सो द लिंग्विस्टिक ग्रुप, है ना। उससे भी डायरेक्टली कल्चरल ग्रुप ना कहिए, पहले उससे भी लिंग्विस्टिक ग्रुप कहिए, क्योंकि इंडिया में कल्चर बेस्ड लैंग्वेज का डिविजन किया गया है। तो साउथ इंडिया में जितनी भी प्रिवेलेंट लैंग्वेजेस हैं उन्हें द्रविडियन स्कूल ऑफ लैंग्वेज कहा जाता है, ठीक है। सो बोथ आर रिप्रेजेंटिंग द लिंग्विस्टिक ग्रुप। तो आर्यंस आर कंसिडर्ड एज नोमैडिक पास्टोरल्स फ्रॉम सेंट्रल एशिया, है ना। तो हम लोग मानते हैं जनरली कि वो सेंट्रल एशिया से बाहर निकले हुए लोग हैं, है ना। इसके लिए बहुत सारी थ्योरीज का रेफरेंस दिया जाता है, लेकिन जो मॉडर्न थिंकर्स हैं या मॉडर्न हिस्टोरियन हैं उनके अनुसार इट वॉज अ जनरल कोर्स फॉर द पीपल लिविंग इन सेंट्रल एशिया टू मूव टूवर्ड्स द साउथ एशिया, ठीक है, एक जनरल कोर्स था। व्हाई, बिकॉज सेंट्रल एशिया फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम डिड नॉट हैव एनी काइंड ऑफ एग्रीकल्चरल सेटलमेंट, पीपल यूज टू फॉलो nomadic pastoralism, so they were always in search of pastures as well as some type of water bodies, because pastures were mainly located around the water bodies. As they had many animals with them, they were pastorals, पशुपालन करने वाले लोग थे, shepherds थे, इसलिए वो हमेशा pastures की खोज में रहते थे। They were even getting into the war when they were looking for the pastures. वहां पे रहने वाले अलग अलग ट्राइब्स एक दूसरे के साथ लड़ते थे पास्चर्स के लिए। देयर यूज्ड टू बी एनिमल रेड्स इन बिटवीन देम, देयर यूज्ड टू बी एनिमल थेफ्ट इन बिटवीन देम, दैट्स व्हाई द लाइफ वाज नॉट अ सेटल्ड लाइफ एंड दे वेयर लुकिंग फॉर अ हाईली सेटल्ड लाइफ, है ना। आप सोचो एक नोमैडिक लाइफ कैसा होता। हम कभी कभी ऐसा होता है एक साल में हम लोग एक आध महीने में 15 दिन 10 दिन ट्रैवल करते हैं, 10-15 दिन के ट्रैवल में हम परेशान हो जाते हैं, ऐसा लगता है 2 या 3 दिन कहीं सेटल होके रहें, अच्छी नींद हो जाए, थोड़ा सा नॉर्मल घर के जैसा खाना भी मिल जाए, हम सोचते हैं। नाउ इमेजिन इफ अ ट्राइब सिंस द एजेस इज माइग्रेटिंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन अ रीजन विच इज वेरी वेरी एक्सट्रीम इन टर्म्स ऑफ क्लाइमेट, है ना। सेंट्रल एशियन विंड्स के बारे में आप सबको बताएं,
सेंट्रल एशियन विंटर्स के बारे में आप लोगों को पता है, तो हम लोग वो फील नहीं कर पाते क्योंकि हमारे बीच में हिमालय है। सेंट्रल एशिया और हमारे बीच में जो हिमालय है उसके कारण जो सेंट्रल एशियन विंड्स हैं उससे हम लोग हमेशा प्रोटेक्टेड रहते, इसलिए हमें फील नहीं होता। लेकिन सेंट्रल एशिया का माहौल कुछ और ही है, इसलिए वहां से लोग लगातार भारत की तरफ आ रहे, बिकॉज दे गॉट टू नो इट इज अ बिग एग्रीरियन हब एंड एग्रीकल्चरल सेटलमेंट्स वर इनफ कॉम्पिटेंट टू प्रोवाइड यू अ हाईली सेटल्ड एग्रीकल्चरल लाइफ, है ना। तो कृषि पे आधारित एक सेटल्ड जीवन जीने के लिए साउथ एशिया में इंडिया एक बहुत बड़ा ओपनिंग माना गया, इसलिए ज्यादातर आर्यंस भारत की तरफ आ रहे थे। अब ऐसा नहीं कि सिर्फ भारत की तरफ आए, दे मूव टूवर्ड्स एवरी डायरेक्शन इन द वर्ल्ड, वो हर डायरेक्शन में गए, ठीक है। तो उन्होंने कहा कि भारत की जो रूरल सोसाइटी है, वो हेनरी मैन ने कहा कि इंडियन रूरल सोसाइटी इज एक्चुअली एस्टैब्लिश्ड बाय आर्यन वॉरियर क्लैंस, ठीक है। उन दिनों में जब आर्यन इन्वेजन थ्योरी के बारे में बताया गया था तो उसका कंसिडरेशन मैं आपको बताता हूं, बहुत इंपॉर्टेंट है, सुनिए। वेन आर्यन इन्वेजन वॉज कंसिडर्ड एंड इट वॉज कंसिडर्ड सक्सेसफुल फॉर आर्यन, इट मीन्स आर्यन एनी हाउ प्रूव देमसेल्व्स एज वॉरियर्स, ठीक है। जो आर्यन इन्वेजन थ्योरी पे बिलीव करते हैं उन्होंने ये मान लिया कि आर्यन इन टर्म्स ऑफ वॉरियरशिप वेयर सुपीरियर टू इंडियंस, जो नेटिव इंडियंस थे उनके कंपैरिजन में सुपीरियर वॉरियर्स थे, ये मान लिया गया। इसलिए हमेशा आर्यंस के बारे में जब भी बात होती है तो उनके वॉरियर क्लैंस या वॉरियर क्लास के बारे में बोला जाता है। तो इंडियन विलेजेस जो बने हुए थे वो आर्यन वॉरियर क्लास द्वारा बनाए गए थे, ऐसा हेनरी मैन ने कहा, ठीक है। और इन क्लैन के अंदर फैमिलीज जो थी वो हायरार्किकल मैनर में अरेंज की हुई थी, ऐसा भी वो बताती, ठीक है। हायरार्किकल मैनर में क्लैन के अंदर जो फैमिलीज थी उन्हें अरेंज किया गया था। क्लैंस क्या होता है, क्लैन को हम लोग मराठी या हिंदी में कुनबा कहते, कुनबा, है ना। अब हम कुनबा मराठी में अलग वर्ड इस्तेमाल करें, गोतावड़ा, है ना। गोतावड़ा का मतलब अ ट्री, अ फैमिली ट्री, है ना, जिसमें चाचा मामा सभी लोग आते हैं, उनके बेटे उनकी बहुएं सब आते हैं। When they are residing in a place, at a single place, and interacting within itself, it will be considered as a clan. ठीक है, it is quite different from the concept of the family. Family एक अलग unit है, जिसे हम joint family कहते हैं, उसे भी clan नहीं कहा जा सकता। लेकिन अगर हम पूरे के पूरे family tree को consider करते हैं, along with all the relatives, then we can consider that as a clan. तो इनका कहना है कि गांव क्या होता था, एक clan हुआ करता था। और इस क्लैन में जो इंपॉर्टेंट फैमिलीज हैं उन्हें हायर हायरार्की पे रखा जाता था, जो लेस इंपॉर्टेंट और लेस कॉम्पिटेंट है उन्हें लोअर हायरार्की पे रखा जाता था। इस तरीके का कंसिडरेशन हेनरी मैन ने 1881 में हमारे सामने रखा, ठीक है। मैन के अनुसार कास्ट आर्यन विलेज का एक बहुत एक्सक्लूसिव फीचर माना गया है। अकॉर्डिंग टू हिम दिस फीचर इज नॉट अवेलेबल एनीवेयर इन द वर्ल्ड, दुनिया में कहीं भी कास्ट वाला फीचर कहीं भी देखने को नहीं मिलता, ये सिर्फ आर्यन विलेज में देखने को मिलता है। इसने भी देखो क्या कहा, हेनरी मैन ने भी कहा कि ये ऐसा विलेज है जो कंसोलिडेट हुआ है, आइसोलेटेड हुआ है और अपने चेंजलेस कैरेक्टर के लिए काफी फेमस। बीइंग आइसोलेटेड, बीइंग कंसोलिडेटेड, इट इज चेंजलेस बिकॉज इट इज हाईली इंसुलर, है ना। अब इंसुलर कैसे है मैंने आपको बताया, है ना, कास्ट सिस्टम जो एक हाईली इंसुलर हायरार्किकल सिस्टम है, ये अगर हम ऐसा इमेजिन करें या ऐसा समझे कि ये प्रोफेशन पे बेस्ड है। सो अकॉर्डिंग टू कास्ट द वे यू कैन नॉट चेंज द कास्ट, यू कैन नॉट चेंज योर प्रोफेशन, ठीक है। अ पर्सन बिलोंगिंग टू लोअर प्रोफेशन और लोअर कास्ट कैन नॉट फॉलो द प्रोफेशन ऑफ हायर कास्ट, ये नियम था, इतना इंसुलर था, इसीलिए इसके अंदर का कैरेक्टर जो है वो चेंजलेस। आप देखो भारत के रूरल एरिया में इतने सालों बाद हमारे संविधान के अंतर्गत जो डेमोक्रेसी चल रही है उसमें अभी भी बदलाव देखने को नहीं मिला, अभी भी रूरल सोसाइटी का जो कैरेक्टर है वो बदलाव में नहीं जा रहा, और जो भी बदलाव आए हैं काफी स्लाइट, काफी कम है, तो ये बात कंफर्म भी की जा सकती है। अब आगे बढ़ते हैं,
सर लाइक द आर्यंस ट्रैवल फ्रॉम द वर्ल्ड मतलब वो सब पार्ट्स में रहे थे तो देन व्हाई वी सी द फॉर्मेशन ऑफ कास्ट और इमर्जेंस ऑफ कास्ट ओनली व्हाट पर्टिकुलर देखो आर्यंस व्हेन ट्रैवल्ड दे अडॉप्टेड और दे इंबाइब्ड एवरीथिंग वेयर एवर दे वर विजिटिंग ठीक है. अब कुछ जगह पे उन्होंने छोटे वाले क्लैन देखे वहां उन्होंने अटैक कर दिया. कुछ जगह पे बहुत बड़े क्लैन दिखे वहां पे उन्होंने फ्रेंडशिप दिखाई. दे वेर कंसिडर्ड एज वेरी टैक्टिकल है ना. तो उन्होंने टैक्टिकली वहां पे अब आर्यस जो क्या कहा जाता है कि भाई इन्वेजन हुआ मैं तो वो नहीं मानता. मैं ये मानता हूं कि वो 100 की संख्या में 500 की संख्या में 1000 5000 की संख्या में यहां से वहां माइग्रेट करते. अब माइग्रेट करते करते भारत की तरफ आ रहे थे तो भारत के कल्चर के बहुत सारे फैसेट्स को उन्होंने अडॉप्ट कर लिया. उसी तरीके से रिलीजियोसिटी को अडॉप्ट कर लिया. जैसे हम लोग देखते हैं वी आर हैविंग मेनी लोकल डेइटीज लाइक शिवा महादेव इज अ लोकल डेइटी है ना. ही रिप्रेजेंट्स अ सिंबॉलिक ट्रेडिशन ऑफ ट्राइबल लाइफ. ही रिप्रेजेंट्स अ सिंबॉलिक ट्रेडिशन ऑफ अ हाईली प्रिमिटिव लाइफस्टाइल है ना. आप देखो किस तरीके का लाइफस्टाइल है जो उनके बॉडी के ऊपर सिंबलाइज हुआ है ना. हिज कलर आल्सो शोन डिफरेंटली. उसके बाद श्री कृष्ण है ना गॉड ऑफ यदूस ब्लैक इन कलर बिलोंग्स टू द पास्टोरल कल्चर फॉलोइंग ऑल द पास्टोरल फेस्टिविटीज. ही वॉज ऑल्सो इम्बाइब्ड इन टू द आर्यन फोल्ड. ऐसा करते करते उन्होंने क्या किया जो भी लोकल डेइटी जो भी लोकल ट्रेडिशन जो भी मिलता है वो अडॉप्ट करना शुरू कर दिया. बट दे ऑल्सो वॉन्टेड टू कीप द डिस्टिंक्शन बिकॉज दे वॉन्टेड टू रूल. उन्हें रूल तो करना था इसीलिए इतनी सारी सोसाइटीज के ऊपर उन्होंने अपना इंफ्लुएंस बनाया और उस समय उन्होंने अपना डोमिनेंस कोट करने के लिए इस तरीके की व्यवस्थाएं बनाई. सो द रीजन इज द डाइवर्सिटी इन इंडिया. बायोकल्चरल डाइवर्सिटी दैट वी आर विटनेसिंग इन इंडिया इज वन ऑफ द रीजन द वे दे अडॉप्टेड और दे इम्बाइब्ड इंडियन सोसाइटी इन टू देयर कल्चर. They developed the caste system. अब वहां ऐसा division नहीं था. वहां इतने tribes और इतनी diversities नहीं थी. इसलिए वहां पे इस तरीके के systems generate नहीं थे. हालांकि ये बहुत complex है. And I should not get so much judgmental while answering this. It is my own perception, my own analysis after reading so many things about the caste. ठीक है? इसके generation के बारे में exactly किसी को पता नहीं. Whatever we are having are the possibilities, theories as well as hypotheses. ठीक है, most of them are the hypothesis. हमें पता नहीं how it took the shape. Even we could not decipher how the Varna system got transacted into the caste system, and how rapidly and how fast, at what level of intensity and severity it was taken place, what kind of voluntary forces were acting. हमें इसके बारे में evaluation नहीं मिलता. ठीक है, अब इसका कारण क्या है कि बाहर से आए हुए लोगों ने जो इतिहास लिखा, they could not understand the highly complex and hierarchical insular caste system. So they did not write much about this. है ना? मान के चलिए ह्यूवेन संघ भारत में आए हो, है ना? उन्हें यहां के सभी लोग काले दिखे होंगे. काले लोग हैं, है ना? तो कोई बताता होगा कि मैं ऊपर वाला हूं, वो वाले नीचे वाले. वो सोचते होंगे टूपी तो वैसा ही है, टूपी तो वैसे दिखता है, नॉलेज लेवल भी तुम लोगों का सेम ही है, ज्यादा फर्क नहीं है. तुमने बोली हुई चीजें तो हवा में है, इसका कोई एविडेंस ही नहीं है. ऐसा वो सोचते होंगे ना. तो उन्होंने सोचा इतनी कॉम्प्लेक्स सिस्टम को समझने की क्या जरूरत है, लिख दो डिवाइडेड सोसाइटी. उन्होंने लिखा सोशल लाइफ वॉज डिवाइडेड और उन्हें जो क्लास दिखाई दिए उन्होंने उनके बारे में लिखा. जैसे ह्यूवेन संघ रोट अबाउट द क्लास ऑफ द स्कॉलर्स, है ना. उन्होंने स्कॉलरली क्लास के स्किल्स के बारे में बताया, हाउ दे आर डोमिनेटिंग द सोसाइटी उसके बारे में बताया. इवन उन्होंने ये भी बताया कि स्कॉलरली क्लास इज डोमिनेंटली एक्सप्लॉइटिंग द अदर्स, ये भी लिखा. लेकिन अदर्स का सिस्टम कितना डिवाइडेड है वो नहीं बता पाए. ये कारण है. और दूसरा कारण मैं आपको बताऊं, है ना, व्हाट एवर इज सेड बाय द वेस्टर्न थिंकर्स और इवन बाय द कंटेम्पररी हिस्टोरियंस अबाउट इंडिया दैट मोस्ट ऑफ द लिटररी मटेरियल अवेलेबल इन इंडिया लैक्स इन द हिस्टोरिकल सेंस, है ना. हिस्ट्री राइटिंग का सेंस नहीं है, इस कारण वो चीजें मिलती ही नहीं कि इसका कारण क्या.
कहां से ट्रांजेक्शन आया, कहां से ये चेंजेस आए, हमें पता ही नहीं चलते, है ना। तो दे सक्सेडेड इन मेंटेनिंग द मिस्ट्री बिहाइंड दिस, इसके पीछे का जो मिस्ट्री है वो मेंटेन करने में वो काफी हद तक सक्सेसफुल हुए, दैट्स व्हाई इट कैन नॉट बी क्वेश्चन। इसीलिए भारतीय समाज इसके ऊपर सवाल खड़ा नहीं कर पाए। जब हाईली रिबेलियस लोग आए, जो सोशल रिफॉर्मर्स के रूप में आए, पहली बार उन्होंने ये चैलेंज खड़ा किया, है ना। तो इस तरीके से हम उसे डिसिफर कर सकते। वैसे एग्जैक्टली नहीं बताया जा सकता, मैं तो बिल्कुल उतने लेवल पे कॉम्पिटेंट नहीं हूं कि बताऊं, लेकिन कम अधिक प्रमाण में हर किसी ने इसको रेफर किया हुआ, कम अधिक प्रमाण में। कुछ लोगों ने क्रिटिकली नहीं बताया, लेकिन दे सेड, कुछ लोगों ने इसे डाइवर्सिटी बता दिया, कुछ लोगों ने बताया कि बहुत अलग अलग टाइप के लोग भारत में, इट कुड नॉट इवन डिसिफर कास्ट। अभी देखो, अभी जो है, मैं अभी डॉक्टर अम्बेडकर का वॉल्यूम वन, वो जो है कास्ट इन इंडिया नाम का, वो पढ़ा। अब एक्चुअली वो जो राइट, वो जो आर्टिकल है, आर्टिकल नहीं है, इट वॉज अ प्रेजेंटेशन और अ डिसर्टेशन प्रेजेंटेड बाय हिम इन द कोलंबिया यूनिवर्सिटी इन 1916, ठीक है। और पहले तो बहुत सारी वो टर्मिनोलॉजी समझ में नहीं आती, उनके जो वर्ड्स हैं, हमारा इंग्लिश उस लेवल पे नहीं पहुंच पाता। तो मैंने वो पढ़ा, तो उसमें उन्होंने रेफरेंसेस दिए बहुत सारे, उन दिनों के कंटेम्प्ररी रेफरेंसेस दिए, और उन्होंने बताया कि हाउ कास्ट इज इवैल्यूएटेड, कास्ट इज डिसिफर्ड, उन्होंने उसके बारे में काफी सारी चीजें बताई। तो उन्होंने यही बताया कि वेयर एवर इंडियंस विल लिव, दे विल ट्राई टू प्रोटेक्ट द इंसुलर ऑर्डर ऑफ द कास्ट, एंड व्हेन दे विल move outside from here, the caste will be an international problem. ये उन्होंने उस समय बताया था, 1916 के अपने dissertation में बताया था, तब उस उनका age ज़्यादा से ज़्यादा 24-25 साल का रहा होगा। उस समय उन्होंने ये prediction किया था, when caste will become global with the onset trend of moving out of Indian people across the globe, it will be an international problem. अब आप देखो, अब फ्रांस में लेजिस्लेशन लाया गया है ना, यूएसए में लेजिस्लेशन लाया गया, यूएसए में तो एट्रोसिटी लेजिस्लेशन लाया गया। कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन कोई भी करता है तो बहुत ही खतरनाक चार्जेस उन्होंने लगाए। अभी बिल पास हुआ, साल 2023 में ही वो बिल पास हुआ यूएसए। ऐसे बहुत सारे रेजोल्यूशन लैटिन अमेरिका में पास हो रहे हैं, ठीक है। ऑलरेडी एज ए रेजोल्यूशन हमारे साउथ ईस्ट एशियाई कंट्रीज के अंदर पास कराए गए कि इस तरीके का भेदभाव नहीं दिखना चाहिए, है ना। इसका मतलब ये चीजें अब सही हो रही, सच हो रही, इतना ज्यादा इंसुलैरिटीज के बीच में, ठीक है। हाँ, the way albinism or albinism का compared east and west society like on the basis of occupation, albinism से कि जो हकीम और जो वकील लोग जो हैं, they are similar to doctors and the lawyers there in west, so can we say that was clear to you? See, division in the sense it did not talk about the competence of both, है ना, east or west के competence के बारे में बात। उनके कहने का मतलब ये है, द वे देयर आर डॉक्टर्स इन द वेस्ट, देयर आर हकीम्स इन इंडिया। इंडियंस डोंट हैव डॉक्टर्स, इंडियंस हैव हकीम्स, ये उनका मतलब। हम उसे कैसे पढ़ते हैं ये भी इंपॉर्टेंट है ना। मैं हमेशा आपको बताता हूं कि किताब पढ़ना महत्वपूर्ण नहीं, कैसे पढ़ रहे हैं, है ना। एनालिसिस, रिवर्स एनालिसिस, कंपेरिजन, थॉट, थिंकिंग, डिबेट, ये सब अकेले व्यक्ति आपको करना पड़ेगा, तभी आपको ये चीजें याद रहेगी, समझ में आएगी, समझ बूझ में आए, ठीक है, क्लियर है। अब देखते हैं इंडियन हिस्टोरियोग्राफी के बारे में, ठीक है। तो बहुत बड़े बड़े नाम हैं, मिस्टर आरसी मुजुमदार 1888 से लेकर 1980 तक, और उसके बाद राधा मुकुंद मुखर्जी 1880 से लेकर 1963 तक, उन्होंने ब्रिटिश परसेप्शन को चैलेंज कर दिया, दैट इंडियन विलेजेस आर आइसोलेटेड एंड एक्सक्लूसिव। इस परसेप्शन को डायरेक्टली चैलेंज दे दिया। आरसी मुजुमदार एक किताब लिखते हैं 1918 में, कॉर्पोरेट लाइफ इन एंशियंट इंडिया, ये किताब पब्लिश करी गई थी कलकत्ता के अंदर, ठीक है। इनके अनुसार तमिलनाडु में एक मॉडल विलेज उन्होंने प्रेजेंट किया है, उत्तरा मेरूर नाम का,
ये उस समय का एक ब्रह्मदेया था, ठीक है। तो उन्होंने एक ब्रह्मदेया मॉडल प्रेजेंट किया, ठीक है, और उसी के बारे में उन्होंने पूरे एक्सप्लेनेशंस लिखे हैं। और उन्होंने बताया है कि ब्रह्मदेया में ऐसी परिस्थिति नहीं जैसी परिस्थिति ब्रिटिशर्स द्वारा बताई जा रही। ब्रह्मदेया क्या है? तो सबसे इंपॉर्टेंट है, इट इज अ रिलीजियस लैंड ग्रांट गिवन बाय द किंग टू द प्रीस्ट, ठीक है। लैंड ग्रांट मत कहिए, रिलीजियस लैंड ग्रांट कहिए, बिकॉज देयर वेयर अदर लैंड ग्रांट्स ऑल्सो। उसमें सबसे इंपॉर्टेंट है नॉन रिलीजियस लैंड ग्रांट, ठीक है, उसे हम लोग नॉन ब्रह्मदेहा कहते हैं, ठीक है। मतलब ये धार्मिक जमीन का दान नहीं है। किसे दिया जाता था? ऑफिसर्स को, जिसे राजा पैसे नहीं दे पाया पोस्ट गुप्ता पीरियड में। जैसे हम लोग देखते हैं इंटरनेशनल ट्रेड डाउन हुआ, अर्बनाइजेशन का डिके आया, जिसे हम लोग सेकंड डिके इन अर्बनाइजेशन कहते हैं, ठीक है। उस समय हमने देखा कि उसका बहुत बड़ा इंपैक्ट रूरल इकोनॉमी के ऊपर भी पड़ा। राजा बड़ी आर्मी मेंटेन तो करना चाहता था, अब जरूरत थी। इट वॉज एन इंपरेटिव रादर टू हैव अ बिग एंड अ स्ट्रॉन्ग आर्मी, बिकॉज देयर वेयर मेनी कॉन्फ्लिक्ट्स गोइंग ऑन बिटवीन द स्मॉल प्रिंसिपैलिटीज एंड स्मॉल किंगडम्स। कोई भी रिबेल कर जाता था, कोई राजा किसी पे भी अटैक कर देता था, बहुत सारे वार्स हो रहे थे, इसलिए ज्यादा खर्चा डिफेंस पे करना पड़ता था। अब पैसा तो था नहीं, टैक्स कलेक्शन नहीं आ रहा था, क्योंकि एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन से लेकर हर बार डिक्लाइन पे जा रही थी। इस कारण आर्मी को रखा जाएगा, और जो बड़े सिपाही सालार होते थे, जिनके कंट्रोल में आर्मी होती थी, तो बहुत सारी आर्मी रेंटेड मर्सेनरी होती थी, रेंटेड आर्मी, किराए की आर्मी। अब किराए की आर्मी चाहिए तो पैसा देना पड़ेगा, पैसा कहां से देंगे, पैसा नहीं है तो जमीन। तो शुरुआत में जो ग्रांट थी वो कैसी थी? इट वॉज जस्ट द एलोकेशन ऑफ रेवेन्यू राइट्स ओवर द लैंड। और उसके बाद धीरे धीरे आने लगा लैंड ग्रांट, जिसमें जमीन का मालकी हक या ओनरशिप राइट दे दिया गया, ठीक है। इस तरीके से ग्रेजुअल कन्वर्जन हुआ। तो ये मुख्य कारण था, इसलिए आपको ये दो धाराएं जो है लैंड ग्रांट्स की, वो याद रखनी पड़ेगी। When we are saying Brahmadeya, it means it is religious land grant, ठीक है। इसके मॉडल के बारे में आरसी मुजुमदार ने बात की है। दूसरी तरफ राधा कुमुद मुखर्जी, इन्होंने किताब लिखी थी लोकल गवर्नमेंट इन एंशियंट इंडिया, और ये ऑक्सफर्ड प्रेस द्वारा रिलीज किया गया था 1919 में, ठीक है। तो उन्होंने बताया, इंडियन विलेजेस वे आर नॉट एंशियंट। आज जो भारतीय विलेज देखने को मिलते हैं मेडाइवल टाइम्स में या मॉडर्न टाइम्स में, वो एंशियंट नहीं है, वो स्टैटिक भी नहीं है, लेकिन वो कैसे हैं? सोशलिस्ट पैटर्न पे बेस्ड, ठीक है। अब सोशलिस्ट पैटर्न पे बेस्ड है का मतलब क्या है? विथ डिफरिंग एसोसिएशनल फॉर्म्स। इसमें आपको एक एसोसिएशन देखने को मिलता है, स्टेट एंड इंडिविजुअल यूनिट्स, गांव के नागरिक और वहां की सरकार, ठीक है। इनके बीच में जो रिलेशनशिप है वो अलग अलग एसोसिएशंस द्वारा बनाया गया है, जैसे फार्मर्स एसोसिएशन, ठीक है, ट्रेडर्स एसोसिएशन, ठीक है, मर्चेंट्स एसोसिएशन, ठीक है, मर्केंटाइल एसोसिएशन, ठीक है, और बहुत सारे प्रोफेशनल एसोसिएशन। जैसे हम लोग उदाहरण के तौर पे ले ले तो गोल्ड स्मिथ्स एसोसिएशन, गोल्ड ट्रेडर्स एसोसिएशन, ऐसे अलग अलग एसोसिएशन द्वारा सरकार और नागरिक के बीच में रिलेशनशिप डेवलप किया जाता है। इस तरीके का एक कॉर्पोरेट फॉर्म का सोशलिस्टिक पैटर्न आपको भारत के विलेजेस में देखने को मिलता था, ऐसा राधा मुखर्जी ने बताया, ठीक है। तो ये एक यूनिक एक्सप्लेनेशन है जो बहुत सारे लोगों ने नहीं दिया भारत के विलेजेस के बारे में, ठीक है। अब हम इसे कितना सही मान सकते हैं? इसे सही नहीं माना गया या इसे सपोर्ट नहीं मिला। इसका कारण क्या है? इसका कारण था, दीज हिस्टोरियंस आरसी मुजुमदार एंड राधा मुखर्जी, दे आर बिलोंगिंग टू द स्कूल ऑफ पॉलिटिकल हिस्ट्री, दे डू नॉट अंडरस्टैंड द सोशियो इकोनॉमिक हिस्ट्री, है ना। जैसे आज हम पढ़ रहे हैं ये पॉलिटिकल हिस्ट्री नहीं है। आज हम जो पढ़ रहे हैं वो सोशल हिस्ट्री है या सोशियोलॉजिकल हिस्ट्री, ठीक है। तो आपको याद रखना है, यूपीएससी प्रीलिम्स में
पॉलिटिकल हिस्ट्री पे मिडाइवल एरा में क्वेश्चन नहीं पूछे जाते, ठीक है। आपको क्वेश्चन मेनली पूछे जाएंगे मिडाइवल आर्ट एंड कल्चर और लिटरेचर के ऊपर, कभी कभी मिडाइवल इकोनॉमी और मिडाइवल सोसाइटी जो लिटरेचर से रिलेटेड है या कल्चर से रिलेटेड है उस पर क्वेश्चन आ जाते, है ना। ये एक बहुत बड़ा हम लोग कहते हैं गुगली प्रिलिम्स खेल जाता है, ठीक है। तो आपको याद रखना, इसलिए हमारा फोकस जो होगा वो पॉलिटिकल हिस्ट्री से ज्यादा सोशियो इकोनॉमिक कल्चरल और आर्किटेक्चरल हिस्ट्री पे होगा, हम उसी के ऊपर ज्यादा फोकस करेंगे, ठीक है। मेंस पॉइंट ऑफ व्यू भी वही इंपॉर्टेंट है, आपको सिर्फ एक नॉलेज होना चाहिए पॉलिटी का कि मेडाइवल पॉलिटी किस तरीके की थी, है ना। हम मेडाइवल एडमिनिस्ट्रेशन समझेंगे, रेवेन्यू पैटर्न समझेंगे, ऑफिशियल ऑर्डर कैसे था वो समझेंगे, मिलिट्री रेवोल्यूशन, मिलिट्री सिस्टम, मिलिट्री प्रोडक्शन वो कैसा था वो भी समझेंगे, मिलिट्री टैक्टिक, वार टैक्टिक वो भी हमारे सिलेबस में है, ठीक है। मेंस में वार टैक्टिक्स के बारे में, मिलिटराइजेशन के बारे में पूछा गया, ठीक है। तो याद रखिए, राधा कुमुद मुखर्जी ने यह स्टैंड लिया कि देयर इज अ रिलेशनशिप विच इज एसोसिएशनल विद द हेल्प ऑफ एन इंटरमीडिएटरी बॉडी बिटवीन स्टेट एंड द इंडिविजुअल यूनिट, ठीक है। लेकिन इस व्यू को सही नहीं माना जाता क्योंकि ये सभी लोग पॉलिटिकल हिस्ट्री में ट्रेंड है, इनके पास जो सोशल और इकोनॉमिक हिस्ट्री के ट्रेंड्स हैं उसके सिर्फ सिंपलिस्टिक अप्रोच है, कॉम्प्लेक्स चीजों को समझने की कैपेसिटी इनके अंदर दिखाई नहीं देती, ठीक है। अब हम देखते हैं एक बहुत बड़े इतिहासकार का नाम, मिस्टर डीडी कोसंबी, धर्मानंद कोसंबी। ये ऐसा व्यक्ति है जो इतिहासकार भी कहलाया जाता है, जब आप हिस्ट्री पढ़ते हैं ऑप्शनल में तो आपको इनकी किताबें पढ़नी पड़ती, जब आप सोशियोलॉजी पढ़ते हैं ऑप्शनल में तब भी आपको इनकी किताब पढ़नी पड़ती है एज अ सोशियोलॉजिस्ट, ठीक है। जब आप एंथ्रोपोलॉजी पढ़ेंगे या एथनोलॉजी पढ़ेंगे तो आपको डीडी कोसंबी को पढ़ना ही पड़ता है। इतना ही नहीं, अगर आप रिलीजियन में इंटरेस्टेड है ना, रिलीजियन लाइक जैनिज्म और बुद्धिज्म, तो डीडी कोसंबी एक बहुत बड़े रिलीजियस स्कॉलर माने जाते हैं। यू वोंट बिलीव, ही वॉज ऑल्सो डिलीवरिंग द रिलीजियस डिस्कोर्सेस इन यूरोप एंड अमेरिका, इवन इन द वेरी क्रीम एंड वेरी प्रोमिनेंट यूनिवर्सिटीज, वहां पे भी उन्होंने अपने रिलीजियस डिस्कोर्सेस डिलीवर किए। बुद्धिज्म में बहुत बड़ा लिटरेचर है धर्मानंद कोसंबी का, आप कहीं भी जाए स्टॉल पे तो आपको किताबों पे नाम देखने को मिलते हैं। इतनी ने आप जैन लोगों के जो मेले लगते हैं, फिर बुक फेयर वगैरह लगते हैं, वहां जाके देखें, वहां पे भी डीडी कोसंबी, एक व्यक्ति अपने एक जीवन में इतने सारे काम कैसे कर सकता है, अनबिलीवेबल पर्सनैलिटी, बहुत जबरदस्त पर्सनैलिटी, ठीक है। इन्होंने किताब लिखी थी इंट्रोडक्शन टू द स्टडी ऑफ इंडियन हिस्ट्री, ये बॉम्बे में रिलीज की गई थी 1956 में। दूसरी तरफ है मिस्टर आर्य शर्मा, आप सबको पता है, इन्होंने किताब लिखी थी इंडियन फ्यूडलिज्म फ्रॉम द एरा ऑफ 300 टू 1200, ये कलकत्ता में रिलीज करी गई थी 1965 में। इसके बाद है कैथलीन गॉफ, रूरल सोसाइटी इन साउथ ईस्ट इंडिया, ये है कैम्ब्रिज में रिलीज करी पब्लिश करी गई थी 1981 में, ठीक है। व्हाट इज कॉमन बिटवीन ऑल द थ्री ऑथर्स, दे रिजेक्टेड द एशियाटिक मोड ऑफ प्रोडक्शन, उन्होंने कास्ट या रूरल इंडिया का जो आइडिया है एशियाटिक मोड ऑफ प्रोडक्शन पे उसे रिजेक्ट कर दिया, ठीक है। रादर द डिफाइंड इंडियन विलेजेस एज फ्यूडल इन ओरिजिन, उन्होंने बताया कि विलेजेस का जन्म कहां से हुआ है, सामंत शाही से हुआ है, सामंतों द्वारा विलेजेस का निर्माण किया गया है, सामंतों द्वारा विलेजेस को रेगुलेट किया गया है, इसके बारे में वो बताते हैं। सो to operate this idea they focused on the relations between the king and their vassals, that is samans or the feudals, raja aur raja ke jo barons hua karte the, mantri hua karte the, samant hua karte the ya landlord hua karte the, unke relationship ke upar unhone zyada tar focus kiya hai. Now this dimension goes on past from the tenants, serfs, peasants and villages, in sab mein is relationship ka foundation kaise tha ye dekhne ki koshish फोकस की गई है आर्य शर्मा, डीडी कोसंबी और कैथलीन गॉफ द्वारा, ठीक है। अब कोसंबी और शर्मा साहब दोनों एक कॉमन एग्रीमेंट ऑफ पॉइंट ऑफ एग्रीमेंट पे आते हैं और बात करते हैं। देयर वाज अ डिक्लाइन इन फॉरेन ट्रेड, अर्बनाइजेशन एंड कमोडिटी प्रोडक्शन बाय द एंड ऑफ द गुप्ता पीरियड। गुप्ता पीरियड के एंड में हमने एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन से लेकर फॉरेन ट्रेड, अर्बनाइजेशन सभी में डिक्लाइन देखा, ठीक है। इसके बाद क्या हुआ, देयर यूज टू बी अ नेक्सस, rather a relationship between the urban and rural area. When urban decay, second urban decay taken place, pehla urban decay kab aaya tha, IVC, decline of IVC, Indus Valley civilization ka jab decline aaya, Harappa aur Mohenjo-daro ka, tab pehla urban decay mana jata hai. Second urban decay post Gupta period mein mana jata hai. Third,
कॉलोनाइजेशन पीरियड का डिके, ठीक है। तो इस तरीके के तीन अर्बन डिकेज हमने देखे, तो सेकंड अर्बन डिके इस पीरियड का माना जाता है। तो गुप्ता पीरियड के एंड में अर्बनाइजेशन में डिके आया, वुड प्रोडक्शन में डिके आया, एग्रीकल्चर में डिके आया, इसके कारण क्या हुआ, रूरल अर्बन नेक्सस जो बना हुआ था वो कोलैप्स हो गया, और इसके कारण विलेजेस हैड नो अदर वे टू प्रोटेक्ट देमसेल्व्स, रादर इट बिकेम द इंपरेटिव टू प्रोटेक्ट देमसेल्व्स। विलेज के सामने अब एक ही रास्ता था, अपने आप को बचाए रखे, बचाने के लिए उन्होंने अपने आप को सेल्फ कंटेन्ड बनाने की कोशिश की। सो व्हाट दे डिड, दे डेवलप्ड अ क्लोज्ड पीजेंट इकोनॉमी, उन्होंने एक क्लोज्ड पीजेंट इकोनॉमी को डेवलप किया, है ना। अब इसका मतलब क्या है, दे वोंट ट्रेड आउटसाइड, दे विल ट्राई टू ट्रेड विद इन द विलेज इटसेल्फ, रादर दे डेवलप द मार्केट्स विद इन देयर विलेज एंड दे ट्राई टू फुलफिल द रिक्वायरमेंट ऑफ देमसेल्फ्स। अब सिर्फ एक विलेज नहीं, कुछ जगह पे पांच गांव में एक बड़ा मार्केट हुआ करता था, 5, 10, 12, 15, 25 तक अलग अलग विलेजेस का एक यूनिट, एक इंसुलर यूनिट की तरह काम करके चलने लगा। इस तरीके के एक्सप्लेनेशन अगर आप डिटेल्स में जाते हैं तो धर्मानंद कोसंबी द्वारा दिए गए, ठीक है। तो धर्मानंद कोसंबी क्लोज पीजेंट इकोनॉमी के बारे में काफी डिटेल्स में लिखते हैं, वो यहां पे नहीं रुके, उन्होंने जो इंसुलरिटी बताई कास्ट की या प्रोफेशन बेस्ड, वो इसके कारण काफी स्ट्रांगली चलती रही, ये भी बताया, है ना। उन्हें लगता था कि शहर से आने वाला ठग सकता है, शहर में दूसरे ऑप्शन भी नहीं, एक ही रास्ता है, गांव के अंदर एक क्लोज पीजेंट इकोनॉमी को डेवलप किया जाए, और कोई रास्ता उन्हें नहीं दिखाई दिया। तो उन्होंने अपने गांव के अंदर ही इस तरीके का एक सिस्टम बनाया, इंसुलेटेड सिस्टम बनाया, और उन्होंने अपने आप को सेल्फ कंटेंट या सेल्फ रिलायंट बनाया। इस तरीके का अकाउंट आपको कोसंबी और शर्मा जी के राइटिंग से देखने को मिलता है। तो समझ में आया ये, है ना, व्हाट हैपेंड इन द पोस्ट गुप्ता पीरियड और द लेटर गुप्ता पीरियड, क्या हुआ था गुप्त पीरियड के बाद, एग्रीकल्चरल ट्रेड, फॉरेन एग्रीकल्चरल ट्रेड में बहुत बड़ा डिक्लाइन आया, अर्बन डीके आया, अर्बन और रूरल नेक्सस खत्म हुआ, अब गांवों के सामने एक ही रास्ता था, शहर से आने वाला पैसा अब नहीं आता था, तो उन्हें अपने आप को रिटेन करना था, उन्होंने अपना सिस्टम बनाया, ठीक है। इस तरीके से सेल्फ कंटेंट विलेजेस एग्जिस्ट हुए होंगे, ठीक है। इसके बाद फ्यूडल ऑर्डर कैसे आए ये उन्होंने बताया, है ना। आफ्टर द डिक्लाइन ऑफ द गुप्ता एम्पायर विच वॉज प्रोवाइडिंग अ सेंट्रल पॉलिटी, अ यूनिफाइड पॉलिटी टू अ लार्ज एरिया, आफ्टर द डिक्लाइन मेनी फ्यूडल लॉर्ड्स वर्किंग अंडर द गुप्तास डिक्लेयर्ड देमसेल्व्स इंडिपेंडेंट किंग, ठीक है। बहुत बड़ा पॉलिटिकल फ्रेगमेंटेशन वहां पे देखने को मिला, जितने पॉलिटिकल फ्रेगमेंटेशन होंगे उतने ही फ्यूडल लॉर्ड या लैंडेड लॉर्ड पैदा होंगे, ठीक है। अब जो भी राजा होगा उसे क्या करना पड़ेगा, उन फ्यूडल लॉर्ड्स को खुश करने के लिए या उनके ऊपर कंट्रोल रखने के लिए उन्हें ज्यादातर लैंड ग्रांट देना पड़ेगा, ठीक है। इसका मतलब अब पीजेंट और स्टेट के बीच में एक नया इंटरमीडिएट आ गया, वो कौन सा था, फ्यूडल इंटरमीडिएट, ठीक है। पोस्ट गुप्ता पीरियड में रूरल फ्यूडेटरीज का राइज देखने को मिलता है गुप्ता पीरियड के बाद, याद रखिए रूरल फ्यूडेटरीज, ठीक है, रूरल सामंतशाही, ग्रामीण सामंतशाही, ठीक है। और बाद में जब हम देखेंगे कि दिल्ली सल्तनत के पीरियड में और इवन ड्यूरिंग द डिक्लाइन ऑफ द मुगल आपको एक और फिनोमिना देखने को मिलता है, रूरलाइजेशन ऑफ द फ्यूडल ऑर्डर्स, ठीक है, रूरलाइजेशन ऑफ फ्यूडल ऑर्डर, एक फिनोमिना आपको फिर डिक्लाइन ऑफ दिल्ली सल्तनत एंड डिक्लाइन ऑफ मुगल्स के समय देखने को मिलता है। इसका मतलब है मोस्ट ऑफ द फ्यूडल्स वेयर ग्रांटेड द लैंड्स बिलोंगिंग टू द रूरल एरिया विच वेयर नियर बाय द फॉरेस्ट जोन, ठीक है। इस तरीके से फ्यूडल लॉर्ड्स गांवों की तरफ जाने लगे, दैट बिकेम वन ऑफ द रीजन फॉर द डिक्लाइन इन द अर्बन एरियाज, अर्बन एरिया का जो डीके था उसके लिए यह भी कारण साबित, यह भी कारण बताया जाता है। अर्बन एरिया में रहने वाले जो रिच लोग हैं उन्हें लैंड ग्रांट कर दिए गए जंगल के, अब वो ऑपरेट बाहर से नहीं कर सकता क्योंकि उस समय मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन इतने नहीं थे, तो उसे वहां पे रहना पड़ता, वहां पे कंट्रोल कर अपना रखना पड़ता था, अपना इन्फ्लुएंस रखना पड़ता था, इसलिए उसे वहां से जाना पड़ता था। अब अर्बन एरिया में जो प्रोडक्शन होता है, जो इंडस्ट्रीज हैं, उन चीजों का जो डिमांड था वो अर्बन एरिया में कम हो, ये भी एक कारण बनता है डिक्लाइन का। ऐसे डिक्लाइन हमें तीनों फेजेस में देखने को मिलते हैं, ठीक है।
तो नया फ्यूडेटरी इंटरमीडियरी यहां पे एस्टेब्लिश हो गया। ठीक है, इन इतिहासकारों के अनुसार विलेजेस बिकेम द साइट ऑफ कंफ्लिक्ट बिटवीन द ऑप्रेस्ड पीजेंट्री एंड द ऑप्रेसिव लैंडलॉर्ड, है ना। इसीलिए इन इतिहासकारों को मार्क्सिस्ट इतिहासकार कहा जाता है। ठीक है, मार्क्सिस्ट हिस्टोरियन इसे कहते हैं। दे आर इंटरप्रिटिंग एनी टाइप ऑफ कंफ्लिक्ट और एनी काइंड ऑफ रिवॉल्ट और इवन द नेशनल मूवमेंट एज अ क्लास स्ट्रगल, उन्हें मार्क्सिस्ट हिस्टोरियन कहा जाता है। ठीक है, तो यहां पे देखो, द स्ट्रगल बिटवीन द पीजेंट्री एंड द फ्यूडल लॉर्ड इज कंसिडर्ड एज अ क्लास स्ट्रगल। ठीक है, इसके द्वारा मिस्टर आर एस शर्मा और इवन पाटी डी कोसम भी, दैट्स व्हाई दे बोथ आर कैटेगराइज्ड एज मार्क्सियन हिस्टोरियन। ठीक है, मार्क्सवादी इतिहासकार बताया जाता है। ठीक है, अब ये जो बात उन्होंने कही दैट विलेजेस बिकेम द साइट ऑफ क्लास स्ट्रगल बिटवीन द पीजेंट्री एंड द लैंडलॉर्ड्स, ये डिबेटेबल माना गया। अ लॉन्ग टर्म डिबेट वॉज टेकन प्लेस ओवर दिस इशू, इवन नाउ हिस्टोरियंस आर डिबेटिंग ओवर दिस इशू, क्योंकि दोनों बहुत ही बड़े इतिहासकार और उन्होंने ये बात बोल दी। और ऑलरेडी भारत में जो विचारधारा है वो मार्क्सिज्म के खिलाफ है ना, भारत में मार्क्सिज्म के खिलाफ इतनी बड़ी विचारधारा क्यों खड़ी हो जाती है? अपोजिशन डी रिकॉग्नाइजिंग द एग्जिस्टेंस ऑफ द रिलीजन, मार्क्स बिलीव्ड इन डी रिकॉग्नाइजिंग द एग्जिस्टेंस ऑफ द रिलीजन। व्हाई? Because according to him, religion are making us conservative and conservatives cannot bring revolution. Ye Marx ki belief. They also, according to Marx, religion also divides us. They are not allowing us to organize. And for proletariat to come to the rule, it is essential that they should organize. Ye unki belief. Isiliye wo kisi dusri vichardhara ko nahi chahte. Theek hai? To ye karan hai. ठीक है, अब हम एक और महत्वपूर्ण इतिहास के बारे में, इतिहासकार के रेफरेंस के बारे में देखना चाहते हैं, मिस्टर इरफान हबीब। ठीक है, तो बहुत बड़े इतिहासकार माने जाते हैं करंट टाइम्स के या कंटेम्पररी टाइम्स के। ठीक है, तो इन्होंने किताब लिखी है एग्रारियन सिस्टम ऑफ मुगल इंडिया 1556 to 1707। उन्होंने बताया कि रूरल लाइफ में जो मल्टीप्लिसिटी ऑफ रिलेशंस देखने को मिलता है, द रिलेशनशिप बिटवीन द इंडिविजुअल एंड द स्टेट, वी आर हैविंग एन a feudatory intermediary. Now, how this feudatory intermediary is reacting or interacting with the trader, with the occupational practitioner like goldsmith or their association, unke saath ye feudatory kaise interact karta hai? This is giving birth to a multiplicity of the relation. Now, this multiplicity of relation was essential part of the rural life, and Habib emphasized that the village social structure was wider than just land-based relation. जो मार्क्स कहते हैं कि विलेज लाइफ इज कंप्लीटली बेस्ड ऑन द मोड ऑफ प्रोडक्शन। व्हेन ही इज टॉकिंग अबाउट द कास्ट सिस्टम, ही इज आल्सो कंसर्न अबाउट द ऑक्यूपेशनल डिविजन व्हिच इज मोस्टली बेस्ड ऑन द एशियाटिक मोड ऑफ प्रोडक्शन, मींस ओवर द कल्टीवेशन ऑफ द लैंड, जमीन के ऊपर आधारित है। ठीक है, और इरफान हबीब इसे नहीं मानते। अकॉर्डिंग टू हिम देयर आर मोर रिलेशंस और मोर वाइडर और मोर वेरिड रिलेशंस between all these constituents of the village and the state and also the intermediaries. Irfan Habib is kitab mein likhte hain ki there were different type of hierarchies in the intermediaries. Wo point aapko main kab dikhaunga, jab main aapko Mughal administration padhaunga, theek hai, ya phir administration in Delhi Sultanate padhaunga, usme ye reference aayega. Unhone bataya hai कि देयर वेयर हायरार्कीज इन फ्यूडेटरीज। ठीक है, दूसरा उन्होंने बताया है हाउ दे वेयर इंटरैक्टिंग विद डिफरेंट कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ द सोसाइटी। ठीक है, तो इसका मतलब है दीज रिलेशनशिप्स वेयर नॉट ओनली बेस्ड ऑन द लैंड और द मोड ऑफ प्रोडक्शन ऑफ एग्रीकल्चर, रादर इट वॉज बेस्ड ऑन द प्रैक्टिसेस ऑफ द फ्यूडेटरीज, द प्रैक्टिसेस ऑफ डिफरेंट प्रोफेशनल्स who were practicing different occupations, उनके ऊपर भी ये relationship based है, ऐसा इरफान हबीब बताते हैं। जबकि मार्क्स ज्यादातर एशियाटिक मोड ऑफ प्रोडक्शन के ऊपर ही rely करते हैं जब वो इंडियन सोसाइटी को इंटरप्रिट करते हैं।
इरफान हबीब भी उसके खिलाफ बात कर रहे हैं, ठीक है। इसके बाद एक और मॉडर्न हिस्टोरियन है मिस्टर हरबंस मुखिया, उन्होंने बताया कि इंडियन पीजेंट जो थे वो सर्वाइल नहीं थे, जैसे यूरोप में आपको सर्फडम देखने को मिलता है, ऐसे इंडियन जो पीजेंट्स थे वो सर्वाइल नहीं थे, स्लेव नहीं थे, गुलाम नहीं थे, ठीक है। ऐसा क्यों था? बिकॉज इन इंडिया लैंड वॉज वेरी वेरी फर्टाइल, द सिचुएशन वॉजंट देयर इन द यूरोप, लैंड वॉज रेयरली फर्टाइल, ठीक है, दैट्स व्हाई। एंड सेकंड थिंग वॉज, पहली तो चीज थी कि फर्टिलिटी ऑफ लैंड, सेकंड थी देयर लो सब्सिस्टेंस नीड्स, है ना, पीपल लिविंग इन इंडिया आर ट्रॉपिकल पीपल, वी आर लिविंग इन अ ट्रॉपिकल कंट्री वेयर सनलाइट इज प्रेजेंट एट अबंडेंस, वी डू नॉट रिक्वायर टू ईट मोर एंड मोर कैलोरीज, हमें ज्यादा कैलोरीज खाने की जरूरत नहीं पड़ती, है ना। हमारे यहां कोई रोमांटिसिज्म भी नहीं था, हमारे यहां आर्ट एंड कल्चर का मास लेवल पे एक्सपेंशन नहीं था, इसलिए लोगों का जो एक्सपेंडिचर था वो कम था, कंज्यूमरिज्म काफी लिमिटेड था, तो लोगों की जरूरतें ही बहुत कम थी, इसलिए इंडियन पीजेंट सर्वाइल या स्लेव नहीं बन पाए, ठीक है। ऐसा एक स्टैंड हरबंस मुखिया ने लिया हुआ है, ठीक है। तो यहां पे बताया जाता है विच मीन्ट दैट दे कुड बी एक्सप्लॉइटेड टू गिव मच मोर, अगर उन्हें ज्यादा देना चाहिए, अगर उन्हें जरूरत पड़ती है ज्यादा चीजों की, तो फिर उन्हें एक्सप्लॉइट किया जा सकता, ठीक है। अगर सर्वडम सिस्टम होता तो एक्सप्लॉयटेशन अलग लेवल का होता, है ना। हम लोग देखते हैं सर्वडम सिस्टम में सोशल मोबिलिटी थी, इवन इकोनॉमिक मोबिलिटी भी थी, कैसे, वहां पे जो लैंडलॉर्ड होता था वो स्लेव्स को कभी कभी अपनी मृत्यु होने पर लैंड स्लेव्स के नाम करके जाता था, है ना। अब वो स्लेव एक होता था या 15 होते थे या 20 होते थे, उनके नाम जमीन करके चला जाता, ये स्लेव्स खुद लैंडलॉर्ड बन जाते थे, वहां पे सोशल मोबिलिटी अलाउड थी, यहां पे कास्ट बेस्ड सोशल मोबिलिटी नहीं थी, ठीक है। इस कारण यहां पे एक्सप्लॉयटेशन का चांस ज्यादा था, ऐसा यहां पे हरबंस मुखिया ने बोला। ये इंसुलर सिस्टम होने के कारण इसका एक्सप्लॉयटेशन काफी ज्यादा हो सकता है, ठीक है। तो यहां पे सर्वडम के साथ कंपेयर किया गया है, ठीक है। लेबर की मूवमेंट को यहां पे कंट्रोल नहीं किया गया, लेबर की लाइफ को कंट्रोल नहीं किया गया, सर्वडम में किया जाता था, लेकिन सर्वडम में सोशल मोबिलिटी, यहां मूवमेंट को कंट्रोल तो नहीं किया गया था, लेकिन यहां पे सोशो इकोनॉमिक मोबिलिटी आपको देखने को नहीं मिलती, ठीक है। तो ये एक इंपॉर्टेंट बात यहां पे कही गई, ठीक है। इसके बाद सोशियोलॉजिकल और एंथ्रोपोलॉजिकल अप्रोचेस जो है वो भी काफी अलग थे, वो हिस्टोरियन के अप्रोच से काफी अलग देखने को मिलते। बहुत सारे सोशियोलॉजिस्ट हैं और एंथ्रोपोलॉजिस्ट हैं, उन्होंने रूरल इंडिया के बारे में जो लिखा है वो बहुत ही अलग डायरेक्शन में लिखा है, बहुत बार हिस्टोरियंस के और उनके ओपिनियन कहीं भी मैच नहीं होते, ठीक है। अब इसका कारण है, व्हेन सोशियोलॉजिकल और एंथ्रोपोलॉजिकल इंटरप्रिटेशंस वेर मेड, दे वेर मेड ऑन द बेसिस ऑफ द कंटेम्पररी सिचुएशन, एज सोशियोलॉजिस्ट स्टडीज द हिस्ट्री ऑफ द सोसाइटी एंड मोर काइंड ऑफ स्टडीज कॉन्सेंट्रेटेड ऑन द कंटेम्पररी सिचुएशन ऑफ द सोसाइटी, दैट्स वाई दे हैव रेयरली विजिटेड द हिस्ट्री ऑफ रूरल इंडिया, इसलिए ज्यादातर फोकस जो होता है वो एम्पिरिकल वर्क के ऊपर होता है, एम्पिरिकल वर्क मतलब फील्ड वर्क, है ना, ऑब्जर्वेशन एंड रिजल्ट्स उसके ऊपर बेस्ड होता है। तो आप देखो ज्यादातर सोशियोलॉजिस्ट के हाइपोथेसिस या थियोरीज, दे आर नॉट बेस्ड ऑन द इंटरप्रिटिव हिस्ट्री ऑफ द सोसाइटी, रादर दे आर बेस्ड ऑन सम एम्पिरिकल मॉडल्स ऑफ रिसर्च, उसके ऊपर बेस्ड होता है। इसीलिए हिस्टोरियंस के, एंथ्रोपोलॉजिस्ट के और सोशियोलॉजिस्ट के इंटरप्रिटेशन अलग अलग आते हैं, ठीक है। इनके फोकस में एडमिनिस्ट्रेशन नहीं आता, इसके सोशियोलॉजिस्ट और एंथ्रोपोलॉजिस्ट के, फिर क्या आता है, कल्चर। तो फोकस ऑफ द स्टडीज अराउंड द कल्चर एंड नॉट द एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। जो सोशल एंथ्रोपोलॉजिस्ट है वो विलेजेस के बारे में हमेशा बताते हैं, एक वर्ड इस्तेमाल करते हैं, दैट दे वेयर द लिटिल कम्युनिटीज, उन्हें छोटे छोटे समाज गट बताया हुआ, समाज के छोटे छोटे ग्रुप या गट बताया हुआ, उससे बड़ा एक्सप्लेनेशन नहीं दिया जाता, ठीक है। दूसरी चीज, उन्हें लिंक कराया जाता है अलग अलग यूनिट्स ऑफ
कॉम्प्लेक्स सोसाइटीज और सिविलाइजेशन के साथ, मतलब ये जो गट है एक गांव दूसरे के साथ कैसे कनेक्टेड है। दे आर टॉकिंग अबाउट सच कॉम्प्लेक्स अरेंजमेंट बिकॉज सोसाइटी इटसेल्फ इज हाईली कॉम्प्लेक्स। अकॉर्डिंग टू देम ऑल्सो द सोसाइटी इज कॉम्प्लेक्स। व्हाई? कॉम्प्लेक्स टू अंडरस्टैंड, कॉम्प्लेक्स टू रिटेन, कॉम्प्लेक्स टू मेंटेन, कॉम्प्लेक्स टू रेगुलेट, क्योंकि ये जातीय आधार पे बनाई गई। हायरार्की इज बेस्ड ऑन द कास्ट सिस्टम। ठीक है, विलेजेस के अंदर जो रिलेशनशिप है आउटवर्ल्ड आउटसाइड वर्ल्ड के साथ, ये एक्सचेंज ट्रांजैक्शन नेटवर्क और लिंकेज के बेस पे बनाया गया है। ऐसा इंटरप्रिटेशन एंथ्रोपोलॉजिस्ट द्वारा बनाया गया। ठीक है, सो व्हाट एंथ्रोपोलॉजिस्ट डू, दे बिलीव्ड इन हैविंग अ सिस्टम ऑफ एक्सचेंज, अ सिस्टम ऑफ ट्रांजैक्शन एंड अ सिस्टम ऑफ नेटवर्क एंड ऑल्सो अ सिस्टम ऑफ लिंकेज व्हेन अ विलेज इज इंटरैक्टिंग विद द वर्ल्ड। मान लीजिए हमारे यहां एक गांव है और वो किसी मुंबई जैसे सिटी के साथ इंटरैक्ट होना चाहता है, तो एंथ्रोपोलॉजिस्ट मानते हैं कि उस गांव के अंदर एक सिस्टम होता है, एक्सचेंज सिस्टम। जैसे वहां के रहने वाले व्यापारी वो मुंबई शहर के साथ व्यापारी व्यवहार करेंगे। ठीक है, वो मानते हैं कि वहां से होने वाला ट्रांजेक्शन एक सिस्टम के जरिए किया जाता है। वो मानते हैं कि एक नेटवर्क या एक पूरा का पूरा लिंकेज मुंबई और एक विलेज के बीच में डेवलप होता है। ऐसा मानकर वो दोनों के इंटरेक्शन के बारे में बताता है। ठीक है, यहां पे विलेज को पूरी तरीके से इंसुलर कंसिडर नहीं किया है। अगर इंसुलर कंसिडर भी किया है तो वो मानते हैं कि वहां पे एक ऐसा सिस्टम है जो एक्सचेंज ट्रांजेक्शन नेटवर्क और लिंकेज बना सकता है। ठीक है, इसका मतलब वो कंसिडर कर रहे होंगे कि यहां पे कोई प्रीमियर सेक्शन होगा, कोई एलाइट होगा जो शहरों के लोगों के साथ इंटरैक्ट कर रहा है। ठीक है, ऐसा कंसिडरेशन जनरली सोशल एंथ्रोपोलॉजिस्ट द्वारा किया जाता है। अगर आप बाहर की यूनिवर्सिटीज में जाएं, अमेरिकन यूनिवर्सिटी सबसे डाइवर्सिफाइड सिलेबस देती है, इतना डाइवर्सिफाइड सिलेबस यूरोपियंस का भी। इसका कारण है कि अमेरिका में जो लोग रहते हैं वो दुनिया भर से आए हुए, ऐसा कोई देश नहीं होगा जिसका नागरिक आपको यूएसए में देखने को नहीं, और उनका अच्छा खासा परसेंटेज लगभग आपको देखने को मिलता। इस कारण वहां के एजुकेशन में जो रिक्वायरमेंट थी वो ये थी कि इन सभी सेक्शंस को एजुकेशन में रिप्रेजेंट किया जाए। आप देखो जो नॉलेज फाउंडेशन है यूएसए का वो भी रिप्रेजेंटेटिव है ना। जैसे आप जाएंगे तो भारत की पॉलिटी, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, उसके भी सिलेबस आपको मिल जाएंगे, है ना। आप श्रीलंकन कॉन्स्टिट्यूशन वहां जाके पढ़ सकते हैं। आप यू वोंट बिलीव जैनिज्म के इतने फैसेट आपको पढ़ने को मिलेंगे जितने इंडिया में सुनने को नहीं मिलते। इतने सिलेबस आपको अमेरिकन यूनिवर्सिटीज में मिल जाएंगे, है ना। अभी रिसेंटली मैंने बुद्धिज्म से रिलेटेड कुछ चीजें पढ़ी, तो मैंने जिस वेबसाइट का एक्सेस लिया, दैट वेबसाइट वॉज बिलोंगिंग टू द यूनिवर्सिटी ऑफ बफेलो, अमेरिकन यूनिवर्सिटी। दे आर हैविंग सम मेनस्ट्रीम सिलेबस इन द यूनिवर्सिटीज एंड दे हैव रजिस्टर्ड अराउंड 700 स्टूडेंट्स फॉर दैट सिलेबस। 700 स्टूडेंट्स उस सिलेबस को अटेंड कर रहे हैं यूनिवर्सिटी में अकेले बफेलो के। आप इमेजिन कर सकते हैं अमेरिकन आर इंटरेस्ट, देयर इंटरेस्ट आर ऑल्सो डाइवर्सिफाइड, है ना। तो बहुत इंपॉर्टेंट बात है, तो वहां आपको ये पढ़ने को मिलेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद एक बहुत बड़े बहुत इंपॉर्टेंट किताब लिखी गई थी, शिकागो में रिलीज की गई थी, पब्लिश की गई थी 1970 में, लुइस ड्यूमोंट की किताब। किताब का नाम ही बड़ा इंटरेस्टिंग है, होमो हायरार्किकस, होमोसेपियंस सेपियंस, और उन्होंने अब नाम दिया होमो हायरार्किकस। इसका मतलब है मानव जो हायरार्किकल डिवीजन करता है। ह्यूमन द्वारा किए गए हायरार्किकल कास्ट डिविजन्स के बारे में इसके अंदर लिखा हुआ। ठीक है, उस पीरियड की मतलब अब तक की कास्ट बेस्ड हिस्ट्री की ये सबसे बड़ी रिसर्च मानी जाती है, ये सबसे बड़ा थेसिस माना जाता है। मतलब जो हम लोग 10 सबसे बड़े थेसिस कंसीडर करेंगे उनमें से एक माना जाता है। ठीक है, तो उन्होंने इसके अंदर लिखा, किताब का ही नाम है होमो हायरार्किकस द कास्ट सिस्टम एंड इट्स इंप्लीकेशन। ये किताब का नाम है, कास्ट सिस्टम और उसके परिणाम। ठीक है, तो उन्होंने बताया विलेज एडमिनिस्ट्रेशन वॉज नेवर डिपेंडेंट ऑन द रॉयल और द सेंट्रल पावर। जैसा ब्रिटिशर्स ने कहा कि विलेज का एडमिनिस्ट्रेशन कभी राजा या बादशाह या सुल्तान के ऊपर डिपेंडेंट नहीं था,
विलेज का अपना खुद का एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम बना हुआ था, ठीक है। अब उन्होंने बताया कि रूरल सोसाइटी के अंदर जनता का स्टेटस और हायरार्की डिसाइड करने के लिए एक ओवरआर्चिंग स्टेटस बना स्ट्रक्चर बनाया गया था, और ये ओवरआर्चिंग स्ट्रक्चर बनाया गया था कास्ट द्वारा। उसके जरिए किसका स्टेटस क्या होगा ये डिसाइड किया जाता है। इट मींस हियर मिस्टर लुईस ड्यूमोंट इज एक्सेप्टिंग एंड रिकॉग्नाइजिंग दैट अदर देन द सोशियो इकोनॉमिक अचीवमेंट्स और द पर्सनल अचीवमेंट्स व्हाट वाज द मोस्ट डिटरमाइनिंग फैक्टर टू डिसाइड योर स्टेटस इन द सोसाइटी दैट वाज द कास्ट। इसीलिए इसे एक ओवरआर्चिंग स्ट्रक्चर बताया गया है, ठीक है। पावर वाज सेकेंडरी एंड सबॉर्डिनेटेड टू कास्ट बिकॉज द मोर पावर वाज रिटेन्ड बाय द हायर कास्ट, इसलिए ये स्टेटमेंट बोला गया, ठीक है। पावर का कोई मतलब नहीं था, पावर किस चीज से जुड़ा हुआ था, जाति से जुड़ा हुआ, ठीक है। अब आगे देखते हैं इरफान हबीब साहब का और एक स्टेटमेंट। विलेज कैन बी डिफाइंड एज अ सेटलमेंट एसेंशियली ऑफ पीजेंट्स हु गैदर टू लिव टुगेदर फॉर बेटर सिक्योरिटी। इरफान हबीब मानते हैं कि जो कमजोर समाज होता है वो हमेशा एक क्लान में रहता है ना? और आप देखो जो पावरफुल लोग होते हैं है ना, गांव जितनी जगह उसके अकेले के पैलेस की होती है। अब हम शहरों में देखें, शहरों में जो बहुत पावरफुल लोग होते हैं, पैसे वाले लोग होते हैं है ना, उनका बंगलो 2-3 acre एरिया में फैला होता है, पैलेस का पैलेस बना लेते हैं। घर में रहते कितने लोग हैं, 5, 4, 3, 2 कभी कभी एक ही है ना। उतने में हमारे यहां जहां पे मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास की संख्या होती है जैसे मुंबई, उतने एरिया में मुंबई में कम से कम 1000 लोग रह लेते हैं या 2000 या 5000 लोग भी रह लेते हैं। तो यहां से आपको पता चलता है कि लोग जो है कमजोर लोग जो है वो एक साथ आकर अपने आप को रिटेन करने की कोशिश करते हैं। तो यहां पे विलेज पीजेंट का ऐसा सेटलमेंट बताया गया है जो एक दूसरे के साथ इसलिए रहते हैं ताकि उन्हें लगता है दे आर फीलिंग बेटर सिक्योर्ड व्हेन दे आर टुगेदर एंड फॉर कन्वीनियंस ऑफ एक्सचेंजिंग एसेंशियल गुड्स एंड सर्विसेज अमंग देमसेल्व्स। वो एक इंसुलर सिस्टम तो चाहते हैं, इसके लिए वो किसी और पे डिपेंडेंट नहीं रहना चाहते क्योंकि उन्हें लगता है कि वो किसी और पे रिलाय नहीं कर सकते। रादर दे मे बी हैविंग इंपरेटिव टू डेवलप देयर ओन सिस्टम इनसाइड देयर सोसाइटी, दैट्स व्हाई दे आर लिविंग टुगेदर फॉर बेटर सिक्योरिटी and for getting convenience in terms of getting services, ठीक है, इसलिए वो एक साथ रहते हैं, ठीक है। According to him, village should be seen as a community. Village एक community के तौर पे देखा जाए, a network of caste division and a customary service or barter relationship, है ना? तो villages के लिए इरफान हबीब है ना barter के ऊपर काफी rely करते हैं, barter। हम अंतरराष्ट्रीय व्यापार में देखिए, हमने रशिया के साथ काफी USSR के साथ काफी लंबा ट्रेड रिलेशन बनाए रखा काफी लंबे समय तक बिकॉज ट्रेड वॉज वेरी स्ट्रेटेजिक। वॉट एवर वेयर अवर रिक्वायरमेंट्स वेयर फुलफिल्ड बाय रशिया एंड वॉट एवर वेयर देयर रिक्वायरमेंट्स वी वेयर फुलफिलिंग देम। सो वॉट वे वॉट काइंड ऑफ नीड्स वी वेयर फुलफिलिंग द फॉर USSR द रॉ मटेरियल्स, ठीक है, द टेक्नोलॉजिकली रॉ मटेरियल्स ऑल्सो, द रॉ मिनरल्स एंड द रॉ एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स वो हम लोग यहां से एक्सपोर्ट करते, ठीक है। इन रिटर्न वी वेर गेटिंग द टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, इन रिटर्न वी वेर गेटिंग द टेक्नोलॉजिकल वेपन्स, इन रिटर्न वी वेर एश्योर्ड विद द डिफेंस कोऑपरेशन, है ना। इसके बदले में हमने ये व्यापार और संबंध बनाए रखा, बढ़ाए रखा। एक और चीज थी, वी वेर डीलिंग इन टर्म्स ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड विथ अवर ओन करेंसी रेजिम ऑफ रुपीज, हम रुपीज में ट्रेड कर रहे थे, काफी साल हमने रुपीज में ट्रेड किया, इसलिए हम फायदे में थे, हमें डॉलर्स खरीदने की या डिपेंडेंट रहने की डॉलर्स पे जरूरत नहीं पड़ रही, है ना। तो इस तरीके से हमने हमारे प्रोटेक्शन के लिए एक ऐसा सिस्टम बनाया था जिसमें हम सिक्योर्ड। विलेजर्स कुछ ऐसा ही करने की कोशिश कर रहे हैं, तो बार्टर रिलेशनशिप बहुत महत्वपूर्ण माना जाए। अब आप देखिए अर्बन डीके आया, शहरीकरण खत्म हो रहा था, शहरीकरण नहीं तो क्या होगा, पीपल विल फ्लो बैक टू द विलेजेस, जिसे हम कहेंगे रिवर्स माइग्रेशन, है ना। आर्टिसंस ट्रेडर्स विल माइग्रेट बैक टू रूरल एरियाज, दोज हु वेयर द की प्लेयर्स इन द अर्बन मार्केट विल ट्राई टू विल
will get a try in the market of the rural area. वो reverse migration करें. Reverse migration के कारण अब जो strategic population वहां रहती थी कहां आ गई, अपने अपने villages में आ गई. इसका मतलब villages got some important persons. लेकिन इस समय मैंने एक और बात आपको बतानी है. Decline in the currency regime. उस समय करेंसी रेजिम में भी डिक्लाइन आया. अब करेंसी अवेलेबल नहीं, करेंसी इश्यू करने वाला कोई बड़ा व्यापारी या कोई बड़ा राजा भी नहीं. ठीक है, राजा खुद पैसे नहीं दे पा रहा था, वो फ्यूडल लॉर्ड्स को अपॉइंट कर रहा था जिनके डोमिनेशन में विलेजेस को रखा था. ठीक है, अब व्यापार करना होगा तो बार्टर के फॉर्म में करना पड़ेगा. ठीक है, अगर कोई गेहूं चाहता है ना, तो गेहूं के बदले फार्मर क्या चाहेगा, लेदर चाहेगा, कॉटन चाहेगा, कॉटन के कपड़े चाहेगा, सिल्क के कपड़े चाहेगा. इसका मतलब गांव में हर किसी को बार्टर के कारण कुछ ना कुछ प्रोड्यूस करना पड़ता था ताकि वो उसे बार्टर के रूप में ऑफर कर. दैट स्ट्रेंथन इनडायरेक्टली द ऑक्यूपेशन एंड द ऑक्यूपेशन बेस्ड कास्ट सिस्टम, इसको स्ट्रेंथन किया गया. ये इन डिटेल्स हम लोग फिर से जब हम उस टॉपिक में जाएंगे तब आपको यह रिलेवेंट स्टडी देखने को मिलेगा. ठीक है, कास्ट वॉज द सोर्स ऑफ अनअल्टरेबल डिविजन ऑफ द लेबर. ठीक है, तो ये बहुत महत्वपूर्ण बात उन्होंने कही. इट इज नॉट जस्ट द डिविजन ऑफ द लेबर. डॉक्टर अंबेडकर गोज अहेड एंड सेड इट इज नॉट जस्ट द डिविजन ऑफ द लेबर, रादर इट इज डिविजन ऑफ लेबरर्स. है ना, सिर्फ काम का बंटवारा नहीं है, है ना, मजदूरों का भी बंटवारा है. ये क्रिटिसिज्म उन्होंने उन दिनों में किया हुआ. ठीक है, इसका एक फसेट हमने इरफान हबीब के स्टेटमेंट से भी देखा है. ठीक है, इसके बाद आर्थर फिलिप, इन्होंने 1876 में किताब लिखी थी लैंड टेन्यूअर ऑफ लोअर बंगाल. बंगाल टेनेंसी राइट्स के बारे में हमें काफी डिटेल्स यहीं से मिलते हैं. ठीक है, तो उन्होंने बताया विलेज कम्युनिटी वॉज प्रेजेंट इन एंशियंट इंडिया. उन्होंने कहा एंशियंट टाइम्स में भी विलेज कम्युनिटी ऐसी ही थी और वो प्रेजेंट थी. उन्होंने कहा कि इसका डिक्लाइन आया सेंट्रलाइजिंग टेंडेंसी वाले मुस्लिम रूलर्स के पीरियड में. तो उनके अनुसार रूरल एरिया और द विलेजेस गॉट इनटू डिक्लाइन ड्यूरिंग द रिन ऑफ द मुस्लिम रूलर्स. ठीक है, उन्होंने बताया कि जमींदारी की ग्रोथ हुई और जमींदारी के ग्रोथ का भी बहुत बड़ा असर पड़ा जिसके कारण मेडाइवल टाइम्स में रूरल प्लेसेस का या विलेजेस का डिक्लाइन देखने को मिला. जमींदारी का एक्सप्लॉयटेशन तो ऑब्वियसली था. ठीक है, कुछ टर्किश रूलर का सही में कंट्रीब्यूशन है जमींदारी को बढ़ाने के लिए या फ्यूडेटरीज को बढ़ाने के लिए. कुछ फ्यूडेटरीज ने गांवों को बनाया, कुछ फ्यूडेटरीज ने रूरल इकोनॉमी को एक्सप्लॉइट किया. है ना, तो जैसे हम देखते हैं औरंगजेब. ड्यूरिंग औरंगजेब टाइम्स एंड एम्पायर अशोक एम्पायर अकबर टाइम डिफरेंस क्या था, है ना, हम कभी औरंगजेब को एम्पायर औरंगजेब नहीं कहते. इसका कारण था औरंगजेब कुड नॉट प्रोटेक्ट हिज सब्जेक्ट्स फ्रॉम द फ्यूडल लॉर्ड्स. ही कुड नॉट प्रोटेक्ट हिमसेल्फ और हिज ओन रूल फ्रॉम द फ्यूडेटरीज. ऑल द फ्यूडेटरीज बिकेम द बैरन्स एंड द रिवोल्टेड एंड देन द होल स्टेट गॉट इनटू द बाल्कनाइजेशन एंड विद इन द एरा ऑफ 30 इयर्स द होल मुगल डायनेस्टी गॉट इनटू द डिक्लाइन. उस समय बहुत सारे सोशियो पॉलिटिकल ट्रेड एंड इंटरनेशनल ट्रेड रिलेटेड चेंजेस भी आ रहे थे जिसके साथ कोप अप करने में मुगल्स फेल हुए. टेक्नोलॉजिकल चीजें, टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन, वो भी औरंगजेब अपने पीरियड में नहीं कर पाए, है ना. रिजल्टेंटली क्या हुआ, फ्यूडेटरीज का एक माहौल बना पूरे देश के अंदर. डेक्कन से लेकर साउथ तक पूरा का पूरा एक्सप्लॉयटेशन हमें देखने को मिला. ठीक है, तो जमींदारी सिस्टम इसके डिक्लाइन का मुख्य कारण माना जाता है. ठीक है, उस समय जो ऑफिशियल मशीनरी हुआ करती थी विलेज हेडमंस पटवारी चौधरीज दे कंटिन्यूड एंड दे एंजॉयड देयर पोजीशन एट द स्टेट्स प्लेजर ओनली. ये पोजीशन तो बने हुए थे लेकिन इन पोजीशंस को महत्व तभी तक था या ये कार्यान्वित तभी तक रहे जब तक सरकार द्वारा उन्हें आश्रय दिया गया. जब सरकार हाथ सर से निकाल लेती थी ये इतने कार्यान्वित नहीं हुआ करते, लेकिन फिर भी गांव का अपना सिस्टम बना हुआ था. ये ब्रिटिशर्स द्वारा मान लिया गया और इसे काफी सारे लोगों ने एक्सेप्ट भी किया. ठीक है, अब हम देखते हैं बहुत सारे इतिहासकारों ने ऑन द पॉइंट ऑफ एग्रीमेंट जो बातें कही उसके बारे में अब हमें पढ़ना है. द कंसेप्ट ऑफ विलेज कम्युनिटी वॉज गवर्न्ड बाय रीजनल एंड ट्राइबल प्रैक्टिसेस. है ना, मान लीजिए महाराष्ट्र का कोई भाग है विदर्भ, यहां के विलेजेस में
जो एडमिनिस्ट्रेशन सेटअप था या मशीनरीज थी वो अपने तरीके से काम करती. इट वॉज डिपेंडेंट ऑन वॉट काइंड ऑफ ट्राइब इज मोर अमॉन्ग द पॉपुलेशन ऑफ द विलेज. उस गांव में कौन से आदिवासी रहते हैं इस पे डिपेंडेंट रहता था, है ना. जैसे सम ट्राइब्स आर प्योरली प्रैक्टिशनर ऑफ द फॉरेस्ट बेस्ड लाइवलीहुड, है ना. दे आर प्योरली द फॉरेस्ट ड्वेलर्स. वो दूसरा कोई प्रोफेशन प्रैक्टिस नहीं करते. वो जंगल में जाते हैं, जंगल में मिलने वाले उत्पाद को लाते हैं और उसके लिए अपना मार्केट बनाया, वहां पे बेचते हैं. वहां पे बाकी के गांव के लोग आएंगे, वहां पे वो अपनी चीजें देंगे और उसके बदले में फॉरेस्ट प्रोड्यूस को लेकर जाएंगे, है ना. फॉरेस्ट प्रोड्यूस में बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हुआ करती थी उन दिनों, जैसे हनी वाजंट अवेलेबल एट दैट लेवल आउटसाइड द फॉरेस्ट बिकॉज फॉरेस्ट वॉज डोमिनेटेड बाय द डाइवर्सिटी ऑफ द फ्लोरा एंड फौना. दैट्स व्हाई अ काइंड ऑफ हनी दैट वॉज अवेलेबल इन द मार्केट और कोर एरिया ऑफ द मार्केट वॉज वेरी डिफरेंट. ठीक है, इंटरनेशनल मार्केट में जो हनी है, नेचुरल हनी जिसे कहते हैं हम लोग, ऑर्गेनिक फॉरेस्ट हनी या वाइल्ड हनी, उसका टेस्ट देखो काफी अलग, बहुत महंगा होता है. मतलब आप एक केजी लेना चाहेंगे 5-10 हजार का मिलता है, बहुत महंगा पड़ता है. उसका टेस्ट अलग होता है, उसका अपियरेंस अलग होता है, उसका कलर वगैरह सब अलग होता है. आप सोचो भारत के हर गांव में पहले मिलता, हर गांव में, अब वो इतना महंगा हो चुका है. अभी हमें जो मिलता है वो सभी किसी भी कंपनी का ले लो, एक ही टेस्ट होता है क्योंकि वो खेत के अंदर बनाते हैं, है ना. उसमें एडिटिव शुगर भी होता है, प्रिजर्वेटिव भी डालते हैं, बहुत सारी चीजें ऐड करते हैं उसमें, तो उसका जो ओरिजिनल टेस्ट है आपको मिलता ही नहीं. बहुत बार जो रॉ हनी कलेक्ट करते हैं इवन कल्टीवेटेड, उसका टेस्ट ही नहीं होता, वो मीठा भी नहीं होता. डिपेंड करता है वहां पे कौन से फूल पौधे हैं, उस पर डिपेंड करता है. मीठी वाली चीजें है ही नहीं, कहां से मीठा मिलेगा. तो वो क्या करते हैं, शुगर एडिटिव्स डालते हैं, है ना. आजकल शुगर कम प्रिजर्वेटिव एडिटिव्स आए हुए हैं, वो डाल देते हैं. तो ऐसी चीजें मान लीजिए जंगल में अवेलेबल हुआ करती थी. दूसरी तरफ देयर वेयर सम ट्राइब्स हु वर प्रैक्टिसिंग द पास्टोरलिज्म. ऐसे कुछ आदिवासी थे, कुछ हमारे ऐसे आदिवासी भाई थे जो प्योरली पशुपालन का व्यापार करते थे, पूरी तरीके से पशुपालन के ऊपर उनकी इकोनॉमी डिपेंडेंट थी, है ना. तो डिपेंड करता है कि किस तरीके की ट्राइब वहां पे होगी. वैसे विलेज कम्युनिटी एक्चुअली इंडिया में देखने को मिलती है एंड रीजन टू रीजन इट इज डिफरेंट, है ना. नाउ इमेजिन इफ द कोरकूज इन मिडिल सेंट्रल इंडिया मालवा प्लेटू, दे आर प्योरली फॉरेस्ट ड्वेलर्स. कोरकूज इन साउथ राजस्थान, दे आर पास्टोरल. ऐसा ठीक है. गड्डीज इन कश्मीर, दे आर पास्टोरल्स. Gaddis in North East, they are forest dwellers. That's why the forms of the villages are different in Kashmir and North East, even though they are belonging to the similar tribe. इसलिए region to region इसमें काफी difference देखने को मिलता है. ठीक है. That's why, concludingly, I am saying the last statement. There appears to be no uniform pattern of presence of village community. है ना. आपको आप पश्चिम महाराष्ट्र में जाइए, लोगों का appearance देखिए, धोती कुर्ता और टोपी आपको विदर्भा में देखने को नहीं मिलती. आप वहां जाएंगे, वहां पे डोमिनेंट क्लॉथ आज भी वही है, है ना. सिलेक्ट ना हुए तो 5-6 साल वहां रहिए, आप अपने आप पहन लेंगे, आपको भी लगेगा अरे हम इसी का हिस्सा बन चुके हैं, है ना. ये फील आने लगता है. मैं जब नया नया उधर गया तो मैं सोचता था अभी भी काली टोपी, काले वाले पुराने कोट, टायर वाली चप्पल, है ना. मैंने मेरे नाना के समय देखा था, वो चप्पल मैं देखता था, मैं सोचता था चप्पल है कि पनिशमेंट है. लोग पहनते थे, उनके पैरों में ये छाले दिखते थे और वो टायर वाली चप्पलें पहनते थे, टायर की बनी हुई. पहले मार्केट में, रूरल मार्केट में हमारे गांव में मिलती भी थी, है ना. 2-3 रुपए का चप्पल मिलता था, बहुत सारे मैंने अभी अभी देखे वहां पर. पश्चिम महाराष्ट्र में अभी भी मिलते हैं. मैं बड़ा शौक हूं, मतलब अभी भी मिलता है ये सब. और जब मैं फ्रिक्वेंटली उधर जाना होता तो मुझे लगता था नहीं, कुछ नया नहीं है. फिर मैं इधर आया, गांव गया, अपने गांव गया तो मैंने सोचा यार यहाँ पे तो लोग बहुत मॉडर्न अटायर पहनने लगे हैं, पश्चिम महाराष्ट्र में क्यों ऐसा है. तो रीजन टू रीजन इट डिफर्स. इसीलिए कहीं भी आपको यूनिफॉर्म विलेज कम्युनिटी देखने को नहीं मिलती. ये फॉर्म और सब्सटेंस में चेंज होती है और खास करके रीजन टू रीजन काफी बड़े हद तक चेंज होती रहती है. ठीक है. इसके बाद मिस्टर ग्रोवर, जिनकी किताब बहुत इंपॉर्टेंट मानी जाती है,
ग्रोवर साहब ने बताया द कंसेप्ट ऑफ विलेज कम्युनिटी डिपेंडेंट अपॉन द नेचर ऑफ प्रिवेलेंट लैंड टेन्यूअर, जो लैंड का टेन्यूअर था उसके ऊपर डिपेंड करता है कि विलेज कम्युनिटी किस तरीके का होगा, एंड रिलेशनशिप बिटवीन द एग्रीकल्चर एंड नॉन एग्रीकल्चरल पीपल, जो पॉपुलेशन है फार्मिंग में और जो नॉन फार्मिंग है. ज्यादातर गांव में देखने को मिलता है मोस्ट ऑफ द पीपल आर इन्वॉल्व इन एग्रीकल्चर, बट देर आर सम विलेजेस विच आर कंसिडर्ड एज प्रॉस्पेरस वेयर यू विल सी मोर पॉपुलेशन ऑफ सम नॉन एग्रेरियन कम्युनिटीज, और जहां पे आपको सिमेट्री देखने को मिलती है एग्रेरियन और नॉन एग्रेरियन कम्युनिटीज के बीच में, आप मान लो वो गांव बहुत ही प्रॉस्पेरस है. विद इन द नागपुर डिस्ट्रिक्ट इटसेल्फ आई हैव विजिटेड सम विलेजेस, लेटर ऑन दे गॉट कन्वर्टेड टू तहसील, और उन तहसीलों के अंदर मैंने कुछ गांव देखे जहां पे मैंने बहुत सारे बिजनेस देखे, जैसे कुछ गांव में इलेक्ट्रॉनिक शोरूम्स देखे, कुछ गांव के अंदर ऑटोमोबाइल शोरूम्स देखे गए, एटलीस्ट ऑटोमोबाइल एजेंसीज देखी गई जहां से कार या बाइक्स का बुकिंग होता है, ट्रैक्टर्स का बुकिंग होता है, ये सब देखने को मिला. तो कुछ है जहां पे ये डाइवर्सिटी देखने को मिलती है. जैसे देखो आप अ विलेज विच इज हैविंग अ डोमिनेंट इकोनॉमी ऑफ एग्रीकल्चर, लैंड इज फर्टाइल, इरिगेशन इज अवेलेबल, इफ नॉट देन एटलीस्ट देयर इज सम काइंड ऑफ डैमिंग और सम काइंड ऑफ रिवर फ्लो इज देयर, है ना. कभी कभी किसी हिल से कोई नेचुरल स्प्रिंग आता है, वहीं से पूरे एग्रीकल्चर को पानी का सप्लाई होता है, नेचुरल इरिगेशन. ऐसे गांव में आप चाहिए. यू विल नोटिस अ टू लेयर ऑक्यूपेशन ऑफ पीपल, कुछ लोग जो है जिनके पास पैसा कम है वो नॉर्मल एग्रीकल्चर करते हैं, ठीक है, जिनके पास थोड़ा ज्यादा है वो ज्यादा कैपिटल इंटेंसिव एग्रीकल्चर करते हैं, है ना, जैसे वो जिंजर का फार्मिंग करेंगे, है ना, गार्लिक का फार्मिंग करेंगे, इस तरीके के फार्मिंग में वो इन्वॉल्व हो जाते हैं, जो काफी बड़ा कैश क्रॉप माना जाता है, खास करके स्पाइसेस जो सबसे डोमिनेंट कैश क्रॉप इंडिया में माना जाता है. दूसरी चीज आपको फिर देखने को मिलेगा, पीपल आर ऑल्सो प्रोवाइडिंग एग्रीकल्चरल सर्विसेज लाइक ट्रैक्टर्स, हार्वेस्टर्स, वो वहां पे लाकर असेंबल करके वहीं पे बेचे जाते हैं. ऐसे दो फॉर्म आपको देखने को मिलते हैं मॉडर्न टाइम्स में. तो आप याद रखिए उस समय भी ग्रोवर जी के अनुसार ऐसा पॉपुलेशन जहां पे एग्रीकल्चर और नॉन एग्रीकल्चरल पॉपुलेशन दोनों देखने को मिलता है, दोनों के बीच में स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन देखने को मिलता है, ठीक है. वो रोड के अनुसार मेडिवल जो विलेज होते थे वो ज्यादातर पीजेंट्स, सर्वेंट्स और लेबरर्स का बना होता था, ठीक है, इसलिए वो विलेज के मैनेजमेंट का भी हिस्सा हुआ करता था. लेबरर्स, पीजेंट्स और सर्वेंट्स, ये तीनों विलेज के मैनेजमेंट का भी हिस्सा हुआ करते थे. मेजॉरिटी प्लेज द रोल, भारत एक एक्सेप्शन है वैसे उसके लिए, लेकिन लोकल लेवल पे हमें ये देखने को मिला कुछ जगह पे जिनकी संख्या ज्यादा है मैनेजमेंट में उनका उतना ही महत्वपूर्ण स्थान देखने को मिला. तो ये अंदाजा ग्रोवर साहब द्वारा लगाया गया है. इसके बाद एस कृष्ण स्वामी अय्यंगार, इन्होंने कहा, इन्होंने साउथ इंडिया के विलेजेस में जो असेंबलीज देखने को मिलते हैं, विलेज असेंबलीज इन साउथ इंडिया, उसके बारे में रेफरेंस दिया हुआ है. आगे जाकर हम कुछ और इतिहासकारों का कंट्रीब्यूशन इसमें देखने वाले हैं, लेकिन कृष्ण स्वामी अय्यंगार द्वारा बहुत ही विविड मॉडल हमारे सामने रखा गया है विलेज असेंबलीज ऑफ साउथ इंडिया का. और जैसे मैंने हमेशा कहा है साउथ इंडिया में विलेज असेंबलीज सच में बहुत प्रोमिनेंटली काम किया करती है, ठीक है. आगे देखते हैं दो इंपॉर्टेंट हिस्टोरियंस के कंट्रीब्यूशन. मिस्टर आर सी मुजुमदार अलॉन्ग विद मिस्टर ब्यूर्टन स्टिंग, इन्होंने कहा है द वर्किंग ऑफ द ब्राह्मणिकल असेंबलीज ऑफ द ब्रह्मदेय का वॉज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन इन द रूरल इंडिया. ये प्योरली ब्राह्मणिकल असेंबली हुआ करती थी, है ना. ब्रह्मदेय का ऑब्वियसली क्या था, लैंड ग्रांट्स टू द ब्राह्मिन्स, ठीक है, ये रिलीजियस लैंड ग्रांट था. इसका मतलब देयर मस्ट बी अ टेंपल इंस्टीट्यूशन which was dominated by a group of priests. इसका मतलब वहां जो असेंबली होगी वो किसके द्वारा डोमिनेटेड होगी, ब्राह्मिन्स द्वारा डोमिनेटेड होगी. इसका मतलब वो पूरी तरीके से किस प्रिंसिपल पे काम करेगी, ब्राह्मणिकल प्रिंसिपल्स पे काम करने वाली ब्राह्मणिकल असेंबली बनेगी. तो इस तरीके की ब्राह्मणिकल असेंबली हमें हमने ब्रह्मदेया में देखी है. इसके रेफरेंस ब्यूर्टन स्टीन द्वारा दिए गए, ठीक है. ब्राह्मिन्स द्वारा एक कम्युनल सेल्फ गवर्निंग बॉडी का निर्माण किया गया जिसे कहा जाता है सभा, ठीक है. इसका प्रमाण पल्लवा और चोला रूल के समय काफी बढ़ता हुआ दिखाई देता है. ज्यादातर सभा जो ब्राह्मणिकल सेल्फ गवर्निंग कम्युनल बॉडीज हुआ करती थी उनका निर्माण पल्लवा चोला टाइम्स में काफी बड़े प्रमाण पर हुआ. इसके बाद कुछ नॉन ब्रह्मदेहा विलेजेस थे जो काफी पुराने समय से एग्जिस्ट कर रहे थे, है ना. मतलब ब्राह्मिन को लैंड ग्रांट तो दिए जाते थे, इसके अलावा ऑफिसर्स को दिए गए लैंड ग्रांट्स या मर्सेनरीज को दिए गए लैंड ग्रांट जो थे
वो काफी समय पहले से भारत में देखने को मिले, है ना। रीजनली ऐसा देखा गया है कुछ राज्यों में विच आर नॉट कंसिडर्ड एज वेरी प्रॉस्पेरस, है ना, ऐसे राज्यों में आपको प्रेजेंस देखने को मिलता है एक सेकेंडरी लैंड ग्रैंट, जहां पे आपको रूरल फ्यूडेटरीज देखने को मिलते हैं। ये प्रेजेंस आपको लेटर एंशियंट पीरियड से देखने को मिलता है, ठीक है। तो यहां पे हम लोग देखेंगे कि ज्यादा प्रेजेंस आपको देखने को मिलता है नॉन ब्रह्मदेया विलेजेस का कंपेयर टू द ब्रह्मदेया विलेज, मतलब ऐसे विलेज लैंड ग्रांट्स जो रिलीजियस इंस्टीट्यूशन के तौर पे दान दिए गए उनसे ज्यादा नॉन रिलीजियस ग्रांट्स ऑफ लैंड जो थे या विलेजेस जो थे उनकी संख्या आपको ज्यादा देखने को मिलती है, ठीक है। इसके अलावा नॉन ब्रह्मदेया में एक असेंबली देखने को मिलती है, ब्रह्मदेया में जो असेंबली है उसे सभा कहा गया, नॉन ब्रह्मदेया विलेज के अंदर जो असेंबली थी उसे ऊर कहा गया, ठीक है, ऊर यूर जो भी आपको पढ़ना है, ठीक है। अब एक और बॉडी आपको देखने को मिलती है, ये भी ऐसे विलेजेस को बिलोंग करती है डोमिनेटेड बाय पीपल बिलोंगिंग टू द बैकवर्ड कम्युनिटीज, ठीक है, उसे कहा गया है नट्टार, ठीक है। और नट्टार में से फिर रिप्रेजेंटेशन जाता था और हर नट्टार गांव से एक रिप्रेजेंटेटिव जाता था और वो एक बड़ी असेंबली बनाते थे, इसे कहा जाता था फिर नाडू, ठीक है, तमिलनाडु, ठीक है। तो इस तरीके से ऑटोनॉमस बॉडीज निर्माण किए गए थे, सभा, ऊर एंड नट्टार, ये विजयनगर पीरियड के डिसअपियरेंस तक लगभग डिक्लाइन हो चुके थे, ठीक है। जब विजयनगर एम्पायर डिक्लाइन होता है तो जैसे मैंने कहा व्हेन अ किंग एस्टैब्लिशेस हिज किंगडम एस्टैब्लिशेस डायनेस्टी ही क्रिएट्स अ पॉलिटिकल यूनिफॉर्मिटी एंड पॉलिटिकल यूनिफिकेशन ऑफ द होल रीजन। नाउ व्हाट इज द इंपॉर्टेंस टू हैव अ सेंट्रल रूलर इन द रीजन इज दैट ही क्रिएट्स अ पॉलिटिकल यूनिफिकेशन। नाउ व्हाट इज द इंपॉर्टेंस टू हैव अ पॉलिटिकल यूनिफिकेशन, देयर विल बी स्टैंडर्डाइजेशन इन एडमिनिस्ट्रेशन, है ना। किसी राज्य में किसी देश में एक छत्री अमल होने का फायदा क्या है, सबसे बड़ा फायदा है पॉलिटिकल स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है, है ना, राजकीय स्थिरता। किसी तरीके की अस्थिरता नहीं होती, अस्थिरता में एनार्की फैलती है, है ना, लॉ एंड ऑर्डर डिक्लाइन हो जाता है, मारकाट मचती है, ये सब नहीं होता। दूसरी चीज, इट प्रोवाइड्स पॉलिटिकल यूनिफिकेशन, है ना, जो रीजन है उनमें लड़ाई नहीं होती, है ना, जैसे तमिलनाडु एक देश समझ के, केरला एक देश समझ के एक दूसरे से लड़ेंगे नहीं, दे विल कंसिडर देमसेल्व्स एन अनअल्टरेबल स्टेट्स ऑफ द कंट्री, है ना, वो अपने आप को स्टेट का हिस्सा मानेंगे, देश का हिस्सा मानेंगे, ये उसका फायदा होता है। तो पॉलिटिकल यूनिफिकेशन का ये फायदा होता है। दूसरी बात, देयर विल बी एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिफिकेशन और यूनिफॉर्मिटी, प्रशासन सभी जगह समान होगा, समान तरीके का एडमिनिस्ट्रेशन लाया जाएगा, है ना, समान तरीके का कानून होगा, एक ही कानून को हर जगह अप्लाई करने की कोशिशें की जा सकेगी, है ना। इसका मतलब सेंट्रल रूलर का कमांड जो होगा वो रिमोट एरियाज तक जाएगा और रिमोट एरियाज में भी स्टेबिलिटी देखने को मिलेगी, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन देखने को मिलेगी, एक रेगुलेटेड इकोनॉमी भी देखने को मिलेगी। ये फायदा होता है पॉलिटिकल यूनिफिकेशन का या पॉलिटिकल यूनिटी का। तो ये बहुत बड़ा फायदा विजयनगर एम्पायर के एस्टेब्लिशमेंट के बाद दिखाई दिया। और जैसे जैसे विजयनगर एम्पायर डिक्लाइन होने लगा, विजयनगर एम्पायर के डिक्लाइन का एक बहुत बड़ा कारण था, द होल विजयनगर एम्पायर वॉज डिपेंडेंट ऑन द फ्यूडेटरीज एंड अ वेरी डिफरेंट टाइप ऑफ फ्यूडेटरीज दैट डेवलप्ड अ ब्यूरोक्रेसी विच वॉज अ मिलिटरी ब्यूरोक्रेसी। विजयनगर एम्पायर में एक मिलिटरी ब्यूरोक्रेसी को देखने को मिला। उन्होंने क्या किया, एक हाईली फोर्टिफाइड नगर का निर्माण किया, उस फोर्टिफाइड नगर को प्रोटेक्ट करने की कोशिश की गई, हर नगर को एक एक फ्यूडल लॉर्ड के कंट्रोल में दे दिया गया, वो उस फोर्ट सिटी का मेन कमांडेंट और मेन एडमिनिस्ट्रेटर बना, है ना। उन्होंने मिलिट्री ब्यूरोक्रेसी तो लाई और इस मिलिट्री ब्यूरोक्रेसी द्वारा एडमिनिस्ट्रेशन चलाया, ठीक है। जैसे सेंट्रल रूलर कमजोर हुआ, हर जो जो विलेज, हर वो टाउन, हाईली फोर्टिफाइड टाउन जो था, उस हर फोर्टिफाइड टाउन के मेन कमांडेंट ने अपने आप को राजा घोषित कर दिया, इसे कहा जाता है नायका, और इस सिस्टम को कहा जाता है नायका सिस्टम। और इसके बाद जो छोटे छोटे स्टेट बने विजयनगर एम्पायर के अंदर, उन्हें नायका स्टेट्स कहा जाता है। यहां से फिर रास्ता बनता है नायका स्टेट का। तो नायका स्टेट का शुरुआत माना जाता है इन ऑटोनॉमस बॉडीज से हुआ,
ठीक है, इन ऑटोनोमस बॉडीज के ऊपर फ्यूडेटरीज का कंट्रोल आया, फ्यूडेटरीज के कंट्रोल और बढ़ते गए, अर्बन एरिया तक कंट्रोल आया, अर्बन एरिया के चपेट में विलेजेस आए और उनका कंट्रोल रूरल एरिया तक गए, और बाद में जैसे मेन राजा डिक्लाइन पे आया, मेन डायनेस्टी डिक्लाइन पे आया, इन्होंने अपने आप को राजा घोषित कर दिया, ठीक है। तो इस तरीके से हमें देखने को मिलता है कि ऑटोनॉमस बॉडीज अगर आप बनाते हैं, इसीलिए सेंट्रल सेंट्रलाइजिंग टेंडेंसी, मोर यूनिटरी फीचर्स, इंडिया एज अ स्टेट इज अडॉप्टिंग मोर यूनिटरी फीचर्स इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, इसलिए हमने ज्यादा यूनिटरी फीचर्स को अडॉप्ट किया है, कारण हमारे इतिहास में देखने को मिलता है। जब आप डेमोक्रेसी लाना चाहते हैं, आप लोगों को आजादी देना चाहते हैं बोलने की, एक्सप्रेशन की, आप लोगों को ऑटोनॉमी देना चाहते हैं, आप अलग अलग पब्लिक यूनिट्स को ऑटोनॉमी दे रहे हैं अपनी तरीके से काम करने, है ना। जैसे आप देखो, ऑटोनॉमी का एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं, हाउ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया विल वर्क विल बी डिसाइडेड बाय द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ओनली एंड नॉट बाय द पार्लियामेंट, नॉट इवन बाय द मिनिस्ट्री ऑफ लॉ अफेयर्स, इट विल बी होली एंड सोली डिटरमाइंड बाय द सुप्रीम कोर्ट इटसेल्फ, हाउ द सीबीआई विल इंटरैक्ट विद द पीपल, हाउ द सीबीआई विल फंक्शन, इट विल बी टोटली डिटरमाइंड बाय द सीबीआई ओनली, इट वोंट बी टेल और इट वोंट बी प्रेस्क्राइब्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, ये वो नहीं बता सकते। इसीलिए हर सर्विस का अपना एक सर्विस मैनुअल होता है, हर डिपार्टमेंट का अपना एक प्रोसीजरल बुक होता है, प्रोसीजर कोई नहीं बता सकता, होम मिनिस्ट्री नहीं बोल सकता ऐसे इन्वेस्टिगेशन मत करो ऐसे करो, ऐसा कोई भी मिनिस्ट्री उन्हें नहीं बता सकता। दैट इज अ काइंड ऑफ इंस्टीट्यूशनल ऑटोनॉमी गिवन बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया टू इंडियन इंस्टीट्यूशन। अब जब ऐसी ऑटोनॉमी है तो काम करने के तरीके में ही स्ट्रेटेजी लाई जा सकती है, इसलिए हमने सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर रखी, हमने पार्लियामेंट को बहुत ज्यादा पावर दी, पार्लियामेंट रिएक्शनरीली किसी भी एक्स्ट्रा ऑटोनॉमस फ्यूचर को, किसी भी एक्स्ट्रा ऑटोनॉमस फ्यूचर प्रैक्टिस को कंट्रोल कर सकता है, इसीलिए चेक्स एंड बैलेंस सिस्टम का, ठीक है, याद रखिए, ये बहुत बड़ा एग्जाम्पल है उसका, ठीक है। ब्राह्मण विलेजेस के अंदर जो असेंबलीज होते थे, अगर हम चोला पीरियड में देखें तो ये देखने को मिलता है वहां पे सिस्टम ऑफ इलेक्शन था, उसमें रिप्रेजेंटेशन ऑफ सम स्पेसिफिक इंडिविजुअल फैमिलीज था, ठीक है, इसका मतलब वहां पे ओलिगार्चिक इलेक्शन हुआ करते थे, कुछ खास फैमिलीज के ब्राह्मण्स उस उन सभाओं को रिप्रेजेंट भी करते थे और उन सभाओं को प्रिसाइड भी करते थे। दूसरी तरफ मेंबरशिप के क्वालिफिकेशंस क्या होंगे और उन सभाओं के अंदर अलग अलग कमिटीज कैसे काम करेगी, इसका रेफरेंस भी हमें चोला पीरियड के ब्राह्मण विलेज असेंबलीज के अंदर, मतलब सभास के अंदर देखने को मिलता है। सो सभास वेयर वर्किंग लाइक एन इंस्टीट्यूशन, उसमें कमिटीज हुआ करती थी, उसमें इलेक्शन हुआ करते थे, उसमें रिप्रेजेंटेशन किसी एक ओलिगार्चिक ग्रुप का होना चाहिए, यह भी कंसिडर किया गया था। तो इस तरीके से यह सिस्टम रूरल लेवल पे काम करते थे। अब देखते हैं पंच मुकादम सिस्टम, किसी भी विलेज का जो एडमिनिस्ट्रेशन था वो किसके अंडर में दिया गया था, है ना। आप लोगों ने पंच मुकादम मतलब पांच मुखिया या पंच मुखिया, यह सिस्टम हरियाणा में या पंजाब में देखा होगा, उत्तर प्रदेश के कुछ गांव में, बिहार के बहुत सारे विलेजेस में आज भी इस तरीके का सिस्टम देखने को मिलता है, ठीक है। तो वृंदावन जो है बहुत इंपॉर्टेंट प्लेस है नॉर्थ इंडिया का, बहुत डिवाइन प्लेस माना जाता है, वहां से हमने कुछ डॉक्यूमेंट्स रिसीव किए, ये दोनों ये दो भाषाओं में लिखा गया द्विभाषिक डॉक्यूमेंट है, पर्शियन और ब्रज, यहां की भाषा है वृंदावन की, जिसे हम लोग ब्रज भाषा कहते हैं। ये भाषा बाद में हिंदी के साथ अडॉप्ट करी गई और उसे ब्रजभाषी हिंदी बताया गया, तो ये वो वाला हिस्सा है, ठीक है। तो उसमें 16 सेंचुरी के विलेज के लैंड डील्स के बारे में ये डॉक्यूमेंट हमें मिलते हैं कि यहाँ पे कोई 16 सेंचुरी में कोई बड़ी लैंड डील हो रही थी, उस वहां से हमें बहुत सारा इंफॉर्मेशन मिलता है। उसके अंदर पंच और मुकादम दोनों को एक ही पद के लिए इस्तेमाल किया गया है, दो वर्ड्स को विलेज हेडमन के लिए इस्तेमाल किया गया, पंच और मुकादम, ठीक है। पंच एक कलेक्टिव बॉडी हुआ करती थी जिसे हम आज के समय पंचायत कहते हैं, ठीक है। तो उस समय का पंच का मतलब सिर्फ पांच लोग नहीं, पांच या उससे ज्यादा, कभी 13 कभी उससे भी ज्यादा लोगों का एक पंचायत माना जाता था, ठीक है। तो वृंदावन के डॉक्यूमेंट्स में ये नंबर अलग अलग देखने को मिलते हैं, कुछ जगह पे 5 है, कुछ लोगों जगह पे 4 है, कुछ जगह पे 13 से भी ज्यादा देखने को मिलेंगे, ठीक है। बैडन पॉवेल नाम के एक ऐसे ही रूरल हिस्टोरियन है इंडिया 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 के लिए स्टडी करने वाले, उन्होंने बताया
कि इंडियन विलेज कम्युनिटी का जन्म जो हुआ है वो जॉइंट फैमिली के एक्सटेंशन से हुआ है ना। जैसे उनको लगता है कि एक कपल के 6 बच्चे हुए, फिर उन 6 के अलग अलग रिलेटिव आए है ना, उनकी शादियां होने के बाद वो सब वहीं पे रहने लगे, फिर उनकी वंशावली बढ़ती गई, वो उसी एरिया में रहने लगे, ऐसा करते करते वो एक फैमिली का, जॉइंट फैमिली का एक गांव बन गया। ठीक है, ऐसा एक्सप्लेनेशन बेडन पॉवल ने विलेज कम्युनिटी को लेकर दिया है। तो वो मानते हैं कि ये जॉइंट फैमिली का, विलेज जॉइंट फैमिली का एक्सटेंशन होता है। ठीक है, इरफान हबीब हालांकि मानते हैं कि दो पंच, अगर हम देखें पंचायत के अंदर के जो पंच हुआ करते, कभी कभी ये देखने को मिला है कि वो एक फैमिली के डिसेंडेंट्स नहीं है, एक फादर या ग्रैंडफादर के बच्चे नहीं है। ठीक है, तो उन्होंने बताया कि ये फीचर जो है या ये रेगुलेशन जो है वो हमें चोला पीरियड के ब्राह्मण विलेज में या ब्रह्मदेया में देखने को मिलती। ठीक है, तो चोला पीरियड में एक रेगुलेशन लाया गया था दैट ऑल द पंच और ऑल द मुखियाज और ऑल द मुकादम शुड नॉट बिलोंग टू अ सिंगल फैमिली। ठीक है, सभी पंच एक ही फैमिली के नहीं होने चाहिए, अ सिंगल फैमिली शैल नॉट ओवर रिप्रेजेंट द सभा। ये एक रेगुलेशन चोला पीरियड में लाया गया था। तो इरफान हबीब मानते हैं कि शायद ये उसी के कारण डेवलप हुआ कि पंच अलग अलग फैमिली के देखने को मिले हैं, अलग अलग फादर से जन्मे हैं, अलग अलग ग्रैंडफादर को बिलोंग करते हैं। ठीक है, उन्होंने एम्फेसिस किया हेरिडिटरी सक्सेशन के ऊपर। उन्होंने बताया कि अपने आप को पंच के स्टेटस में लाने के लिए हेरिडिटरी सक्सेशन भी किए गए थे पंच के पद के, है ना, पहले दादा पंच, उसके बाद पिता पंच और उसके बाद बेटा पंच, इस तरीके का सक्सेशन भी कुछ जगह पे दिया गया था। हालांकि हमें यह भी देखने को मिला कि अरिथा नाम का एक डॉक्यूमेंट आया है, राधा कुंड से लिया गया है, राधा कुंड मतलब मथुरा वृंदावन दोनों जगह को मिला के यहाँ का एक डॉक्यूमेंट मिला। उस डॉक्यूमेंट में हमें पता चला कि अगर कोई हिंदू या कोई ब्राह्मण इस्लाम में कन्वर्ट हो जाता है तो भी उसके सक्सेशन का अधिकार नहीं जाता, फिर भी वो सरपंच बन सकता। मान लीजिए एक फैमिली है, एक कॉमन ग्रैंडफादर है, सिंगल फैमिली ट्री से, जैसे मान लीजिए कपूर फैमिली है ना, राज कपूर या पृथ्वीराज कपूर साहब के बच्चे ऋषि, फिर इधर रणवीर, तो मान लीजिए रणवीर कपूर अगर मुस्लिम बन जाते हैं तो फिर भी रणवीर कपूर सरपंच या पंच बन पाएंगे या मुखिया बन पाएंगे, उनका मुखिया बनने का हेरिडिटरी अधिकार जो है वो छीना नहीं जाए। ये खास बात हमें इस पीरियड में देखने को मिली। ठीक है, तो ये अरिथा के डॉक्यूमेंट से हमें ये पता चला। ठीक है, बहुत बार इरफान हबीब ने यह भी बताया कि वृंदावन डॉक्यूमेंट से यह पता चलता है कि एट एनी वन टाइम ओनली वन मेंबर ऑफ द फैमिली एक्टेड एज पंच, मतलब पूरी फैमिली का एक ही व्यक्ति पंच बना, मतलब दूसरा पंच जो है वो दूसरी फैमिली का है। ठीक है, यह भी देखने को मिला, इसमें काफी वैरायटी देखने को मिल रही है। वृंदावन का एक डॉक्यूमेंट जो है 1594 का, उसमें आउट ऑफ 13 पंच 3 वेयर मुस्लिम्स। ठीक है, 13 में से 3 मुस्लिम पंच देखे गए हैं वृंदावन के अंदर। ठीक है, अब वृंदावन देखिए डोमिनेटेड बाय द हिंदू मेजॉरिटी, फिर भी 3 मुस्लिम पंच हमें देखने को मिले। ठीक है, हेरिडिटरी सक्सेशन के अलावा और भी चीजें थी जो पंच बनने में मददगार साबित होती थी, जैसे इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी, कास्ट इंफ्लुएंस एटसेट्रा, ये भी बहुत बड़ा रोल प्ले करते थे। ठीक है, तो कास्ट तो बहुत ही बड़ा रोल प्ले करता था। ठीक है, इसके बाद ग्रोअर साहब का एक स्टेटमेंट देखते हैं इसी मामले में, जमींदारी एंड मुकदमी फैमिलीज एंड अदर रियाया वुड ऑफन मीट इन अ विलेज चौपाल, जमींदार से मिलने का एक ही जगह हुआ करता था, गांव का चौपाल। ठीक है, गांव में एक ऐसा प्लेस जहां पे सभी लोग मिलकर बैठेंगे और एक असेंबली करेंगे और अपने इश्यूज को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ज्यादातर इश्यूज एग्रेरियन कम्युनिटी को करने डील करने वाले, इसलिए आप देखते हैं हमारे एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री का जो पोर्टल है उसका नाम है चौपाल। ठीक है, तो चौपाल बहुत सारे एग्रेरियन शो हमारा प्रसार भारती मंत्रालय चलाता है, चौपाल के नाम से चलाता है, एक चैनल है चौपाल के नाम से चलाया जाता है, बहुत सारे फोरम चौपाल के नाम से चलाए जाते हैं, तो एग्रीकल्चर से क्लोजली रिलेटेड। ठीक है,
चौपाल पे ही अलग अलग कास्ट ग्रुप अपने इंटरेक्शन के बारे में चर्चा करते थे, ठीक है, और कास्ट के रेगुलेशन इसके अंदर एनफोर्स किए जाते थे, मतलब व्हिच कास्ट कैन नॉट पार्टिसिपेट इन द इशू ऑफ चौपाल, है ना। ऑब्वियसली हु वर कंसीडर्ड एज द अनटचेबल्स, बॉयकॉटेड, और जिन्हें हम लोग बहिष्कृत कहते हैं वो लोग इसका हिस्सा नहीं हो पाएंगे। तो इसका मतलब इसके अंदर कास्ट बेस्ड एनफोर्समेंट काम किया करते थे, ठीक है। ग्रोवर के अनुसार कास्ट एक चीफ बाइंडिंग फैक्टर था विलेज कम्युनिटीज के लिए। विलेज कम्युनिटीज का पूरा फंक्शन जो था वो पूरी तरीके से कास्ट के ऊपर बेस्ड था। कास्ट ही मेन बाइंडिंग फोर्स था और कास्ट ही एक मेन सेंस था जिसके जरिए पंचायत को चलाया जाता था। सो ही इज टॉकिंग अबाउट द सेंस ऑफ अ कास्ट पंचायत, वो जातीय पंचायत के बारे में बात कर रहे हैं, जहां पे कास्ट सबसे बड़ा डिटरमाइनिंग फैक्टर बन सकता था, ठीक है। उन्होंने एक बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दे को डिनाई कर दिया, इट हैड एनी रोल इन मैटर्स रिलेटिंग टू एग्रीकल्चरल लाइफ, रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन एंड सोशल बिहेवियर। कास्ट पंचायत या पंचायत के फंक्शन में एग्रीकल्चरल लाइफ, रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन और सोशल बिहेवियर का कोई भी रोल नहीं हुआ करता था। इसके अंदर जो रोल हुआ करता था ज्यादातर कास्ट बेस्ड बाइंडिंग का होता था, यही बात ग्रोवर साहब ने हमारे सामने रखी, ठीक है। तो ग्रोवर साहब की किताब अगर आप में से किसी ने रेफर करी है तो उसमें उन्होंने कास्ट के बारे में ये बात मेंशन की हुई, ठीक है। बहुत सारे ऑथर्स ने ये बताया, एडमिनिस्ट्रेशन, रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन, सोशल बिहेवियर, लेकिन उनके अनुसार ऐसा कुछ नहीं था, एवरीथिंग वाज बेस्ड ऑन कास्ट, ठीक है, ठीक है। ग्रोवर के अनुसार एक्चुअली कोई कम्युनल लैंड नहीं हुआ करती थी या फिर कोई कॉमन फाइनेंशियल पूल गांव के अंदर देखने को नहीं मिलता, है ना, जैसा ब्रिटिशर्स कहते हैं दैट देयर वाज नो कंसेप्ट ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी, रादर देयर वाज अ कंसेप्ट ऑफ कम्युनल प्रॉपर्टी, मतलब एक सार्वजनिक मालमत्ता हुआ करती थी। लेकिन ग्रोवर ये मानने से नकार देते, ऐसा कुछ भी नहीं था, ठीक है। तो वो आगे रेफरेंस देते हैं, देयर वेयर village land, there were wastelands in villages, pastures and the adjoining jungles all owned by the state. ये सभी सरकार के ownership में हुआ करता था, मतलब कुछ भी ऐसा नहीं था जो जनता का होगा, सब कुछ सरकार का ही था, और उसके ऊपर public का कितना access है उसके बारे में grower नहीं बताते। इसका साफ मतलब है उन्हें लगता है कि सरकार ने इसको ओपन एक्सेस जनता को नहीं दिया होगा, ठीक है। आगे लिखा है विलेज हैड अ राइट टू यूज ऑफ दिस पास्चर लैंड, वुड फ्रॉम द जंगल, पीस कैरी फ्रॉम द पॉन्ड्स इन लियू ऑफ नॉमिनल सेसेस टू द जमींदार एंड मुकद्दम फैमिलीज। इसका एक्सेस दिया जाता था लेकिन उसके लिए छोटे मोटे अफवाब्स, मतलब सेसेस, छोटे वाले टैक्सेस आपको पे करने पड़ते थे। किसे देने पड़ते थे? जमींदार या फिर मुकदमी फैमिलीज को देना पड़ता था। बहुत जगह हमने ये भी प्रॉब्लम देखा, है ना, जब हम लोग ट्राइबल रिवोल्ट्स के बारे में पढ़ेंगे, ट्राइबल अपराइजिंग्स के बारे में पढ़ेंगे, यू विल गेट टू नो पास्चर्स वेयर नॉट अलाउड टू यूज विदाउट पेइंग द टैक्सेस एंड टैक्सेस यूज्ड टू बी मोर, इस कारण पीजेंट अपराइजिंग्स हुए थे, बिकॉज पीजेंट्स वेयर प्रैक्टिसिंग द मिक्स फार्मिंग, दैट इज पास्टोरलिज्म एज वेल एज एग्रीकल्चर। तो पशुपालन भी चलेगा और खेती भी चलेगी, लेकिन गांव में जो एग्रीकल्चर लैंड के अलावा जमीन हुआ करती थी उसके पास्चर का इस्तेमाल फ्री नहीं था, इसलिए भी आंदोलन किए गए, ठीक है। एक और बात बताई गई थी कुछ इतिहासकारों ने मलबा नाम की कंसेप्ट के बारे में लिखा, इट वॉज अबाउट द कॉमन विलेज फंड, ठीक है। तो उन्होंने बताया कि मुगल पीरियड तक या मुगल पीरियड के समय मलबा हुआ करता था या नहीं, इसके बारे में काफी चर्चा है। तो ग्रोवर साहब ने बताया कि मलबा जो था उसे एक इल्लीगल सेस माना गया था, ठीक है। मलबा जो हुआ करता था, मतलब विलेज फंड, उसे इल्लीगल माना गया। अब विलेज फंड के लिए जनता से पैसे लिए जाते, अब पैसा कलेक्ट करने वाला जो होता था वो उस गांव के डोमिनेंट मुखिया कम्युनिटी में से एक होता था। वो क्या करता था, जनता से काफी पैसे ऐंठता था और बताता था कि हम कॉमन विलेज फंड के लिए पैसा ला रहे हैं। लेकिन मुगल पीरियड में एक और व्यवस्था हुआ करती थी, वो व्यवस्था थी खर्चा ई देह, इसका मतलब है इंसिडेंटल एक्सपेंडिचर ऑफ द विलेज, ठीक है। अब ये सरकार द्वारा बनाया गया, सरकार के लोकल एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा इसे लाया गया था। गांव में अगर कुछ नेचुरल कैलेमिटी आती है
गांव में अगर ड्रॉट आता है तो गांव के लोग सर्वाइव कैसे करेंगे, उनके लिए एक रिजर्व फंड बनाया जाता था, उससे बताया जाता था, उसका नाम था खर्चा ही दे, ठीक है। लेकिन खर्चा ही दे है एक कंटिंजेंसी फंड, खर्चा ही दे है किसी तरीके का कॉमन पूल नहीं था, विलेज रिया या मतलब विलेज जनता का कोई भी कॉमन पूल देखने को नहीं मिलता, ऐसा क्लियर कट नॉलेज हमें मिस्टर ग्रोवर द्वारा दिया गया है। तो मलबा जिसे हम लोग कॉमन विलेज फंड कहते हैं, ये मुगल पीरियड में इलीगल माना गया था क्योंकि उससे एक्सप्लॉयटेशन होता था। दूसरा खर्चा ही देह ये एक कंटिंजेंसी फंड था, अगर कोई कंटिंजेंसी गांव में आती है, नेचुरल कैलामिटी हो या कुछ भी हो, कोई बीमारी हो, तो उस पैसे में से लोग सर्वाइव करने की कोशिश करते थे। ये सरकारी फंड था, ये किसी भी तरीके के कॉमन पूल का हिस्सा नहीं था, कोई भी कॉमन प्रॉपर्टी पूल नहीं था, ठीक है, समझ में आया। 1710 में बहादुर शाह वन का एक फरमान हमें देखने को मिलता है, उस फरमान में उन्होंने बताया ही इज डिक्लेयरिंग दैट द बैंड ही बैंड द चार्जेस ऑन द ग्रास फॉर्डर फ्रॉम द पास्चर्स एंड जंगल। बहादुर शाह वन ने जंगल के जो ग्रासलैंड्स थे, पास्चर्स थे, उनके ऊपर लगाया गया टैक्स एबॉलिश कर दिया, ठीक है। डिमांड चल रही थी, रिवॉल्ट का कारण बन रहा था, ठीक है। इरफान हबीब एक आर्गुमेंट दे रहे हैं, विलेज कम्युनिटी डिफाइंस एंजॉयड राइट्स ओवर वेस्टलैंड्स एंड देयर वाज प्रेजेंस ऑफ कॉमन फाइनेंशियल पूल। अब इरफान हबीब अलग डायरेक्शन में बोले, देखो ग्रोवर साहब ने बोला कि कोई कॉमन फाइनेंशियल पूल नहीं था, लेकिन इरफान हबीब कहते हैं कि उस समय कॉमन फाइनेंशियल पूल का प्रेजेंस देखने को मिलता है, ठीक है। अब वो कैसे देखने को मिलता है उसके बारे में देखते हैं, ठीक है। इरफान हबीब के अनुसार पंचायत का विलेज के ऊपर और विलेज की जमीन के ऊपर पूरी तरीके से कंट्रोल देखने को मिलता है, इसके लिए उन दिनों के कंटेम्प्ररी डॉक्यूमेंट में आपको मिलता है लिखा हुआ जमीनी मौजा, ठीक है। जैसे आज है, आज हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशन में शेड्यूल 5 और शेड्यूल 6 है ना, दे आर मिंट फॉर टू डिफरेंट एरियाज वेयर ट्राइबल्स आर लिविंग इन माइनॉरिटी and where tribals are living in majority, ठीक है। So we are having different type of administration and a differential form of governance. Governance based on the traditional rule of the tribal life or tribal lifestyle. Tribal लोगों का जो जनजीवन है उस पर आधारित हमारी शासन प्रणाली। उन areas में सरकार pastures पे किसी तरीके का tax नहीं लगा सकती। वहां पे जो lake है उसे कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्स बोला जाता है, वहां पे जो जंगल है उसे कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्स माना जाता है, जो सामाजिक वनीकरण है वो कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्स। हालांकि ऐसी संकल्पनाएं देश के सभी हिस्सों में देखने को नहीं मिलती आज भी, लेकिन शेड्यूल्ड एरियाज में और ट्राइबल एरियाज में आपको ये संकल्पना देखने को मिलती है, ठीक है। तो शेड्यूल्ड एरिया में पेसा के अंतर्गत पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल्ड एरिया जो 1996 में लाया गया, इसके अंतर्गत कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्सेस के बारे में बोला गया, हालांकि प्रोफाउंड आइडिया नहीं है लेकिन इसके बारे में आइडिया टच किया गया, ठीक है। तो आप लोग देखेंगे जमीनी मौजा मतलब गांव की पंचायत जमीन के ऊपर पूरी तरीके का कंट्रोल रखती थी, ठीक है। इट कुड बी पॉन्ड वेस्टलैंड और कल्टीवेटेड और कल्टीवेबल लैंड, कोई पॉन्ड कोई लेक कोई कल्टीवेबल लैंड, इवन वेस्टलैंड और नॉन कल्टीवेटेबल लैंड, इसके ऊपर किसका अधिकार था, गांव की पंचायत का अधिकार था, ऐसी बात इरफान हबीब द्वारा बताई गई, ठीक है। अब देखो ग्राउंड तो सेम है दोनों का, है ना, ग्राउंड सेम है दोनों का, फर्क इतना है ग्रोवर साहब ने कहा एवरी कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्स वॉज ओन्ड बाय द स्टेट, ठीक है। इरफान हबीब कहते हैं एवरी कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्स इज ओन्ड बाय द पंचायत, ये फर्क। सो अकॉर्डिंग टू हबीब इट वॉज द लोकल गवर्नमेंट which was owning this, that's why it was having utility for the villages. अगर हम state कहते हैं तो फिर पता नहीं utility होगी या नहीं, ऐसे अलग अलग argument दोनों द्वारा दिए गए। अरिथा के document द्वारा ये confirm किया गया है कि village के अंदर का जो wasteland होता था वो sell किया जा सकता था या फिर उसे lease out भी किया जा सकता था या फिर उसके लिए cultivation की permission भी grant की जा सकती थी, ये अरिथा डॉक्यूमेंट्स के अंदर हमें मिलता है। अरिथा डॉक्यूमेंट के अंदर आपको अलग अलग जमीनों के डील्स के डॉक्यूमेंट मिले, उसमें इवन वेस्टलैंड की सेल की डील की गई, ठीक है।
एक जगह पे लैंड को सेल आउट किया गया, एक जगह पे लैंड को लीज आउट किया गया, एक जगह पे फेलो लैंड जो वेस्ट लैंड डिक्लेयर करी गई है 5 या 10 साल पहले, उसको रिकल्टीवेट करने के बारे में ऑर्डर इश्यू किए गए। ठीक है, वृंदावन के एक डॉक्यूमेंट में 1594 का डॉक्यूमेंट में उसमें बताया गया एक पंच है उसके द्वारा 4 बिस्वा वेस्ट लैंड को एक बैरागी को लैंड ग्रांट के तौर पर दिया गया। ठीक है, मतलब पंचायत द्वारा जमीन एक बैरागी को, मतलब एक नोमैड को, नोमैड नहीं कहेंगे, क्या कहते हैं, एक स्पिरिचुअल पर्सन कोई है, कोई साधु है, सेज है, उसको लैंड ग्रांट के तौर पे दिया गया। तो इस तरीके से वेस्टलैंड भी ग्रांट के तौर पे या सेल आउट के तौर पे या लीज के रूप में दी जा सकती थी, उसके डॉक्यूमेंट हमें मिले। इस कारण इरफान हबीब का आर्गुमेंट जो है वो ज्यादा पावरफुल लगता है। ठीक है, ऑब्वियसली वैरायटी तो होगा हर जगह, यही कानून नहीं होगा, लेकिन फिर भी उनका स्टैंड काफी क्लियर दिख रहा है। ठीक है, विलेज कम्युनिटी जो थी वो सभी के सभी राइट्स ऑफ सेल और परचेस एंजॉय नहीं करते थे, है ना। हर व्यक्ति, हर इंडिविजुअल पीजेंट चाहे जो जमीन चाहे जो क्रॉप है वो कल्टीवेट करेगा, इतनी आजादी तो उस समय एटलीस्ट नहीं थी। लेकिन हमने देखा कि आउटसाइडर अगर आए, किसी विलेज के अंदर कोई आउटसाइडर आता है और वो बोलता है कि उसे कल्टीवेबल लैंड चाहिए, ठीक है, उसके लिए उसे परमिशन लेनी पड़ती थी। ठीक है, और ये परमिशन जो होती थी वो कम्युनिटी लेवल पे लेनी पड़ती थी। ऐसे आउटसाइडर को पाइकश्त बोला जाता था। ठीक है, पाइकश्त मतलब बाहर का व्यक्ति जो आकर यहाँ पे एग्रीकल्चर कल्टीवेशन कर रहा है। ठीक है, महाराष्ट्र में आपको एक रिकॉर्ड मिलता है, थलजादा रिकॉर्ड के नाम से प्रसिद्ध है। यहाँ पे हमें एक डांसर को जो लैंड मिली थी उसके बारे में डायरेक्ट रेफरेंस मिलता है। तो महाराष्ट्र का गांव है इंदापुर। ठीक है, इंदापुर में सिद्धेश्वर टेंपल के लिए, सिद्धेश्वर टेंपल के पास सर्विस के तौर पर एक डांसर थी श्यामा नाइक, नाइक सर नाम था। मराठी बखर में ये रेफरेंस मिलता है आपको, इसमें वर्ड इस्तेमाल किया जाता है नाइकिन, वाई अगर है, लेडी अगर है तो इन लगाते हैं ना नाम के सामने, गांव में जाइए आज भी वही वर्ड इस्तेमाल होते हैं। तो ये उस समय लैंग्वेज में इस्तेमाल किया, तो श्यामा नाइक को इस तरीके का 60 बीघा जमीन का ग्रांट दिया गया। ठीक है, इसलिए सिद्धेश्वर टेंपल ऑफ इंदापुर में उन्होंने जो सर्विस दी, और दरगाह ऑफ पीर चांद खान वहां पे उन्होंने जो सर्विस दी, कलेक्टिवली उसके लिए 30-30 बीघा जमीन उनको ग्रांट के तौर पर दिया गया दोनों की तरफ से। तो कलेक्टिव ग्रांट आता है उनका 60 बीघा का। इससे पता चलता है कि डांसर्स को भी लैंड ग्रांट किए गए थे। ठीक है, अब ये कौन सी कैटेगरी में जाएगा, ये पाइकश्त कैटेगरी में जाएगा। ठीक है, नहीं लोकल नहीं थी, डांसर जो होते हैं ना वो एक जगह से दूसरी जगह प्रोग्राम करने वाले लोग होते हैं ना, ऐसे प्रोग्राम्स करने वाले लोग होते हैं उनके बारे में। ठीक है, तो वेस्टलैंड को अगर बेचते हैं गांव में, अगर किसी को वेस्टलैंड बेचनी है तो उसके अंदर विलेज का जो मुकदम होता था, पंच होता था, उसका शेयर हुआ करता था, उसका शेयर बहुत जरूरी माना गया था। ठीक है, अब इसीलिए हम लोग देखते हैं कि इसका इस्तेमाल जो शेयर मुकदम को मिलेगा या पंच को मिलेगा, क्या वो कॉमन फाइनेंशियल पूल में डालेगा या नहीं डालेगा। ठीक है, तो बहुत डिबेटेबल इशू ये माना गया था, क्योंकि कुछ जगह पे रेफरेंस मिले हैं हमें कि पंच ने वेस्टलैंड को बेचा और जो कॉमन फाइनेंशियल पूल था या फंड था उसके अंदर पैसा डाला। ठीक है, लेकिन कुछ जगह यह भी देखने को मिला कि लैंड डील में अगर वो क्या कहते हैं उसे लॉस में आया तो उसका प्रेशर कॉमन फाइनेंशियल पूल के ऊपर है। तो कॉमन फाइनेंशियल पूल का इंटरेक्शन इन लैंड डील्स के अंदर देखने को मिला। ठीक है, इसका भी डॉक्यूमेंट के जरिए ही कंफर्मेशन किया गया। ठीक है, एसपी गुप्ता नाम के एक इतिहासकार हैं, उन्होंने इस तरीके की एक लैंड डील के बारे में रेफरेंस दिया है, उन्होंने डॉक्यूमेंट भी इसका सबमिट किया है। उन्होंने बताया कि ऐसा भी होता था कि बहुत बार पंचायती के लैंड को ही स्टेट गवर्नमेंट मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट जो होती थी वो टैक्स कर देती, जमीन पंचायत की। ठीक है, आप
पंचायत की जमीन को, पंचायत की ओनरशिप की लैंड को टैक्स नहीं किया जाना चाहिए, जो जमीन इंडिविजुअल को दी है उसको टैक्स किया जाना चाहिए, लेकिन देखा गया कि उसके ऊपर भी टैक्स लाया गया। ठीक है, तो इसलिए उन्हें लगता है कि इस टैक्स करने की घटना को हम इंटरप्रेट कैसे करें। इसका मतलब है उस समय जमीन का कम्युनल ओनरशिप, मतलब कम्युनिटी ओनरशिप होता होगा, इसीलिए पंच की या पंचायत की जमीन जो थी उसको भी टैक्स किया गया। पंचायत की जमीन को केंद्र सरकार टैक्स क्यों करेगी, वो तब तक टैक्स नहीं कर सकती जब तक वो कम्युनिटी लैंड नहीं है, तो कम्युनिटी लैंड थी इसीलिए उसको टैक्स किया गया। ऐसा आर्गुमेंट मिस्टर एसपी गुप्ता द्वारा दिया गया। एसपी गुप्ता इतने जाने माने नहीं है, लेकिन रेवेन्यू और लैंड सेटलमेंट्स इनके मामले में उन्होंने काफी बड़ा कंट्रीब्यूशन किया है। तो उनका कंट्रीब्यूशन एंशियंट पीरियड से, तो एंशियंट पीरियड से मेडाइवल जब तक जो ट्रांजिशन आया, जो बदलाव रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन में आए, उसके बारे में उन्होंने काफी डिटेल बातें बताई। इंडिविजुअल टैक्स नहीं लगा सकते ना, जमीन अगर इंडिविजुअल के नाम पे है तो टैक्स लगाई जा सकती, लेकिन जमीन अगर इंडिविजुअल ओनरशिप में नहीं दी है ना, सिर्फ लीज की गई है, लीज आउट की गई कि भाई आप थोड़े पैसे हमें दो और अपना एग्रीकल्चर कल्टिवेशन करो, ठीक है, फिर टैक्स किसे देना पड़ेगा, पंचायत को देना पड़ेगा। तो इस तरीके से पंचायत की जमीन को टैक्स किया गया। अगर इंडिविजुअल असेसमेंट होता तो नहीं किया जाता, इंडिविजुअल को टैक्स देना पड़ता। इसका मतलब यहां पे इंडिविजुअल असेसमेंट नहीं होगा, इसका मतलब वहां पे कम्युनल लैंड ओनरशिप होगा, पूरी कम्युनिटी का लैंड ओनरशिप रहा होगा। ठीक है, अब देखते हैं इस कम्युनल सॉरी कॉमन फाइनेंशियल पूल का एक्सपेंडिचर पैटर्न कैसा होगा। ठीक है, तो केंद्र सरकार या कोई मुख्य सरकार जो होगी वो जो रेवेन्यू डिमांड जनरेट करती होगी, उस रेवेन्यू डिमांड को, मतलब जो जो टैक्स पंचायत की जमीन पे लगाया है वो कहां से पे किया गया। लैंड का ओनरशिप कम्युनल है, इसका मतलब एक कॉमन फंड होगा, इसका मतलब एक कॉमन फाइनेंशियल पूल होगा जिसमें से ये टैक्स पे किया जाता हो। जमीन को लीज आउट करने के खर्चे है ना, जमीन के डीलिंग के खर्चे, वो भी कहां से किए जाते होंगे, एक कॉमन फाइनेंशियल पूल से किए जाते होंगे। ठीक है, इसके अलावा जो अलग अलग ऑफिशियल्स यहां पे सर्विस दे रहे थे है ना, उनके रेम्यूनरेशन या उनके परक्विसाइट्स, वो सभी इसी कॉमन फंड में से किए जाते होंगे। ठीक है, इसका मतलब कॉमन फाइनेंशियल पूल जरूर रहे होंगे। जो किसने एग्री किया है, इरफान हबीब ने एग्री किया है, लेकिन किसने डिनाई किया, ग्रोवर ने डिनाई किया। ठीक है, तो हमने दोनों का पक्ष सुना, हमारे पास स्ट्रॉन्गर आर्गुमेंट्स है इरफान हबीब के पक्ष में, पढ़ाई का तरीका ऐसा होना चाहिए। ठीक है, अब आप जब एनसीईआरटी पढ़ते हैं तो प्रॉब्लम ये है, वहां पे ज्यादा से ज्यादा एक चैप्टर में एक या दो रेफरेंस आते हैं और इतना डिटेल स्टडी उसके अंदर नहीं दिया जाता। एनसीईआरटी में एक लिमिटेशन है, ऑब्वियसली बच्चों की किताब है, वो उसके ऊपर नहीं जाना चाहिए। ठीक है, लेकिन आपको इस लेवल पे करना पड़ेगा, दैट इज डिमांडेड नाउडेज। ठीक है, इसके अलावा ये भी देखा गया है कि कुछ गांवों को कॉमन लोन इशू किया गया है, गांव के नाम से या पंचायत के नाम से, किसी इंडिविजुअल के नाम से लोन इशू नहीं किया गया, पूरी की पूरी पंचायत या कॉमन विलेज के नाम से लोन इशू किया गया। इसका मतलब आपको देखने को मिलता है कि अगर लोन इशू करना है तो किसके नाम से किया जाएगा, पंच के नाम से इशू किया जाएगा। और कहां से लोन का पैसा निकाला जाएगा, कॉमन फाइनेंशियल पूल से लोन का पैसा निकाला जाएगा, और लोन किसके नाम पे होगा, पंच के नाम से। हालांकि पंच पब्लिक के लिए इस्तेमाल करेगा, लैंड के लिए इस्तेमाल करेगा, कल्टीवेशन के लिए इस्तेमाल करेगा, लेकिन इस तरीके का प्रोसीजर होगा। ठीक है, कब किया जाएगा ये, जब कॉमन फाइनेंशियल पूल में सरप्लस अवेलेबिलिटी ऑफ लिक्विडिटी होगी तभी। ठीक है, इसका मतलब हमें पता चल रहा है कि इस तरीके का सिस्टम रहा होगा। ठीक है, बहुत सारे प्रोडक्शन एंटरप्राइजेस उस समय रहे होंगे जो सीड्स का प्रोक्योरमेंट करते होंगे, चैनल बनाते होंगे, इरिगेशन फैसिलिटी देते होंगे। ठीक है, उनको भी खर्चे आते होंगे, उनको भी पैसा देना पड़ता होगा इरिगेशन फैसिलिटीज के लिए, ये कहां से दिया जाता होगा, कॉमन फाइनेंशियल। ठीक है, ये सभी जो ट्रांजेक्शन किए जाते होंगे वो विलेज कम्युनिटी, मतलब बाय पंचायत, माया पंचायत किए जाते होंगे। ठीक है, तो कॉमन विलेजर्स का इन एक्टिविटीज के ऊपर कितना कंट्रोल होगा। ठीक है,
तो एक बार हबीब के रेफरेंस से पता चलता है कॉमन विलेजर्स का इसके ऊपर कंट्रोल नहीं होगा। किसका कंट्रोल होगा? पंच का। इसका मतलब विलेजेस वेयर आइदर फ्यूडेटरी और ओलिगार्ची के नीचे, ठीक है, फ्यूडेटरी का कंट्रोल होगा जो पंच बने थे, या फिर कुछ ऐसी ब्राह्मिन फैमिली जो ब्रह्मदेयका में डोमिनेंट फैमिलीज है उनका रूल वहां पे रहा होगा, ठीक है। इसीलिए आप देखो इवन पंडितों में वंशावली है ना, मतलब आप देखो शिवाजी महाराज राज्याभिषेक के लिए गागा भट्ट को बुलाना चाहते, गागा भट्ट के वंशावली के बारे में आपको लिखा हुआ मिलता है। गागा भट्ट का जो वंश है वो माना जाता है कि उच्च कामकोटि है, उस वंश को वो बिलोंग करते हैं जिन्होंने भारत के ज्यादातर राजा महाराजाओं के राज्याभिषेक का कार्यक्रम कराया है या रिचुअल्स कराए। ये महत्व उसका होता था, ये महत्व किस कारण बनता था? इस सिस्टम के कारण बनता था, ओलिगार्चिक पैटर्न के कारण ऑफ लोकल गवर्नमेंट, उसके कारण ये बनता था, ठीक है। तो विलेज ओलिगार जिनके अलग अलग नाम है, देखो कलंतरन, आप साउथ में जाएंगे तो ये नाम आपको बहुत बड़े लेवल पे सुनने को मिलता है कलंतरन, ठीक है। उसके बाद मुतगलिबन और मुकद्दम, ठीक है, वेयर नेवर हेल्ड बाय द मुगल ऑफिशियल्स इन हाई एस्टीम, इनकी तरफ मुगल्स ने कभी हाई एस्टीम से नहीं देखा, उनको बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट उन्होंने कभी नहीं दिया कि वो भी मानते थे ये भी ओलिगार्च है, उसके बहुत सारे और कारण भी है, ठीक है। अकबर के समय 1556 से लेकर 1605 तक उनके दीवान जो थे या उनके मिनिस्टर जो थे तोडरमल, उन्होंने इन ओलिगार्च को बास्टर्ड्स या हेडस्ट्रॉन्ग्स कहा था, इसलिए बिकॉज दे वेर नॉट पेइंग देयर शेयर्स टू द रेवेन्यू ऑफ द स्टेट, ठीक है। रेवेन्यू जो देना पड़ता था पंचायत द्वारा वो रेवेन्यू वो पे नहीं करते थे, इसलिए तोडरमल ने उन्हें बास्टर्ड्स एंड हेडस्ट्रॉन्ग्स कहा, इस तरीके के अब्यूज इस्तेमाल किए गए थे, डॉक्यूमेंट में लिखा मिलता है, ठीक है। दूसरी तरफ ये माना गया था कि ये टैक्स वो खुद पे नहीं करते, किसके ऊपर बर्डन लाते हैं? जनता के ऊपर, पीजेंट के ऊपर, कि भाई कॉमन पीजेंट ये टैक्स देंगे हम नहीं देंगे, ठीक है। इस तरीके से हमने औरंगजेब के पीरियड में भी देखा, औरंगजेब के पीरियड में तो ये बहुत ज्यादा हो रहा था कि द होल बर्डन ऑफ द टैक्सेशन वॉज लेफ्ट ओवर द पीपल और ओवर द मासेस, ये बहुत बड़ी तकलीफ का दौर था उस समय। तो आप लोग देखो तोडरमल जो अकबर के दीवान थे उन्होंने इन लोकल फ्यूडल्स को या ओलिगार्चिक पंचायतों के लोगों को मुकादम्स को गाली दी है कि वो खुद टैक्स पे नहीं करते, ये टैक्स वो जनता को बोलते हैं कि आप पे करो, ठीक है। अब आते हैं मेडाइवल डेक्कन की तरफ, मेडाइवल डेक्कन में किस तरीके का सिस्टम था उसके बारे में थोड़ा सा देखते हैं, ठीक है। डेक्कन के विलेजेस में जो हेडमन हुआ करते थे या फिर जो असेंबली हुआ करती थी उनके पास वेस्टलैंड को डिस्पोज ऑफ करने का अधिकार था, ऐसी जमीन को गतकुल जमीन कहा जाता था महाराष्ट्र में, गतकुल जमीन, ठीक है, मतलब फॉर्मरली ये जमीन किसी और के पास थी, है ना, इसका मतलब अब वो फैमिली नहीं है, एक्सटिंक्ट फैमिली है, अब वो फैमिली में किसी ओनर का या हेयर का नामो निशान नहीं बचा, कोई वंशावली नहीं बची, अब उस जमीन को किसे देना है, ठीक है। उसके बाद एक और जमीन थी पड़ जमीन, हमारी भाषा में पड़ित जमीन है ना, ये भाषा है समझना बहुत मुश्किल नहीं, समझ में आ जाता है डेक्कन में लिखे उस समय के डॉक्यूमेंट, पड़ जमीन, द लैंड लेफ्ट वेस्ट ऑन अकाउंट ऑफ नॉन कल्टिवेटेड फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, है ना, बैरन या बैरन लैंड या फेलो लैंड हम लोग कह सकते हैं, ठीक है। मराठी रिकॉर्ड्स में आपको विलेज हेडमन के पास ऐसी बहुत सारी मिराज लैंड देखने को मिलती है, इसे मिराज लैंड कहते थे, जो लैंड कैसी लैंड है, या तो वेस्ट लैंड है मतलब गतकूढ़ लैंड है, या फिर वो पूरी तरीके से पड़ जमीन है, ठीक है, ऐसी लैंड को उस समय मिराज लैंड कहा गया था, ठीक है। तो मिराज के तौर पे या इनाम के तौर पे जनरली वेस्ट लैंड को इशू किया जाता था, मतलब ऐसी जमीन जिसका अब कोई वंशज नहीं है, ठीक है, ऐसी जमीन जिसके ऊपर सालों से कल्टीवेशन नहीं हुआ, मान लीजिए एक 6 या 7 साल तक अगर उसे कल्टीवेट नहीं किया तो उसे नॉन कल्टीवेटेड लैंड के तौर पे सरकार जब्त कर लेती थी, ठीक है। ओनर अगर लैंड कल्टीवेशन नहीं करता तो उसके पास जमीन रखे का फायदा, ये धोरण था, उससे अच्छा वो जमीन किसी पीजेंट को दे दी जाए, वो टैक्स तो देगा, फेलो लैंड पे या पड़े जमीन पे कोई टैक्स नहीं देता था, इससे सरकार का रेवेन्यू कलेक्शन कम होता था, इसलिए वो ट्रांसफर कर दी जाती थी, दूसरे को दी जाती थी, ठीक है। अब इसे ट्रांसफर करना है तो दो अलग अलग तौर पे किया जाता था, एज अ मिराज लैंड और एज अ इनाम लैंड, ठीक है।
अब देखते हैं मिराज लैंड के बारे में जो डिसीजन था वो हेडमन द्वारा लिया जाना था, विलेज हेडमन द्वारा लिया जाना था, ठीक है। विलेज हेडमन को इसके लिए काफी हेवी लैंड टैक्स पे करना पड़ता था इसके लिए, पर मिराज रेट फिक्स होता। मिराज लैंड आप कितनी ऑक्यूपाई करने वाले हैं, किसे बेचने वाले हैं, किसे देने वाले हैं, किसको सौंपने वाले हैं, ठीक है। अब जमीन मिलेगी, पैसा मिले, आप जमीन जाएगी, पैसा मिलेगा, पैसा आएगा मुकदम के पास, तो मुकदम को इसके लिए टैक्स पे करना पड़े, ठीक है। अब एक ईस्टर्न मतलब एक जापानीज हुकुमा युकिची नाम के ऑथर ने इसके ऊपर काफी रिसर्च की, ठीक है। 1991 में उन्होंने 1991 में अपने रिसर्च में उन्होंने बताया द हेडमन ऑफ मेनी विलेजेस वुड डेजिस्ट फ्रॉम टेकिंग ओवर वेस्टलैंड। ज्यादा से ज्यादा विलेज हेडमन वेस्टलैंड को हाथ लगाने से डरते थे, विच वुड देन रिमेन अनअप्रोप्रिएटेड, इसलिए ज्यादा से ज्यादा वेस्टलैंड पड़ी रहती थी, इसका कोई निर्णय नहीं होता था, वेस्टलैंड को हाथ ही नहीं लगाते थे, क्योंकि अगर वो किसी को देनी है तो टैक्स बहुत पे करना पड़ता था, इसलिए जो पड़ जमीन थी या वेस्टलैंड था वो काफी बड़े प्रमाण में फैलो रह जाता था, उसके ऊपर कोई कल्टीवेशन नहीं होता था, ठीक है। अगर ऐसी वेस्टलैंड का एज अ मिराज लैंड सेल करना है तो उसके अंदर हमेशा पेमेंट या मनी आएगा, विलेज असेंबली को उसकी कोई गारंटी नहीं थी कि भाई अगर मुकदम मिराज के तौर पे जमीन को बेच रहा है पैसा उसके पास आएगा, लेकिन जरूरी नहीं कि यह पैसा पंचायत के पास या विलेज असेंबली के पास पहुंचे, ठीक है। हुकुजामा द्वारा 3 अलग अलग डॉक्यूमेंट रेफर किए गए, ठीक है, उसमें सिर्फ एक एक केस में जो जमीन देने वाला है बेचने वाला है मुखिया, ठीक है, उसको 100 रुपए विलेज असेंबली को देते हुए एक रिकॉर्ड मिलता है, पैसे तो उसने बहुत लिए होंगे लेकिन 100 रुपए उसने विलेज असेंबली को देते हुए रेफरेंस डॉक्यूमेंट के अंदर मिलता है। 1991 में ये डॉक्यूमेंट कुकुजावा द्वारा अपने रिसर्च में लिखा हुआ मिलता है, ठीक है। अब हमें एक बहुत इंपॉर्टेंट फर्क देखना है, एक बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस की तरफ जाना, डीलिंग ऑफ मिराज लैंड एंड डीलिंग ऑफ इनाम लैंड, ठीक है। इसके लिए कुछ प्रीरिक्विजाइट्स कॉन्सेप्ट हैं, वो हम लोगों को पढ़ने हैं, ठीक है। जब मिराज लैंड का ट्रांसफर करना है किसी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति की तरफ, ठीक है, तो उसमें जरूरी नहीं कि हर बार कोई कैश ट्रांजैक्शन किया जाए असेंबली की तरफ, ठीक है, वो विलेज मुखिया तक ही जाता था कैश ट्रांजैक्शन, वो विलेज असेंबली के पास नहीं जाता था, मतलब विलेज मुखिया अपना इंफ्लुएंस काफी तेजी से बनाए रखे हुए थे, ठीक है। अगर कोई आउटसाइडर कल्टीवेशन के लिए आ रहा है तो उसे डायरेक्टली जमीन की कीमत देनी पड़ती है, ठीक है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं पाइकर्स, ठीक है, तो उसे डायरेक्टली जमीन के मोल देने पड़ते थे, ठीक है। ये उस समय के कंटेम्प्ररी नॉर्थ इंडिया, मतलब इस समय का हमारा जो कंटेम्प्ररी नॉर्थ इंडिया है उसके हिसाब से ये काफी कॉन्ट्रास्टिंग लगता है, ठीक है। यहां पे सेल का सारा पैसा सीधा सीधा विलेज हेडमन के पास जाता है, ठीक है, और बाकी का पैसा विलेज हेडमन जो है वो कॉमन फाइनेंशियल पूल के अंदर डालता है। लेकिन हमने देखा कि फुकुजावा अपने रिसर्च में बता रहे हैं कि असेंबली के पास पैसा कॉमन फाइनेंशियल पूल में नहीं गया, इसका मतलब वेरिएशन है। नॉर्थ इंडिया में कंटेम्प्ररी पीरियड में देखने को मिला कि कॉमन फाइनेंशियल पूल में पैसा जा रहा है, लेकिन मिडाइवल टाइम्स में कुछ रीजन में हमने देखा कि कॉमन फाइनेंशियल पूल में वेस्टलैंड के डीलिंग के बाद कोई भी पैसा नहीं जा रहा, खास करके कहां पे, महाराष्ट्र जैसे डेक्कन प्लेस में, ठीक है। तो नॉर्थ इंडिया और साउथ इंडिया में ये बहुत बड़ा डिफरेंस आपको लैंड ट्रांजेक्शन या वेस्टलैंड ट्रांजेक्शन में देखने को मिलता है, ठीक है। तो याद रखिए, नॉर्थ इंडिया में कॉमन फाइनेंशियल पूल में पैसा जाता है, वेस्टलैंड अगर मिराज के तौर पर दी जाती है तो, लेकिन ऐसा डेक्कन में देखने को नहीं मिलता, ठीक है। नॉर्थ इंडिया में लैंड के सेल में डायरेक्टली मुकदम इन्वॉल्व होते हैं या पंच इन्वॉल्व होते हैं। मराठी डॉक्यूमेंट में हमने जब ट्रांजेक्शन देखा तो उसके अंदर आपको 34% इस लैंड डील के अंदर सिग्नेचर कर रहे हैं ये देखने को मिलता है, ठीक है। तो नॉर्थ इंडिया में ऐसा क्यों और डेक्कन में ऐसा क्यों, है ना, ये समझना बहुत जरूरी है। डेक्कन ऑलवेज रिमेन डिफरेंशिएटेड इन टर्म्स ऑफ ट्रेडिशन, इन टर्म्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, है ना, बिकॉज डेक्कन अकॉर्डिंग टू इट्स डिस्टेंस फ्रॉम दिल्ली
एंड अकॉर्डिंग टू इट्स टोपोग्राफी एंड अकॉर्डिंग टू इट्स डिफरेंस इन द लोकैलिटी एंड द डिफरेंस ऑफ द कम्युनिटीज इट एक्टेड वेरी डिफरेंटली. टोपोग्राफिकल डिफरेंस है या जो डिस्टेंस है दिल्ली से लेकर यहां तक, इसलिए दिल्ली या नॉर्थ में जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रेंड आता है या कल्चरल ट्रेंड आता है उसको डेक्कन फॉलो नहीं करता. ठीक है, आज भी देखो हमारा पॉलिटिक्स, हमारी विचारधाराएं बहुत सारी नॉर्थ से काफी अलग होती है ना. इवन इन टुडेज टाइम्स व्हेन देयर इज अ वेव, आइदर इट इज क्रिएटेड बाय द मीडिया और द पॉलिटिसाइजेशन ऑफ द वेव ऑफ होमोजेनाइजेशन, वी कैन सी दैट महाराष्ट्रियंस ऑप्टेड आउट टू बी हेट्रोजीनियस, ये हमें देखने को मिलता है. ठीक है, तो ये एक कारण माना जाता है कि इस तरीके का बहुत बड़ा डिफरेंस रहा होगा. तो मराठी डॉक्यूमेंट में किसी विलेज वेस्टलैंड के डील में आपको 34% प्रेजेंट थे ये देखने को मिलता है. नॉर्थ इंडिया के वेस्टलैंड डील में आपको सिर्फ मुकदम या पंच उसके नाम से डील हो रहा है ये देखने को मिलता है. ठीक है, तो ये डिफरेंस है. ठीक है, अब कुकुजावा उसे कैसे कंक्लूड करते हैं देखते हैं. इफ लैंड वेर डिस्पोज्ड ऑफ एज मिराज लैंड, इट वॉज द ग्रांटी न्यू मिराजदार हु हैड टू बियर द हेवी लैंड टैक्स. अगर जमीन मिरास लैंड के तौर पे मिरासदार को देनी है तो मिरासदार जिसे जमीन मिलने वाली है, जिसे जमीन दी गई है, वो टैक्स पे करेगा. ठीक है, लेकिन अगर जमीन किसी को इनाम के तौर पे दी जा रही है, ठीक है, तो किसे पैसा देना पड़ेगा? जो गांव इनाम के रूप में दिया जा रहा है उस गांव के विलेजर्स उस जमीन का टैक्स पे करें, है ना. आसान सा तरीका बताता हूं याद रखने. ठीक है, मिराज एक लैंड ग्रांट है किसी ऑफिशियल को दी हुई. अब ऑफिशियल को लैंड ग्रांट क्यों की गई? क्योंकि उसे सैलरी नहीं दे पाए राजा, इसलिए जमीन दे दी. अब भाई जमीन तो तुझे दे दी, अब इसका टैक्स हम नहीं भरेंगे. टैक्स कौन भरेगा? तू भरेगा. लेकिन जब हम किसी अच्छे काम के लिए जमीन इनाम में दे रहे हैं तो इनाम जिसे दिया जा रहा है क्या हम उससे टैक्स लेंगे? नहीं. इनाम इनाम जैसा लगना चाहिए ना. नहीं तो भाई इनाम तो दिया लेकिन इनाम का टैक्स मुझे भरना पड़ रहा है. अब मान लो इनाम का टैक्स 120% है तो क्या पूरा है? वो इनाम इनाम होगा, पनिशमेंट बन जाएगा. अरे भाई मेरे को नहीं चाहिए, इनाम लेने से लोगों ने मना कर दिया होता. इसीलिए इनाम की बात जब भी आती है, व्हेन लैंड व्हिच इज अ फेलो लैंड और अ वेस्ट लैंड गिवन इन द फॉर्म ऑफ इनाम, द होल बर्डन ऑफ पेइंग द टैक्स गोज टू द विलेजर्स फ्रॉम वेयर द लैंड हैज बीन ग्रांटेड. इन टर्म्स ऑफ मिरास, इट इज द मिरासदार हु इज द ग्रांटी ऑफ द लैंड विल हैव टू बियर द बर्डन ऑफ द टैक्स. ठीक है, क्योंकि मिरासदारी का टैक्स जो होता था वो ज्यादा होता था, उसी के लिए तो जमीन दी जाती थी कि भाई जमीन तुझे देंगे टैक्स तुझे ज्यादा देना पड़ेगा, और इसीलिए शोषण ज्यादा हुआ करता था. ठीक है, यही इसके पीछे का टेक्निक है. ठीक है, ठीक है, तो हमें देखने को मिलता है कि इस कारण ऐसी सिचुएशन आई कि विलेजर्स को लगता था कि हमें टैक्स देना पड़ेगा तो ना इनाम देते थे. ठीक है, दूसरी तरफ मिरासदार वो भी ऐसी जमीन नहीं चाहता था जिसकी उसको ज्यादा टैक्स देनी पड़े, इसलिए वो कहां की लेते थे? मार्जिनल फेलो लैंड, जहां पे जंगल के आजू बाजू, वहां का टैक्स कम होता था. तो ज्यादातर मिरासदार जमीन ग्रांट में मांगते थे, कहां की मांगते थे? जंगल के आजू बाजू, प्रोटेक्टेड भी, उधर कोई आता भी नहीं. ठीक है, क्लीन करने के लिए, क्लियरेंस के लिए, कल्टिवेशन के लिए फ्री में लेबर मिलते हैं, मिरासदार को तो कुछ करना है ही नहीं, ऑर्डर ही देना है बस, इसलिए वो वहां के लेता था. इसीलिए हमने देखा कि बहुत सारी वेस्ट लैंड हमें मेडाइवल टाइम पीरियड में देखने को मिलती है जिसके ऊपर कोई कल्टिवेशन नहीं आ रहा. ठीक है, अब हमारा इस चैप्टर का आखिरी हिस्सा है साउथ इंडियन मेडाइवल टाइम्स. ठीक है, तो साउथ इंडिया में हमें बहुत सारे सेल ऑफ विलेज लैंड रेफरेंस देखने को मिलते हैं, जहां पे लैंड सेल के डील्स मिले. उसमें हमें पता चला कि जो सभाएं हुआ करती थी वहां पे, उस सभा का या महासभा का जो मेंबर होता था जिसे कहा गया है महासभ्या, ठीक है, महासभ्यार जो होता था उसके हाथ से ही लैंड का डील होता था. तो उसके पक्ष, उसके पास पावर थी कि वो लैंड का डील करे. ठीक है, नोबुरु काराशिमा नाम के एक फिर से जापानीज हिस्टोरियन है,
उन्होंने बहुत सारे डीड्स के बारे में इंफॉर्मेशन दिए। राजा राजा चोला थर्ड साल 1241 एडी उस समय का एक इंस्क्रिप्शन है जिसमें उक्कल की महासभा का एक डॉक्यूमेंट हमें मिला, जिन्होंने ईस्टर्न हैमलेट का सेल किया, ठीक है। और यह सेल हमें दिखाई देता है लगभग विलेज सेल के तौर पे किया गया। इसमें 180 मदाइज मतलब 180 मेंबर्स का नाम लिस्ट में लिखा गया है। जैसे मैंने बताया महाराष्ट्र में लैंड का सेल होता है तो 34 लोगों के नाम उस लैंड डील पे देखने को मिलते हैं ओनर के तौर पे। यहाँ पे 180 नाम मिलते, ठीक है, मतलब ज्यादातर लोग विलेजर्स उन्हीं को उस डील का हिस्सा बनना है। कोई पंच वो कहां बनता था, नॉर्थ इंडिया में। नॉर्थ इंडिया में अगर लैंड डील होती है पंच करेगा, यहां करना है कौन करेगा, पूरा गांव करेगा, महासभा सभा करेगी, ठीक है। द असेंबली ग्रांटेड द राइट ऑफ सेल मॉर्गेज रीसेल इनहेरिटेंस डोनेशन ऑफ दिस विलेज। तो पूरा का पूरा अधिकार जो होता था लैंड के साथ डील करने का वो पूरी तरीके से किसे दिया गया था, असेंबली को दिया गया। वहां जो सभा होगी, वहां जो ऊर होगा, वहां जो नट्टार होगा, वो डिसाइड करेगा कि कितना पैसा लेना है, किसके साथ डील करने, कितने में बेचना है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब साफ है, इसका मतलब ये है कि उस समय कॉमन प्रॉपर्टी कॉमन फाइनेंशियल पूल हुआ करता था, ठीक है। कहां हमें डेक्कन और साउथ में कॉमन फाइनेंशियल पूल देखने को मिलता है, ठीक है, नॉर्थ में ऐसा कॉमन फाइनेंशियल पूल हमें देखने को नहीं मिलता। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, कोई और नहीं लिखेगा। लैंड फॉर आर्टिसंस, अब आर्टिसंस की जरूरत थी, है ना। इसका एक रिपोर्ट हमें मिलता है 1776 का भरोच से, गुजरात से। इसमें बताया गया कि हर गांव से उसके ट्रेडिशन के अनुसार लैंड का एक एक पोर्शन होता था जिसके ऊपर टैक्स लगाया जा सकता था। गांव के जमीन के एक हिस्से पे एक विशेष टैक्स होता था, और ये टैक्स किस लिए लिया जाता था, फॉर द मेंटेनेंस ऑफ आर्टिसंस एंड लेबर्स हु वेर प्रोवाइडिंग सर्विसेज टू विलेजेस। मान लीजिए गांव के अंदर राइटिंग रीडिंग सर्विसेज प्रोवाइड करने वाले स्क्राइब्स, जिन्हें हमने कायस्थ कहा था, ठीक है, अगर वो गांव में काम कर रहे हैं, लिखा पढ़ी का काम करते हैं, उन्हें पैसा तो देना पड़ेगा, ठीक है। अब पैसा अगर मान लीजिए डेक्कन है, साउथ है, तो वहां पे तो इंडिविजुअल पैसा खर्चा नहीं करेगा, कौन देगा, असेंबली को देना पड़ेगा। इसके लिए क्या किया गया, एक खास जमीन का हिस्सा इसके लिए रिजर्व किया गया, और वहां से एक टैक्स इंपोज किया जाता था, वहां उस जमीन से टैक्स लिया। अब मान लीजिए वो टैक्स, वो जमीन ज्यादा कल्टीवेबल, ज्यादा फर्टाइल जमीन, मोर फर्टाइल लैंड मोर प्रोडक्शन, मोर प्रोडक्शन मोर टैक्स, एंड दैट इज हाउ अ विलेज असेंबली यूज टू हैव रिजर्व मनी फॉर द एक्सपेंडिचर ओवर आर्टिसन, है ना। मान लीजिए गांव में कोई खास लोहे का इंफ्रास्ट्रक्चर जरूरी है, ब्रिज बनाने की जरूरत पड़ती है बार बार, है ना। गांव में बीच में नदी है, ब्रिज नहीं है, तो आपको बोट सर्विस की जरूरत पड़ती है, उसी का ट्रांसपोर्ट है, उसके लिए आपको बोट सर्विस वालों पे डिपेंड रहना पड़ता है, तो उसके लिए क्या होगा, एक कॉमन फाइनेंशियल पूल होगा जिसके अंदर पैसा आएगा एक खास जमीन से, उसके ऊपर टैक्स लगाया जाएगा। ये मेथड हमें गुजरात में देखने को मिला। ऑब्वियसली इट वॉज अ हाईली कमर्शियलाइज्ड एरिया, प्रिवेलेंस ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड ऑल्सो, प्रिवेलेंस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री ऑल्सो, है ना, प्रोडक्शन ऑफ कॉटन एंड ऑल्सो द प्रोडक्शन ऑफ कॉटन यार्न्स एंड द टेक्सटाइल वॉज ऑल्सो देयर। ये बहुत सारी चीजें यहां से ट्रांसैक्ट होती थी। भरूच यूज टू बी अ पोर्ट सिटी, भरूच मेनली पोर्ट सिटी थी, लेकिन इसके अराउंड आपको गुजरात का प्रोमिनेंट एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री दिखाई देता है, ठीक है। इसके बाद जाजमानी सिस्टम नाम का एक सिस्टम है, ठीक है। अब जाजमानी सिस्टम क्या होता है, जाजमानी इज अ सिस्टम ऑफ अलॉटमेंट ऑफ रीजन और लैंड टू अ ग्रुप ऑफ आर्टिसंस और टू अ ग्रुप ऑफ प्रोफेशनल्स, ठीक है। अब उनके लिए एक हेरिडिटरी लैंड अलॉटमेंट किया जाता है। महाराष्ट्र में ऐसा ही हेरिडिटरी लैंड अलॉटमेंट मार्जिनल कम्युनिटीज के लिए किया गया था, है ना, उसे कहा गया था वतनदारी या मिराजदारी, ठीक है। महाराष्ट्र में दोनों सरनेम्स आपको देखने को मिलते हैं, वतनदार और मिराजदार, इनामदार, है ना। ये सरनेम जो देखने को मिलते हैं ये वहीं से आए हुए हैं। कुछ मिराजदार है जिन्हें जमीन अलॉट की गई,
जिन्हें इनाम दी गई इनामदार लोग हैं, ऐसे नाम आपको देखने को मिलते हैं। तो जाजमानी सिस्टम कहां से आया इसके बारे में जब बात की जाती है तो आर्य शर्मा का एक बहुत इंपॉर्टेंट आर्गुमेंट है। उन्होंने कहा 7th to 9th century इंडिया में आपको सेकंड अर्बन डीके देखने को मिलता है। पोस्ट गुप्ता पीरियड में हमें सेकंड अर्बन डीके देखने को मिलता है, मतलब शहरीकरण का रास, ठीक है। उसके बाद बहुत सारे जॉबलेस आर्टिसंस जो थे वो फिर से गांवों की तरफ आने लगे अपने लाइवलीहुड की तलाश। धीरे धीरे इसके जरिए अब बहुत बड़ा अगर आर्टिसन रहा होगा तो उसको अपने गांव में डिप्लॉय करने के लिए शायद जाजमानी सिस्टम को जन्म दिया गया। तो आर्य शर्मा को लगता है 7th to 9th century में जो सेकंड अर्बन डीके आया उसके कारण जो रिवर्स माइग्रेशन आया जिसमें बड़े बड़े आर्टिसन जो शहरों में रहते थे वो गांव की तरफ वापस गए, उनके कारण मेनली जाजमानी सिस्टम एग्जिस्टेंस में आया, ठीक है। फुकुजावा 18th century महाराष्ट्र के एक डॉक्यूमेंट को रेफर करके एक एनालिसिस लिखते, उन्होंने बताया कि जाजमानी सिस्टम एक्चुअली क्या है। इट इज द सर्वेंट्स एंड आर्टिसंस हु वर क्लेमिंग देयर हेरिडिटरी लैंड अलॉटमेंट फ्रॉम द विलेज एज अ होल, ठीक है। मान लीजिए कोई गोल्डस्मिथ है, वो एक पूरे गांव का या दो गांव का या तीन गांव का अलॉटमेंट अपनी फैमिली के लिए मांगता है कि इस गांव में गोल्ड के ज्वेलरी का प्रोडक्शन सिर्फ हम करेंगे, सारे डिजाइंस हमारे रहेंगे। ऐसे विलेजेस का अलॉटमेंट किया जाता था, उसे बोला जाता था जाजमानी सिस्टम। ये सिस्टम हर प्रोफेशन को बिलोंग करता था। इवन हम लोग मैनुअल स्कैवेंजिंग देखते हैं, सफाई कर्मचारी सफाई काम करने वाली जो कम्युनिटीज हैं उनके अंदर भी आपको इस तरीके का प्रिवेलेंट प्रैक्टिस देखने को मिलता है। ये अभी भी नॉर्थ इंडिया में देखने को मिलता है ना, एक सफाई करने वाले को 6 घरों की सफाई का हेरिडिटरी ट्रांजैक्शन मिलता है। इसे उस समय के जजमानी सिस्टम का रेप्लिकेशन माना जाता था, ठीक है। तो हम लोग मैनुअल स्कैवेंजिंग एक टॉपिक पढ़ेंगे सोशल इश्यूज में, उसमें हम लोग ये जजमानी सिस्टम देखेंगे, ठीक है। तो ये आप याद रखिए, इट इज कंसिडर्ड एज अ क्लेम मेड बाय द आर्टिसंस फॉर हेरिडिटरी लैंड अलॉटमेंट इन अ स्पेसिफिक विलेज और विलेज एज अ होल और मे बी अ ग्रुप ऑफ विलेज, ठीक है। वहां का पूरा काम का कॉन्ट्रैक्ट था वो, उसे जाजमानी सिस्टम कहा गया है, ठीक है। ऐसे जो सर्वेंट्स होते थे जिनको खास जमीनें अलॉट की जाती थी, गांव अलॉट किए जाते थे, उन्हें महाराष्ट्र में बलुतेदार नाम दिया गया है, ठीक है। और उनके द्वारा एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस का जो शेयर डेवलप किया जाता था उसे कहा जाता था बलूता, ठीक है। बलूतेदार के बारे में आप में से बहुत सारे लोगों ने सुना जाना देखा होगा, ठीक है। उसके बाद बहुत सारी लोअर कास्ट जो वुमेन होती थी वो मिडवाइफ्स का सर्विसेज प्रोवाइड करती थी, काम करने के लिए अलग अलग घरों में जाती थी सफाई वगैरह का काम करने के लिए, ठीक है। तो इसमें आपको लगभग हर फैमिली में, चाहे वो लो स्टेटस फैमिली हो या हाई क्लास फैमिली हो, हाई कास्ट फैमिली हो, दोनों में ये महिलाएं जाकर काम करती थी। तो इस तरीके से हम लोग देखते हैं कि इसमें भी जाजमानी सिस्टम आपको दिखाई देता है। यहाँ पे हमारा जो टॉपिक है मेडाइवल सोसाइटी का वो एंड होता है। यू माइट हैव सीन हाउ वी आर स्टडिंग इट, वी आर नॉट स्टडिंग एट ऑल इन अ फैक्चुअल वे। हाउ वी आर स्टडिंग, वी आर गेटिंग इनटू द कंपैरिजंस ऑफ द references of whom? Of great historians, even historians from the west with the historian of the east, even historians of the older times with the historian of modern times, hai na. We are referring to some important documents in the form of archaeological evidence or documental literary references evidences. Uske taur pe humne uska bhi dekha, theek hai. Ab aap NCERT mein dekhiye, aapko dekhne ko milega bahut formally likha hua, bahut ye cheeze bahut formally likhi hai unhone, लेकिन आप चीजें फॉर्मली पढ़िए मत। आप जब पढ़ते हैं तो आप क्रॉस एनालिसिस जरूर कीजिए। इसीलिए मैं बोलता हूं थॉट प्रोसेस शुरू करनी है, क्रॉस एनालिसिस करना है आसान है, पढ़ते समय अपने आप को सवाल कीजिए ऐसा क्यों और इसके होने का इंपैक्ट क्या है ना। दैट इज द इजिएस्ट वे टू गेट इन टू द एनालिसिस, इजिएस्ट वे टू स्टार्ट यूर थॉट प्रोसेस एंड इजिएस्ट वे टू गो फॉर द क्रॉस एनालिसिस। ये बहुत जरूरी है, इसके बगैर आपकी पढ़ाई नहीं होगी, ठीक है। फैक्चुअल पढ़ाई बिल्कुल मत कीजिए, जिसे जिसे हैबिट है अभी दूर हो जाए, ठीक है। फैक्चुअल पढ़ाई करने का, देखो फैक्चुअल पढ़ाई एक ट्रैप है, कैसा मैं आपको बता दूं,
इट विल लीड यू टू क्लियर द प्रीलिम्स एग्जाम्स ऑफ मल्टीपल डिपार्टमेंट्स, नॉट अबाउट यूपीएससी. यूपीएससी का प्रीलिम्स भी ऐसे नहीं निकलता, लेकिन जैसे स्टाफ सिलेक्शन का है, आईबी वगैरह है, आरबी, वो निकल जाएगा आपका. लेकिन जब आप मेंस को अपियर करेंगे, दैट टाइम यू विल थिंक यू विल गेट टू नो यू वेयर कंप्लीटली रोमिंग इन द ऑब्लिवियन. आप पूरी तरीके से गलत दिशा में जा रहे हैं. मेंस को जब आप जाते हैं किसी भी एग्जाम, तब आपको ये रियलिटी समझ में आती है, यार हमने गलत कर दिए, हमने गलत कर दिया. फिर आपको ऐसे दो और प्रीलिम्स किसी भी एग्जाम के अपियर करने पड़ेंगे, शायद थर्ड अटेम्प्ट में. यूपीएससी की बात नहीं करो, बाकी के जो एग्जाम्स हैं उनमें शायद थर्ड अटेम्प्ट में आपको रियलाइज हो कि ऐसा करना पड़ता है, फिर आपका मेंस निकलेगा. फिर आपको ध्यान में आएगा, इंटरव्यू तो प्रिपेयर किया ही नहीं, सर तो बता रहे थे इंटीग्रेटेड मोड ऑफ प्रिपरेशन, वो तो हमने छोड़ ही दिया. फिर आप फिर से मेरे पास आओगे, बोलोगे सर क्या करूं, अभी मॉक दूं या और प्रिपेयर करूं. फिर हम मॉक लेंगे, देखेंगे दिन कितने हैं, वैसे आपको एडवाइजेस करें. अगर दो या पांच दिन या दस दिन बचे हैं तो बोलेंगे यू डिड बेस्ट, यू डिड योर बेस्ट, ट्राई टू एंजॉय योर इंटरव्यू, बस और कुछ नहीं. अब इसका रिजल्ट क्या होगा, वी नेवर नो. इसीलिए पढ़ाई का तरीका बनाओ, डेवलप करो, अपने अपने रास्ते बनाने पड़ते हैं, अपने अपने मेथड्स इवॉल्व करने पड़ते हैं, है ना. जैसे मैं आसान तरीका आपको बता रहा हूं, व्हाई हाउ, थोड़ा सा अपने आप को पूछिए, उसका इंपैक्ट आप इवैल्यूएट कीजिए, क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता, यह आसान तरीका है. और थॉट प्रोसेस एक बड़ी चीज है ना. थॉट प्रोसेस वैसे तो एक लाइफ स्टाइल है, लेकिन मैं इतना ऊपर आपको नहीं लेके जाना चाहता. मतलब मैं कहूंगा इसको कॉन्साइजली बताने के लिए, व्हाई एंड हाउ, इस तरीके से आप उसको एम्फसाइज करना शुरू करो. जैसे भी आपके सामने कोई फैक्ट आता है, वैसे अपने अपने आप को क्वेश्चन पूछो व्हाई, वैसे अपने आप को क्वेश्चन पूछो कि इसका इंपैक्ट कैसे. दूसरा और कोई तरीका नहीं बचता, क्योंकि अगर थॉट प्रोसेस की शुरुआत खुद करनी है काफी समय लगता है, ये उसका एक इजी बिगिनिंग है. ठीक है, तो हमने जैसे किया वही करने की प्रैक्टिस आप लोगों को करनी है. सीधे सीधे पढ़ते जाने से नहीं होगा, ठीक है. प्रोसेसिंग इसी को कहते. देखो टॉपर्स में यूज डिफरेंट वर्ड्स, सक्सेसफुल कैंडिडेट्स दे आर यूजिंग डिफरेंट वर्ड्स, है ना. उनका जो एडवाइस होता है वो उतना ऑर्गेनाइज नहीं होता जितना हमारा होता है, उतना टेस्टिफाइड भी नहीं होता जितना हमारा होता है. दे आर कोटिंग देयर ओन एक्सपीरियंस. व्हाट वी आर कोटिंग, वी आर हैविंग एक्सपीरियंसेस ऑफ आवरसेल्व्स एज एन एस्पिरेंट, एज अ टीचर, एक्सपीरियंस एज अ गाइड, एक्सपीरियंस एज अ मेंटर, एंड ऑल्सो वी आर कैरिंग द एक्सपीरियंसेस ऑफ आवर प्रीवियसली सक्सेसफुल स्टूडेंट्स. हमारे जो पुराने सक्सेसफुल स्टूडेंट्स होते हैं उनके भी हमारे पास बहुत सारे रेफरेंसेस और पॉइंट्स होते हैं जो एक्सपेरिमेंट के तौर पे हम लोगों ने किए. आप क्या करते हैं, आप जनरली उस पे ज्यादा बिलीव करते हैं. जो इस साल का टॉपर है वो कुछ और बता देगा, आप उस वेव में आ जाएंगे. ऐसा कुछ मत कीजिए. आपको मैं पढ़ाई का तरीका हम सभी फैकल्टीज लोग बता रहे हैं, आप उसको प्रॉपरली फॉलो करो, इधर उधर मत देखो, है ना. पुट योर हेड डाउन एंड वर्क लाइक हेल, दूसरा कोई रास्ता नहीं है. ठीक है, ये जो मॉडल हम लोग टीचिंग के जरिए आपके सामने रखते हैं, सिर्फ पढ़ाते नहीं, आपको पढ़ाते हैं कि हाउ यू नीड टू गो थ्रू द बुक्स, हाउ यू नीड टू सेल थ्रू द नोट्स, ये आपको बताते हैं. न्यूज़पेपर को अच्छे से करिए, ठीक है. कोर पार्ट जो है आपका पॉलिटी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, इकोनॉमी अच्छे से करके रखिए, ठीक है. न्यूज़पेपर आप डेली बेसिस पे प्रॉपरली करते हैं, न्यूज़पेपर के नोट्स बनाइए, ठीक है. मैगजीन जो रिकमेंड करे हैं, योजना है या फिर कुरुक्षेत्र है, और इसके अलावा फिर हमारे पास ईपीडब्ल्यू है ना. तो इसके नोट्स बना के रखिए, और नोट्स बहुत लेंदी ना हो, नोट्स पूरी तरीके से एनालिटिकल हो, फैक्चुअल ना, ये भी ध्यान में रखिए. और इंटीग्रेटेड वे से पढ़ाई करने की कोशिश कीजिए जो मैं बता रहा हूं आपको. हम यहाँ पे बार बार एनालिसिस, क्रॉस एनालिसिस की बात कर रहे हैं और कोशिशें कर रहे हैं. इसका फायदा प्री मेंस दोनों लेवल पे होगा. आप जब मेरे साथ इंटरेक्शन करते हैं या क्लास में किसी फैकल्टी को आंसर देते हैं, या इवन आप विजय सर के साथ जाकर बात करते हैं, तब आपके बात करने का तरीका ठीक वैसा हो जैसा इंटरव्यू में एस्पिरेंट को करना पड़ता है. उसकी हैबिट्स डालिए. जब क्लास में बैठते हैं, क्लास में जब आते हैं, आप टाइम पे आने की कोशिश कीजिए. फैकल्टी हो सकता है 10 मिनट 15 मिनट लेट आए, लेकिन यू शुड बी ऑन टाइम, है ना. मेक अ हैबिट टू बी पंक्चुअल, है ना. सर्विस में एंटर होने से पहले ये सब चीजें जरूरी है, है ना. तभी आप उसके लिए, नहीं तो आपका इंटरव्यू में भी वैसे ही होगा, लेट चले गए. बहुत बार बाद में लिस्ट में, रिकॉल में आपका नाम नहीं लेते,
आपको जिस समय पे रिपोर्टिंग करने को बोला है उसी टाइम पे रिपोर्टिंग करना पड़ता है। मेंस में आप अगर 10 मिनट 15 मिनट लेट पहुंचे तो आपका पेपर आपको अलो नहीं किया जाता हॉल के अंदर, एग्जाम्पल याद रखिए, इसकी हैबिट अभी से डालिए, टाइम पे पहुंचिए, फैकल्टी आने तक पढ़िए, क्योंकि ये टॉपिक जब पढ़ाया जाता है तो आप आंसरेबल नहीं होते, आपको शेड्यूल में मिल रहा है तो आप उसके बारे में कुछ ना कुछ पढ़ लीजिए, एनसीईआरटीज में देखिए, अगर और कोई बुक रेफर करते हैं स्टैंडर्ड बुक उसमें देखिए, नहीं मिलता है न्यूज़पेपर में, आपने नोट्स में कुछ निकाला होगा वो देखिए, यही इसीलिए शेड्यूल आपको पहले बताया जाता है। शेड्यूल देने की क्या जरूरत है, सबको पता है रोज क्लास होगी, सिर्फ एक आध दिन आपको पूछना पड़ता है कि सर ऐसा ऐसा इवेंट है होगी या नहीं होगी, बाकी तो क्लास होता ही है। आपके तो बहुत बार जवाब ये आते हैं सर कल मैसेज लेट आया, सर मैसेज नहीं आया, अरे मैसेज का क्या है, क्लास रोज होगी, सिर्फ कभी कभी ऐसा होता है कि कोई फेस्ट है या कोई हमारे यहाँ कोई ओकेजन है तब हम लोग नहीं करते, क्राउड के कारण तो हम उन चीजों को फॉलो नहीं करते। हम लोगों का मोटिव बस एक ही है कि भाई आपको इनकन्वीनियंस ना हो यहाँ आने तक, तो आप उतने पंक्चुअल होने चाहिए। ये सब चीजें पर्सनालिटी लिंक्ड है और ये स्टडीज में रिफ्लेक्ट होती है। जो इरेगुलर है वो पढ़ाई में भी इरेगुलर है, जो क्लास में इरेगुलर है वो लाइफ की हर चीज में इरेगुलर है। ये मैसेज है जो आप क्रिएट करके कल्टीवेट करते हो अपनी लाइफ में, उसको हैबिट बना लेते हो, बीइंग इरेगुलर, बीइंग इनकंसिस्टेंट, बीइंग इम्प्रॉपर, बीइंग नॉन पंक्चुअल, ये एक हैबिट बन जाती है, इसको ट्रेंड बनाते हो आप अपने आप में, इन चीजों को कल्टीवेट करते हो। इसे कल्टीवेट मत कीजिए, मेक इट अ हैबिट, है ना। विनिंग एक स्ट्रेटेजी होता है और वो गुड क्वालिटीज के साथ होता है, आप रॉन्ग क्वालिटीज के साथ या विदाउट क्वालिटीज आप विनिंग स्ट्रेटेजीज में फिट नहीं बैठ सकते, ठीक है। तो ये स्ट्रेटेजीज हैं, आप इसे प्रॉपरली फॉलो करने की कोशिशें करिए, ठीक है। और कुछ डाउट डिफिकल्टी है?